through the sun rays, and till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का फौजी अजय स्पोर्ट क्वालिफायर्स पावर्ड बाय गेम.टीवी। मेरा नाम है संजीव, यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे गाइस। आज एक से बढ़कर एक टीम हमको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले। आप लोग क्या नाम पढ़ के यहाँ पर समझ गए होंगे, फौजी अजय स्पोर्ट क्वालिफायर्स होने वाला। टॉप थ्री टीम्स यहाँ से क्वालिफाई होकर जाने लगता है, देखना होगा। बट सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके कमेंट्स जो है वो एक बार देख लेता हूँ। हैशटैग आपकी तरफ से हमें देखने के मिल रहा है, जितनी भी टीम्स आज यहाँ पर निकल कर जाएंगी, एक से बढ़कर एक टीम होगी एंड एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर भारी पढ़ने वाले। हर एक टीम को सोच समझकर गेम के अंदर रखना होगा कदम को, कि हर कदम पर मिल सकती है कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई M79 निकल कर आ सकता है, स्नाइपर पड़ सकती है, नॉक यहाँ पर निकाल जाएंगे, नजर हटेगी तो यहाँ पर बिल्कुल दुर्घटना घटेगी, नॉक यहाँ पर निकाले जाएंगे। बट गाइस आगे बढ़ेंगे उससे पहले चलते हमारे कास्टर की तरफ, जानते स्टार तानिया से कि आज यहाँ पर क्या कुछ मुमकिन होने वाला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक टीम तानिया आज यहाँ पर होने वाली है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, एक से बढ़के एक टीम है, 12 टीम है, बट सिर्फ तीन टीम्स को मौका मिलने वाला है, तो प्रेशर आज काफी ज्यादा होगा संजीव। और टीम लिस्ट जो मैंने देखी है वो ऑलरेडी बताती है कि 12 की 12 स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, तो जस्ट इमेजिन द कॉम्पिटिशन लेवल दैट माइट कम इन रियल सून, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाने वाले हैं आज जिसका दिन होगा वो टीम आगे बढ़ेगी। मेहनत सबको करनी होगी इक्वली। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेहनत करनी होगी गाइस। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया टॉप थ्री टीम्स आज यहाँ से क्वालिफाई होकर जाने वाले। गाइस यार मैं ज्यादा यहाँ पर वक्त नहीं लगाऊंगा यार, आपको टीम्स यहाँ पर दिखलाऊंगा कौन कौन से आपके फेवरेट प्लेयर्स होने वाले, फेवरेट टीम्स यहाँ पर रहने वाले। तो चलते यहाँ पर और जानते टीम लिस्ट में आपके कौन कौन सी टीम्स होने वाले जो आज यहाँ पर कहर बरसा पाई है। बट TSG यहाँ पर पहला नाम हमको देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, टू साइड गेमर्स होने वाला पहला नाम, फैन फेवरेट टीम यहाँ पर रहेगी। उसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी टीम एलीट, जो की बिल्कुल एग्रेशन से भरपूर रहने वाली, अच्छा खासा रश गेम प्ले यहाँ पर दिखाएगा। स्टार्टिंग में लूट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्नाइपर्स जैसी मिलेगी वैसे ही कमाल का गेम प्ले यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसके बाद सिक्स सेंस भी हमको देखने मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, फैक्ट्री एंड मार्स इलेक्ट्रिक पर ये टीम उतरती है, अच्छी खासे लूट करने के बाद तानिया आगे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, और गैलेक्सी रेसर्स भी हमें देखने के लिए मिलती है, फोर अननोन हाईएस्ट रैंकिंग टीम यूजुअली। आरओ ईस्पोर्ट्स भी हमें देखने के लिए आज मिलेगी, टॉकिंग अबाउट FZ ईस्पोर्ट्स, इन पर भी हमारी नजरें होंगी। ज्ञान गेमिंग की भी टीम है, टीम केओस भी है, 2B गेमर भी हमको देखने के लिए मिलेंगे, AS ईस्पोर्ट्स एंड द बेस्ट पार्ट इज CRX डिवाइन भी हमें देखने के लिए मिलेगी। एंड रिसेंटली दिस डीवा ग्रुप इज डेफिनेटली परफॉर्मिंग ब्यूटिफुली वेल। बट टॉकिंग अबाउट द हैशटैग TSG और टीम एलीट के जो
हैशटैग्स लग रहे हैं, दिल से टीम इलीट और ब्लू हार्ट स्पैम हो रहे हैं। तो जो जो यहाँ पर टीम इलीट के फैन हैं, जो सपोर्ट करने के लिए आए, जो चीयर करने के लिए आए, वो ब्लू हार्ट्स लगाते जाइए। एंड रेड हार्ट्स किसके लिए लग रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि सिर्फ ब्लू हार्ट्स नजर नहीं आ रहे, रेड हार्ट्स भी नजर आ रहे हैं बिना किसी टीम के। तो वो हमें जरूर बताइएगा कि रेड हार्ट्स किसके लिए। एंड थैंक्स फॉर द अपडेट, येलो हार्ट्स गैलेक्सी रेसर्स के लिए संजीव चल रहे हैं। अब कलर्स को भी डिवाइड कर दिया गया है, हर एक हार्ट का अलग अलग कलर, अलग अलग टीम। अच्छा लगता है देखकर, जब जिस तरीके से आप आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते रहिए, चीयर करते रहिए, मोटिवेशन बनता है व्यूअर्स के लिए भी और इसी के साथ फॉर श्योर टीम के लिए भी। क्या आज मेरे फैंस हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल गाइस, आपकी टीम अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएंगे, आपको क्या करना है, सपोर्ट यहाँ पर करना है, टीम को लाइक करना है, शेयर करके अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुला के लाना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। यहाँ पर हम लोग देखे थे ब्लू हार्ट स्पैम किए जा रहे टीम लीड के, तो देखना होगा आज टीम लीड का प्रदर्शन कैसा आज यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलने वाला। जी हाँ गाइस, देखना होगा, छह मैचेस टोटली यहाँ पर रहने वाले हैं, टॉप थ्री टीम्स क्वालिफाई होंगे यार, एक से बढ़कर एक टीम। हम ये कुछ नहीं कह सकते यार कि एक टीम यहाँ पर निकल कर आगे आएगी जो हर एक गेम में अच्छा गेम प्ले दिखा पाए, किसी के भी ऊपर कोई भी भार यहाँ पर पड़ सकता। तो एक बार हम लोग यहाँ पर मैप्स का फॉर्मेट देख लेते हैं, कौन कौन से मैप्स आज हमको यहाँ पर नजर आने वाले। जी हाँ गाइस, अगर हम लोग बात करें पहले मैप की, तो बरमूडा मैप यहाँ पर रहेगा, जाना पहचाना मैप रहेगा आपकी नजरों के आगे। एंड हर एक रोटेशन आपको भी पता है कैसे यहाँ पर लिए जाएंगे। उसके बाद परगेटरी मैप हमको देखने लिए मिल जाएगा, लंबी रोटेशन इसमें लेने होंगे। बट काला हरी मैप पे थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पाते प्लेयर्स कहाँ पर जाना है, क्योंकि ओपन एरियाज बहुत ज्यादा हमको देखने लिए मिलते हैं। बट जो हमारे मैप्स गाइस ऐसे ही रिपीट होते हुए नजर आ जाएंगे, बरमूडा, परगेटरी, कालाहारी सेकंड टाइम हमको देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, तो देखा जाएगा यार ये छह मैचेस के अंदर जो तीनों मैप्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले, इसके अंदर कितना ज्यादा, आई थिंक कितनी ज्यादा आग लगने वाली है। यस, काफी ज्यादा हीटेड अप मैचेस रहने वाले हैं। एंड आई एम वेरी श्योर आज ऐसा दिन नहीं होगा कि एक ही टीम डोमिनेट करेगी, क्योंकि हर एक से बढ़ के एक टीम हो रही है, तो काफी ज्यादा शेयरिंग होने वाली है स्कोर्स में भी, किल्स में भी, और यहाँ पर हो सकता है कि हमें थर्ड पार्टी अफेयर भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिले, क्योंकि इसमें ये टीम्स भी हैं जो रोटेशन पे ज्यादा फोकस देती हैं, जो सर्वाइवल पर ज्यादा फोकस देती हैं, और फाइनल थर्ड या फोर्थ सर्कल के बाद बैटल पिक करती हैं। तो जोन प्रेडिक्शन भी आज ऑन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा फॉर श्योर। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने के लिए मिले। गाइस, आपके जितने भी क्वेश्चंस है यार, मैं सुबह वाली स्ट्रीम में भी यहाँ पर आपको मैंने बताया था, जितने भी क्वेश्चंस आपके रिलेटेड टू गेम रहेंगे या फिर किसी टीम की स्ट्रेटेजी आपको जाननी है, तो यार मैं यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल हूँ आपके साथ। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करोगे, मैं आपके सबके यहाँ पर रिप्लाई दूंगा, सारी प्रॉब्लम आपके यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। आपको रोटेशन लेने में दिक्कत है, कोई राइट में जाना है, कहाँ लेफ्ट में जाना है, टीम को फॉर्म कैसे करना है, क्या कुछ प्लेयर्स आपकी टीम में होने वाले, अगर डर लगता है तो उसका भी मैं बताऊंगा क्या उपाय यहाँ पर होगा। तो कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग गेम प्ले, आप डेफिनेटली संजीव वन ऑफ द प्रो प्लेयर एंड एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनसे आप अपने लिए सजेशंस ले सकते हैं। देखो, ही कैन सजेस्ट बट फॉलो या नहीं फॉलो करना, दैट इज अप टू यू। तो सजेशन ले लो, राय ले लो, गेट अ एक्सपर्ट आउटपुट, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पिटिटिव स्टेज पर कि रोटेशन कैसे लेना है, किस तरीके से सर्वाइवल पॉइंट दिखाना है। तो ही इज गोइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और यहाँ पर आप टोटल गेमिंग यहाँ पर आज नहीं खेल रहा है माफक गेमिंग, जिनके लिए आप यहाँ हार्ट लगा रहे हैं, तो फिर भी थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट। तो आज हम रेड कलर दे देंगे सिक्स सेंस को, क्योंकि उनका लोगो रेड है, तो जो यहाँ सिक्स सेंस को सपोर्ट करता है वो रेड हार्ट स्पैम कर दे। जो यहाँ पर टीएसडी के लिए भी रेड हार्ट चल रहे हैं, ओके हार्ट्स ऐसे ही रैंडम कलर्स चल रहे हैं, रेनबो कलर चल रहे हैं, आप जो चाहे करें, आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल गाइस, से सपोर्ट अपना ऐसे ही बनाए रखिएगा, स्ट्रीम को शेयर भी कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स को यहाँ पर बुला के लें। देखना होगा आज का जो गेम प्ले यहाँ पर निकल कर आने वाला, हमारा मैच कितनी देर में स्टार्ट हो पाएगा, बरमूडा मैप में कितनी अच्छी प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी, फोर अननोन होने वाले टीएसजी यहाँ पर रहने वाले, देखना होगा कितने अच्छे लूट यहाँ पर निकाली जाएगी। बट वेंडिंग मशीन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहां पर नेट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर स्नाइपर्स पिक की जाएंगे। तो देखना होगा कितने नेट्स कितने प्लेयर्स के पास निकल कर आने वाले। एंड गाइस, यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगा कि यार अभी का जो वक्त यहाँ पर चल रहा है, आज के टाइम में प्लेयर्स क्या करें, सिंपल से मैं बताऊंगा, हर एक टूर्नामेंट में यहाँ पर कास्ट करता हूँ, मुझे पता चलता है कि यार मोस्टली टीम में एक जो प्लेयर ऐसा होता है ना, सभी प्लेयर्स के पास ज्यादा नेट्स नहीं रहेंगे, बट एक प्लेयर ऐसे रहता है 10 से 15 नेट उसके पास रहते हैं, जैसे कोई टीम सामने आती है शॉर्ट रेंज में, वो इतने सारे नेट्स बरसाते हैं कि यार सामने वाली टीम को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। निजली एक या दो प्लेयर नॉक हुए, रश यहाँ पर किया एंड अच्छे से चार किल यहाँ पर अपने नाम कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमारा पहला मैच स्टार्ट हो चुका, फेन पाथ यहाँ पर जाएगा, थोड़ा सा सिंपल रहेगा, बट आई थिंक टीम इलीट क्या केप टाउन की तरफ पहुंच पाएगी वो देखना होगा। एंड सी के साथ हम लोग बात करेंगे गाइस, सर फोर अननोन
प्लांटेशन के ऊपर क्या उतरती है उनको नजर आ जाएगी, क्या उनके पास यहाँ पर हाई टियर लूट निकल कर आएगी, क्या स्नाइपर्स यहाँ पर जल्दी जल्दी पिक कर पाएंगे। बट ये फाइट बहुत अच्छी खासी पोजिटिव रहेगी, जैसे कि हमने बोला सिक्स एंड फैक्ट्री एंड मार्स इलेक्ट्रिक पर स्प्लिट होकर लूट करना पसंद करते हैं। यहाँ पर यस मार्स इलेक्ट्रिक पर और फैक्ट्री साइड पर दोनों पर अपना जो है स्पेस डिसाइड करते हैं, लूट करते हैं, तो हम देखेंगे इनकी लूट आगे कैसे चलेगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करंट सिचुएशन यही है कि द टीम इट इज टीम ओपी जो स्प्रेड आउट होकर भी मास सक्री पर लूट कर रही है, इकट्ठा नहीं है। एंड कल मेरे ख्याल से दिस इज द टीम विच हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द नेम दिल्ली टाइटन्स। कल डोमिनेंट गेम प्ले ये टीम की ओर से नजर आया था, हम आगे चल के भी देखना चाहेंगे कि क्या टीम ओपी इसी तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगी, because निकू was the MVP then, क्या आज भी निकू हमें इसी तरीके का परफॉर्मेंस देंगे। मिल पर as always गैलेक्सी रेसर का दावा, कोई भी ग्राउंड शेयर नहीं कर रहा है, अच्छे से लूट चल रही है। एंड फॉर नाउ गोल्डन ने व्हीकल जमा करना शुरू कर दिया है फॉर द इजियर रोटेशन, व्हीकल पर फोकस जो है वो काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। मेटा में इंपॉर्टेंस व्हीकल का आई थिंक ट्राई सीरीज के बाद बड़ा है। एंड फर्स्ट ब्लड एरो आईबी की टीम से जॉन्टी को एलिमिनेट कर दिया है, तो टीम इलीट को काफी बड़ा झटका ऑलरेडी। बिल्कुल यहाँ पर झटका दिया गया, देखना होगा गाइस यहाँ पर किलर आरडी पे आइकॉनिक यहाँ पर कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे। जहाँ गाइस स्टार्टिंग में लैंड एंड फाइट को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, बट अभी तक लूट इनके पास निकल कर नहीं आ पाई है, यहाँ पर थोड़ा सा भागते हुए हमको नजर आने वाले। जी हाँ गाइस आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो केप टाउन के ऊपर फाइनली ये प्लेयर्स पहुंच जाएंगे, लूट इनके पास अच्छी खासी यहाँ पर होने वाली। आइकॉनिक एक तरफ है, जल्दी से जाएंगे कैरेटोन यहाँ पर पूरा का पूरा लूट करते हुए हमको नजर आने वाले। टोकन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने होंगे जिससे अच्छे वेपन्स यहाँ पर निकाल पाए एंड एक अच्छी फाइट ये लोग यहाँ पर पिक कर पाए। बट गाइस चलते हैं यहाँ पर और जानेंगे यार ये जो टीम यहाँ पर आने वाली आरडीपी मैक्स 7 हमें उनके पास देखने के लिए मिल रहे हैं। गाइस जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था कि यार आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यार पूछने हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ पर आपको दूंगा। तो अभी टीम मिलीट यहाँ पर लूट करने में थोड़ा सा व्यस्त रहने वाली, अच्छे खासे वेपन्स उनको यहाँ पर उठाने होंगे, वेस्ट हेलमेट ढूंढना होगा जिससे इनके पास थोड़ा डैमेज कम पड़े एंड ये एक अच्छी फाइट चाहे वो दूसरी टीम के साथ ले पाए। बट केप टाउन आई थिंक कोई भी टीम आती नहीं है एंड मोस्टली कॉर्नर के एरिया, तो अच्छी खासी लूट भी रह रही है, रोटेशन लेने में भी यहाँ पर इनको आसानी मिल जाती। तो यहाँ पर दूसरी तरफ TSG होने वाली है एंड TSG का एक ही गेम प्ले यहाँ पर रहता है। आई थिंक यार आपको मैं सारे राज बता दूंगा हर एक टीम का। TSG उतरती बुलसाई के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर जाती है ग्रेवयार्ड के ऊपर, देखती है कि यार कोई टीम नहीं है तो लूट करते हैं, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके जाते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्वेटरी के पहाड़ के ऊपर ताकि एक टीम उनके सामने हो एंड वो किसी एक प्लेयर को शिकार बना के एक किल अपने खाते में ले पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अपने लिए फ्रैग्स की भी सर्च में होंगे। तो फॉर नाउ TSG लेजेंड ओजेसी आयुष एंड विहान लूट करते हुए बुल्सआई के ऊपर, और जैसे कि अब हमें भी पता चल चुका है कि TSG गोस फॉर बुल्सआई थैंक्स टू संजीव के हर एक टीम के लैंडिंग पॉइंट्स, हर एक टीम के लूट पॉइंट्स और हर एक टीम के रोटेशंस बाय हार्ट करते हैं और हमें बताते भी हैं। बट फॉर नाउ दे आर आल्सो शेयरिंग द ग्राउंड्स विद वन मोर टीम व्हिच इज गोइंग टू बी टीम केओस। टीम केओस के स्कैरी क्या आज भी अपनी टीम के लिए बेस्ट ग्रेनेड मैन बनेंगे, क्या वो बेस्ट फ्लैंकर बनेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि स्कैरी का एक स्ट्रेटजी होता है अपनी टीम से सबसे ज्यादा दूर खेलते हैं और वहां से इतनी अच्छी तरीके की इंटेल इंफॉर्मेशन निकाल कर लाते हैं जिससे ज्यादा किल उनकी टीम अक्वायर कर सके। एंड दिस हैज टू बी अ गुड स्ट्रेटजी, ना कि सिर्फ यही टीम से, दूसरी कई सारी टीम्स हैं जिनसे हमें ये इंटेल मिल जाता है। फ्लैंकर का काम ही यही होता है। स्कैरी अभी फेंस के चलते होल्ड करके बैठे हुए हैं, इज नॉट पुशिंग हिमसेल्फ क्योंकि डिस्टेंस अभी भी इतना ज्यादा है कि फुटवर्क जो है वो सुनाई नहीं दे रहा होगा। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर 4 अननोन हमको देखने लिए मिल चुके, शिपयार्ड का एरिया यहाँ पर रहने वाला, इनके रोटेशंस भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। बट यार ये चारों प्लेयर्स यहाँ पर लूट करेंगे, देखना होगा आनंद है स्वास्थ्य जो इस टीम की यहाँ पर जान होने वाले, कितने किल्स निकाले जाएंगे। एक क्रशर है तो दूसरा स्नाइपर प्लेयर हमको देखने लिए मिलता है, अच्छे खासे किल पॉइंट्स ये दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पर निकालते हैं। तो अभी यहाँ पर रोटेशंस भी ले जाएंगे बट स्वास्तिक के पास इस बार हमें देखने के लिए मिल रही है VSS, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हमको नजर आ जाएंगे। विजार्डो भी साथ में रहने वाला, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझकर इनको रोटेशंस लेने होंगे। पहला मैच यहाँ पर होने वाला, सिर्फ एक ही किल यहाँ पर कंफर्म किया गया, 47 प्लेयर्स यहाँ पर अलाइव एंड कोई भी टीम की फाइट अभी हमें फिलहाल कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो गाइस थोड़ा सा संभल कर टीम जो है वो खेलना चाहते हैं, टॉप 3 में क्वालिफाई होना है तो उसके लिए मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना होगा थर्ड सर्कल में कैसे भी करके अपने कदम रख पाए और चारों प्लेयर्स को अलाइव यहां पर रखा जाए। तो यार ब्रैक्सटन आगे की तरफ बढ़ रहा है, 2B गेमर हमको यहां पर देखने के लिए मिल रही है, सेंटोसा का एरिया है, बहुत अच्छी लूट इस एरिया के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है। हालांकि कॉर्नर में रहता तो यार मोस्टली जो
प्रो टीम्स होती है या फिर आगे की जो टीम्स होती है वो किल पॉइंट एंड इस चीज पे फोकस करती है, इससे वो कॉर्नर के एरियाज में उतरना नहीं पसंद करती है। बट जो टीम थोड़ा सर्वाइव करती है सोचते कि हम लोग यार थर्ड सर्कल में भी जा पाए तो वो कॉर्नर में उतर के जल्दी से लूट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सर्वाइव करके यहाँ पर रोटेशन लेकर सर्कल में जाते हैं। Yes, absolutely. यही रोटेशन का इम्पोर्टेंस है, यही फ्लैंकिंग का इम्पोर्टेंस है। तो अभी देखेंगे टीम सीआरएक्स जो स्प्लिट स्ट्रैटेजी में खेल रही है, रियाना ओवर एक्सटेंड कर चुकी है, अपने आप को काफी ज्यादा रिस्क में डाल चुकी है और उनके सामने निकू होने वाले हैं 1v1 सिचुएशन। ब्लू वॉल से बचकर अभी के लिए रियाना रिज के कवर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है, हल्का सा डैमेज है। लुक एट द रिस्क, शी टुक सीधा ओपोनेंट के ग्लू वॉल में एंट्री, शेर ने दूर से कवर फायर दे रही है, बट दिस कवर फायर इज नेवर गोइंग टू बी सफिशिएंट एनफ टू सपोर्ट द teammates. Sherni could be knocked down. It is all up to Sushi and Sneha. And yeah, say OP Ansh distance cover fire dete hue nazar aa rahe hain, jinhone Sushi ko spot kar diya hai, damage bhi deliver diya hai. And look at the strategy of team OP at this point of time. Sanjeev, kill confirm nahi kiye ja rahe, 1v1 knock confirm kiya ja raha hai aur wait kar rahe hain ki koi aur team teammate expose kare apne aap ko, wahan se hum damage denge aur ek knock confirm karenge, isi tarike se squad wipe. Lekin yahan par AS Esports ki entry kafi zyada kareeb, jiska advantage AS Esports मिल सकता है बट यहाँ पर अंश को बहुत ज्यादा लो करके रखा जाएगा। टीम ज्ञान गेमिंग यहाँ पर कितना अच्छा गेम प्ले दिखाने वाली, फिलहाल एक नॉक यहाँ पर निकला जाएगा, अंश को भी यहाँ पर नॉक कर जाएगा और देखते देखते दोनों ही प्लेयर्स को, टीममेट्स को यहाँ पर अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने के लिए भागना होगा। बट आई थिंक लगता नहीं कि यहाँ पर एएस के लिए कोई भी संभावनाएं होने वाली, बट यहाँ पर एक और प्लेयर को पकड़ा जा चुका है, ऋषभ यहाँ पर नॉक हो जाएगा। फाइनली देखना होगा रिवाइव क्या मिलेगा, बट अंश को यहाँ पर फिनिश ऑफ कर देगा, निक्कू एंड राहुल हमको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। तो गाइस क्या ये दोनों प्लेयर कदम पीछे हटाएंगे, ट्राई करें, बट यहाँ पर एक कॉर्प प्लेयर को नॉक करेंगे, सीआरएक्स सुशी यहाँ पर नॉक हो जाएगा, देखते देखते कॉर्प प्लेयर को पकड़ा जाएगा, राहुल इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे, जल्दी से भागना होगा, रिवाइव यहाँ पर देना होगा। तीन टीम्स की जो फाइट यहाँ पर चल रही है उसका विजेता कौन यहाँ पर निकल कर आएगा देखना होगा, बट फोर अननोन भी यहाँ पर फाइट में उलझी हुई है, आई थिंक सामने एस होने वाले हैं यहाँ पर देखना जाए तो फोर अननोन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले। तो गाइस यहाँ पर सेंटर में आई थिंक दोनों टीम्स के बीच में बैठी हुई, इसके बाद बात करेंगे स्वास्थ्य के पास होने वाली, आई थिंक वीएसएस नेट्स का प्रहार यहाँ पर क्या कर पाएंगे, जी हाँ देखना होगा, थोड़ा सा सोच समझ कर नेट्स है वो थ्रो करने होगा। टीम एक साइड में हो चुकी है, कंटेनर्स का कवर इनके पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है, उसके बाद बात करें तो विजार्डो भी रश करने में कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ गाइस एमटेन एंड एसकेएस उनके पास आने वाले, आनंद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ड्रोन व्यू की मदद से हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा फोर अननोन वर्सेस एएस, इस पर एक की मदद एक नॉक, ओ माय गॉड कुणाल एंड स्वास्तिक यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, देखना होगा विजार्डो इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे, क्या वो रिवाइव दे पाएंगे, जी नहीं फोर अननोन सबसे पहले यहाँ पर एलिमिनेट होगी 12th पोजीशन के ऊपर, एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर एएस ईस्पोर्ट की तरफ से फोर अननोन को लगा दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर जीरो पॉइंट्स के साथ एलिमिनेट होती हुई फर्स्ट टीम, जिस टीम से हमने सबसे ज्यादा किल्स की उम्मीदें रखी थी, व्यूअर्स ने उम्मीदें रखी थी, हो सकता है दिस इज जस्ट द फर्स्ट मैच, आगे चल के यहाँ से रिकवरी देखने के लिए मिले, बट एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अंकित जिन्होंने क्वाड्रा किल लिया है पूरी की पूरी अननोन स्क्वाड वाइप करने में, और वो भी आसानी से स्क्वाड वाइप किया, ऐसा नहीं है कि खुद बार बार नॉक हो रहे थे, रिवाइव हो रहे थे, फ्लॉलेस विक्ट्री कहते हैं उन्होंने वो फ्लॉलेस विक्ट्री हासिल कर ली है। सामने बिल्कुल हैंगर पर टीम टीएसजी इट इज भागने के लिए सक्षम होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर विवेक अपनी बेस्ट वुड पैकर स्किल्स के साथ नॉक पर नॉक कंफर्म किए जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर की जा रही है, बट गाइस गैलेक्सी रेसर आई थिंक यहाँ पर ट्राई करेगी, बट यार दूसरी तरफ यहाँ पर और भी टीम्स की फाइट हो रही है सेम टाइम पर, देखना होगा गैलेक्सी रेसर कितने पॉइंट्स यहाँ पर इस क्लॉक टावर के एरिया से निकाल कर जाने वाले। हालांकि हम लोग इनको देखते हैं अच्छे रोटेशन इनकी तरफ से देखने में मिलते हैं, कोई भी फाइट को ये बिना खत्म करे नहीं जाते आगे की तरफ। तो सामने हमें यहाँ पर एसिड स्पोर्ट देखने में मिल रही है क्लॉक टावर के एरिया, बट यहाँ पर क्या नॉक निकाल पाएंगे मैरी एक्स यहाँ पर एक के बाद एक स्नाइपर शॉट, जी हाँ कनेक्ट करेंगे देखना होगा, एंड ये जो प्लेयर है कितनी लंबी उड़ान यहाँ पर भर पाएगा। पंक तो हमको देखने लिए मिल चुके हैं, बट ज्यादा से ज्यादा नॉक्स इनको यहाँ पर निकालने होंगे, इसी के साथ साथ डबल स्टोरी के अंदर आ चुका है, ऊपर टीम बैठी हुई है ब्लैक कंपाउंड के अंदर, जी हाँ गाइस थोड़ा तो बाहर भी है, अच्छा खासा कवर इनके पास यहाँ पर रहने वाला, ड्रोन व्यू की मदद से हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों टीम से रोटेशन देने में बिलीव करना चाहेंगे, एफजेड के पास एक अच्छा खासा मौका कि वो टीम को जैसे तैसे करके रोक पाएगा, क्योंकि जीएक्सआर इतना आसान नहीं रहेगा ऊपर की तरफ रश करना, ऑलरेडी यहाँ पर बादशाह बॉय को बहुत ज्यादा डैमेज जो है वो दिया गया है।
यस, बार्सा बॉय ने काफी ज्यादा डैमेज टैंक अप किया, जल्द से जल्द हील अप करना होगा, रेडी होना पड़ेगा फाइट के लिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फाइट ऑफ टू लेजेंडरी टीम्स जो कि FZ Esports वर्सेस Galaxy Racers। यहां पे मिस्टर जय वाईटी को डाउन कर दिया गया है, कमिंग अप फ्रॉम टीम NXT। कवर फायर फैब इंद्रो से एक केस आ तो रहा है, लेकिन इट इज नॉट सफिशियंट एनफ टू कंफर्म द नॉक। ग्रेनेड पर ग्रेनेड आ रहा है, ग्लू वॉल को बिल्कुल सही जगह पर प्लेस कर दिया गया है, जय वाईटी को रिवाइव एंड ओपोनेंट्स में 2B गेमर्स यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, फायरिंग शॉट्स कंटिन्यू देते हुए, एक ग्रेनेड अटैक करते हुए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नॉक कोई भी नहीं निकल कर आ रहा है, एंड फैब इंद्रो का ग्रेनेड क्या कनेक्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता, वहां से ओपोनेंट्स ऑलरेडी दूर जा चुके हैं, एंड फैब इंद्रो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि प्लेयर अपने आप को रिवील करे और मैं फायरिंग शॉट इमीडिएटली दे दूं, तो क्या सक्सेसफुली वो फायरिंग शॉट दे सकने वाले हैं वो हम जरूर देखेंगे। स्टोनर क्लोज बैटल के साथ रेडी है शॉटगन अपने हाथों में लेकर। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेडी रहेंगे, ब्लाइजिंग देखना होगा सिक्स सेंस यहाँ पर क्या मुकाबला कर पाएंगे 2B गेमर का। मिस्टर जय वाईटी यहाँ पर M1014 के साथ बिल्कुल रेडी बैठे, क्या शिकार करेंगे यहाँ पर, कितना जल्दी टीम्स ऊपर आएंगे, बट स्टोनर को पकड़ा जाएगा और देखते देखते यहाँ पर मोंग जो है वो जाएंगे अपने टीम मेंबर का सपोर्ट करने के लिए, बट उनको फिनिश किया जाएगा कड़की की तरफ से। इसी के साथ अगर पीछे से जाते तो बिल्कुल बहुत सारे किल्स आप निकाल पाएंगे, मिस्टर जय वाईटी देख लीजिए आपने पकड़ा एक और नॉक, क्या निकाल पाएंगे? जी नहीं, उनको भी यहाँ पर नॉक करके रखा जाएगा। यहाँ पर आई थिंक नेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कोई नॉक यहाँ पर निकल कर आ पाएगा? आई थिंक सेंटर में फेंकेंगे तो ज्यादा फायदा फैब इंद्रो को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, बट आई थिंक एक नॉक जरूर यहाँ पर निकाला जाएगा, ब्रैक्सटन यहाँ पर नॉक हो जाएगा, मिस्टर जय वाईटी को फिनिश ऑफ यहाँ पर कर दिया जाएगा ओल्ड मॉन्क। आई थिंक मॉन्क यहाँ पर क्या ऊपर की तरफ जाने वाले, वॉच लगाकर अपने आप को सेफली बचाया जा रहा है, देखना होगा सपोर्ट यहाँ पर कितना ज्यादा इनको मिलने वाला, बट यार 2B गेमर क्या इनको छोड़ने वाले इतने आसानी से? यहाँ पर ये दोनों प्लेयर्स यहाँ से निकल कर जल्दी से जल्दी जाएंगे रिमनाम विलेज के ऊपर, अपने लिए सेफ जगह यहाँ पर बनाना चाहेंगे, तो देखना होगा इस सेकंड टीम कौन सी होगी जो यहाँ पर एलिमिनेट होने वाली। तो गाइस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला था यार, आज एक से बढ़कर एक टीम है, एक दूसरे के ऊपर भारी भी पड़ेंगे, टीम ज्ञान गेमिंग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले, देख सकते हो यार यहाँ पर फाइट जो है वो रुकने वाली नहीं है, टीम ज्ञान गेमिंग के लिए थोड़ा सा खतरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एरो ईस्पोर्ट उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, साथ ही साथ AS ईस्पोर्ट भी यहाँ पर थोड़ी सी बिखरी हुई हमको नजर आ रही थी, वो बिल्कुल भी फायरिंग शॉट्स नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर फायरिंग शॉट दिया तो अपने लिए यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी वो मार सकते हैं, बिल्कुल अपने आप को रिस्क में डाल सकते हैं, तो जरूर देखेंगे यहाँ से उनकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से आगे जाएगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर्कल इस तरीके का शिफ्ट ले चुका है कि सिर्फ तीन टीम्स हमें सर्कल के अंदर नजर आ रही हैं, स्नेहा अभी भी अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, टीम ओपी वर्सेस स्नेहा एनी मोमेंट ऑफ द टाइम हो सकता है, गैलेक्सी रेसर बी TSG के साथ पैरेलली सर्कल में एंट्री होते हुए नजर आ रही है, स्नेहा को स्पॉट नहीं किया गया है एज ऑफ नाउ, बिल्कुल सामने वाले वुडन शैक में तीन प्लेयर्स हैं और आराम से बैठे हुए, लेकिन टीम मिली थी आराम से बिल्कुल नहीं बैठी हुई, RDP विद 1 taken down as well, iconic mag 7 के साथ यहां पे trade fire में एक और प्लेयर को डाउन करते हैं, दूसरे प्लेयर को डाउन करने की कोशिश में खुद डाउन हो जाते हैं, Galaxy Racer यहां पर आमना सामना करती हुई, and at this point of time VK को revive definitely दे दिया जाएगा, 0 kill के साथ Roman ready है mag 7 के साथ attack करते हुए, और team elite eliminated, 3 kill खाते में जा चुके हैं team FZ के, और यहां पर अब circle का सफर तय करना शुरू करना होगा। जी बिल्कुल, यहां पर सर आई थिंक सफर तो शुरू होने वाला, बट मॉन्क यहाँ पर फिनिश ऑफ हो जाएगी, सिक्स सेंस को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा। जी हाँ गाइस, आप लोग देख सकते हैं टीम लीड एंड 4 अननोन, और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्स सेंस को एलिमिनेट किया जाएगा, उधर बिल्कुल हर एक टीम को एलिमिनेट किया जाएगा, जो भी यहाँ पर जितना अच्छा फायर पावर दिखाएगा, जितनी अच्छी शॉर्ट रेंज की फाइट देगा, वही यहाँ पर देर तक टिकने वाला, बट दूसरा एरो इस पर 2 किल्स यहाँ पर निकालेगा, बट कितनी देर तक इस रिमनाम विलेज के ऊपर अपने लिए जगह बनाकर रख पाएंगे? जुनैद यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर नेट्स क्या कनेक्ट हो पाएंगे, सामने CRX हमको देखने लिए मिलने वाले। जी हाँ गाइस, आगे नेट्स जो है थ्रो बिल्कुल किया जाएंगे, बट CRX डिवाइन यहाँ पर क्या बच पाएंगे, बट एक और टीम यहाँ पर रहने वाली जो स्वाद चखने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ने वाली, ज्ञान गेमिंग हमको देखने लिए मिल जाएगी, 9 टीम्स अलाइव, 24 प्लेयर्स यहाँ पर हमको देखने के लिए बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाले, बट दूसरा Galaxy Racer के ऊपर नेट्स की बौछार यहाँ पर की जाएगी, FZ इस पर क्या आगे बढ़ पाएगी, उनके ऊपर M79 का प्रहार भी किया जा रहा है, VRC के साथ इसी के साथ साथ आगे बढ़ेगी, सर्कल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला, बट यहाँ पर नेट गोल्डन बिल्कुल थ्रो करने वाले, क्या नॉक यहाँ पर निकाल पाएंगे, वॉल्स लगाकर अपने आपको बचाते हुए हमको प्लेस नजर आने वाले, बार्सा बॉय सामने वॉल लगाएंगे, अपने लिए एक अच्छा कवर बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे, बट गोल्डन को पकड़ा जा चुके नॉक यहाँ पर करेंगे, FGV के यहाँ पर नॉक हो जाएगी, इसी के साथ साथ बार्सा बॉय मैरिक तो ही प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहने वाले, बट दूसरा CRX जीवन का एलिमिनेट किया जाएगा, FG स्पोर्ट यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आ जाएगी, Galaxy Racer 3 के लिए यहाँ पर निकालते अपने दोनों प्लेयर्स के साथ, उनको सर्वाइव करना होगा, 17 प्लेयर्स यहाँ पर
बचे रहने वाले। तो गाइस आपको क्या करना है, स्ट्रीम को लाइक करना है, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और साथ ही स्ट्रीम को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुला कर लाइए। बिल्कुल यहाँ पर बुला कर लाइए, साथ मिलकर देखिए अपने टीम फेवरेट प्लेयर्स को, फेवरेट टीम को साथ मिलकर सपोर्ट करिए। फायरिंग शॉट्स यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, अटैक यहाँ पर कंटिन्यूअसली शुरू है। यहाँ पर टू बी गेम में डायलिक जिरेसर को गेट कीप करते हुए नजर आ रही है। बारसा बॉय बहुत लो एचपी में बचे हुए हैं, मैरियक्स एंट्री ले चुके हैं, बारसा बॉय डाउन एंड एलिमिनेटेड। इट इज ऑल अप टू मैरियक्स, डायलिक जिरेसर कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। और ग्रेनेड लॉन्चर का यूज किया गया, मैरियक्स तक पहुंचता नहीं है ये अटैक जी। और यहाँ पर फायरिंग शॉट्स कनेक्ट कर पा रही है मैरियक्स और अपने लिए इतना टाइम कर पाए कि जल्द से जल्द हील अप कर ले। सो मैरियक्स वर्सेस कार्की, यहां से कौन सा प्लेयर एक पहले एलिमिनेट करेगा वो टीम। डेफिनेटली फॉर नाउ गैलेक्सी रेसर के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है, सोलो प्लेयर है। वेरेस इफ यू लुक एट टू बी गेमर, वहां पर काफी ज्यादा प्लेयर्स, तीन प्लेयर्स ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। इंडीड अ पूरी स्क्वाड अलाइव है और यहां पर मैजिशियन काफी है मैरियक्स को एलिमिनेट करने में। टू बी गेमर आज के दिन फर्स्ट मैच में बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस देते हुए 8 किल के साथ सर्कल के डेड सेंटर में भी नजर आ रहे हैं। ओजस एक समेट के साथ Chaos को एलिमिनेट कर देते हैं TSG के। अभी भी दो प्लेयर्स अलाइव हैं, एज़ अ ड्यूस आयुष स्पॉट हो जाते हैं एंड हैज बीन टेकन डाउन। ओजस ही है तो मे भी मुमकिन है बिकॉज़ ही इज यूजुअली द एमवीपी फॉर द टीम। फायरिंग शॉट्स कनेक्ट करके टीम ओपी को एलिमिनेट कर दिया गया और यहां पर मैजिशियन को एलिमिनेट करने की कोशिश में ब्रैक्सटन एलिमिनेट कर देते हैं TSG को और बुया लेकर चली जाती है टू बी गेमर, द टीम व्हिच वाज डेफिनेटली विद इन द सर्कल एंड हाईएस्ट रैंकिंग टीम एज वेल। बिल्कुल यहाँ पर तो गाइस टू बी गेमर पहले मैच में बुया निकाल कर जाएगी। बहुत ही शानदार गेम प्ले हमें यहाँ पर इनकी तरफ से देखने में मिला, कोई भी मौका नहीं दिया। सोलो सर्वाइवर हो चाहे फिर कोई भी टीम इनके सामने आ जाए यार, बिल्कुल भी अपने कदम इन्होंने नहीं जमाने दिए किसी के भी। आई थिंक थोड़ा सा सोचा जाए तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा ताने एक ही टीम को लेकर। स्टार्टिंग में जो टीम एलिमिनेट हुई, फोर अननोन हुई, सिक्स रन हुई एंड यहाँ पर टीम लीड भी हुई था, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को सबसे पहले एलिमिनेट किया गया, तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा? यस, बड़े नाम है बट ईच एंड एवरी टीम इज कमिंग थ्रू द क्वालिफिकेशन प्रोसेस, फिल्टर होकर आई हुई है, तो डेफिनेटली कैलिबर है दूसरी टीम्स के अंदर। स्पेशली एएस ईस्पोर्ट्स ने जिस तरीके से थर्ड पार्टी अफेयर में वो बैटल जीती विद द कवर ऑफ हार्ड कंटेनर्स, तो देखने के लायक है क्योंकि नई टीम्स भी यहाँ पर खेल रही हैं जिसके चलते जो कवर है वो क्रिएट करते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज दिखाते हैं। सो आई विल नॉट अंडर रेट एनी टीम। हो सकता है फर्स्ट मैच जो था वार्म अप मैच है जिसके चलते ओवर रेटेड टीम्स को, ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है, बट अब नेक्स्ट टाइम वो इतना इजी टारगेट अपने आप को बनने नहीं देंगे। बिल्कुल अब इतना आसान नहीं कहेंगे, अब हर एक टीम को समझ में आ जाएगी कि अभी उन्हें कैसे खेलना, कितने अच्छे पॉइंट्स कैसे यहाँ पर निकालने। सर्वाइव कर रहे थे तो सर्वाइव से काम नहीं चलेगा। फोर अननोन को हमने कभी ऐसे देखा नहीं कि वो रिमनाम विलेज की तरफ जाते हुए उनको नजर आते हैं। आई थिंक सर्कल लेने के लिए आते बट उनको नहीं पता होगा कि उनके सामने दो टीम ऐसे आ जाएगी और उनको ऐसे एलिमिनेट यहाँ पर किया जाएगा। फिर भी यहाँ पर पूरा ट्राई किया विजार्ड जो कि लास्ट प्लेयर बचे हुए थे उनकी तरफ से हमें देखने लिए मिला, बट टू बी गेमर ने अपने आपको कांस्टेंट रखा, हर एक जगह पर फाइट ली, किसी भी डायरेक्शन से किसी भी टीम को नहीं आना चाहिए। क्लॉक टावर हो जहाँ पर ऑलरेडी दो टीम फाइट ली थी, एफजेडी स्पोर्ट थी एंड उनके सामने गैलेक्सी रेसर थी, भले ही गैलेक्सी रेसर ने यहाँ पर फाइट को जीता बट यहाँ पर टू बी गेमर को भनक लग गई थी कि यार एक सोलो सर्वाइवर वहां पर बचा हुआ है। M79 थ्रो किया गया पहले वार से बचे बट दूसरी वार में जैसी डैमेज बड़ा प्लेयर थोड़ा सा यहाँ पर रोटेशन लिया एंड बाकी के जो दोनों प्लेयर्स टू बी गेमर के वो पहले से एकदम एम लगा के बैठे, थोड़ी सी झलक दिखेगी एंड वहां पर उनको एलिमिनेट करेंगे। Yes, टू बी गेमर की स्ट्रैटेजी अच्छी थी, सर्कल प्रेडिक्शन ऑन पॉइंट, सर्कल के अंदर पहुंच गए थे एंड क्लस्टर में नहीं खेल रहे थे, स्प्रेड आउट में खेल रहे थे, हर एक एंगल से किल्स जमा की जा रही थी एंड वी कैन नॉट अंडर रेट, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ओजस्वी। उन्होंने भी अच्छी तरीके से टीम ओपी की गेट कीपिंग की और यहाँ पर ब्लॉक भी किया, सक्सेसफुली ब्लॉक भी किया जोन में एंट्री लेने से, खुद थोड़ा सा जोन का डैमेज देकर एंटर हुए। जैसे मजिशियन को एलिमिनेट करने लग गए वहां पर सामने से टीम सपोर्ट था, चारों के चारों प्लेयर्स इंटैक्ट थे and the first match definitely hats off to 2B gamer, players bhi bachaye, highest fragger bhi bane, circle ka prediction bhi on point tha aur har different angle mein bhi game ki gatekeeping kare aur wo bhi successful gatekeeping thi without losing any player, kyunki aap battle karte ho wo ek cheez hai aur agar aap battle karke jeette ho without losing any player wo kafi zyada prioritize karta hai। बिल्कुल यहाँ पर करता है, तो गाइस देखना होगा हमारा अगला मैप यहाँ पर होने वाला परगेटरी मैप। यार मेक श्योर कि आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक कर दिया, शेयर करके अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर बुला कर लाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम आपको बहुत कुछ सिखाएगी भी, आपको यहाँ पर अप्लाई भी करना अपने टूर्नामेंट्स के अंदर। तो गाइस रेडी हो जाइए, हमारा अगला मैच यहाँ पर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला परगेटरी मैप, बहुत लंबे रोटेशन यहाँ पर लेने होंगे, टीम्स के ड्रॉप लोकेशंस कैसे यहाँ पर रहने वाले, कौन कौन सी टीम्स कहाँ कहाँ पर उतरने वाले। बट फोर अननोन की अगर हम लोग बात करते तो वो जाएगी मार्बल
वर्स के ऊपर टीम लीड जाएगी यहाँ पर स्किल के ऊपर। यहाँ पर गैलेक्सी रेसर की बात कर लिया तो वो अक्सर जाना पसंद करती है एक सेंट्रल के ऊपर, और यहाँ पर कभी कभार ब्राजीलिया पर भी हमको देखने लिए मिल जाती है। बट टीएचसी की बात किया तो ओनली ब्राजीलिया के ऊपर उतरती है, बट उनके साथ कितनी टीम्स यहाँ पर उतरने वाली है, कितनी अच्छी फाइट सबको यहाँ पर देखने लिए मिलेगी, तो गाइस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। और पर्गेटोरी के रोटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मैप है, आपको रोटेशन पर फोकस देना होगा और ये फोकस काफी ज्यादा हर तीन मैच के अंदर आई थिंक पर्गेटोरी के रोटेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि वहां पर जो है हर डिस्टेंस डिस्टेंस पर हार्ड कवर होता है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकेंड मैच फॉर द डे फॉर द एजेई स्पोर्ट्स क्वालिफायर्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। फ्लाइट पाथ तीनों आईलैंड को कवर करते हुए नजर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा साउथ वेस्टर्न ज्यादा है। ब्राजीलिया के ऊपर 3 से 4 टीम्स ऑलरेडी लैंड कर चुकी है, दूसरी कौन सी टीम यहाँ पर लैंड करेगी वो भी हम जरूर देखेंगे। हाईएस्ट रिसोर्स जोन पर जाती हुई टीम ओपी नजर आ रही है एंड टीम सीआरएक्स, और आगे बढ़ते हुए टुवर्ड्स लंबर मिल तो अर्ली बैटल हो सकता है टीम सीआरएक्स वर्सेस टीम सिक्स सेंस। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो सीआरएक्स डिवाइन जाएगी फोर्थ के ऊपर एरिया के अंदर, बट यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाला है, देखना होगा गैलेक्सी रेसर यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्व होते सामने टीम की ओर से देखने लिए मिल जाएगी कौन इस मुकाबले को यहाँ पर जीतने वाला है। मैरिक्स यहाँ पर ट्राई करेंगे P90 प्लस M16 के हाथों में हमें देखने लिए मिल जाएगी, खास अच्छे खासे शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज यहाँ पर निकलकर राजकोट बादशाह बॉय यहाँ पर बैठे हुए हैं घात लगाकर। आई थिंक कोई प्लेयर उनके सामने आएगा एंड वो उनको डैमेज देकर नॉक बिल्कुल यहाँ पर कर पाएंगे, तो देखना होगा। लूट अच्छी खासी है, नीचे का एरिया है ऊपर का एरिया है, बट यहाँ पर आई थिंक गोल्डन को शॉर्ट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। उसी के साथ हम लोग बात करते हैं रोटेशन लेकर, क्या कोई प्लेयर गैलेक्सी रेसर से यहाँ पर जो ब्रिज की तरफ से नीचे से ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर फ्लैंकर का काम कर सकते हैं, अच्छे खासे किल्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, बट ऊपर टीम की ओर से क्या वो उनको ऐसा करने देगी, एक बहुत अच्छी फाइट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली। तो गाइस यहाँ पर रेडी हो जाइए, देखना होगा स्कैरी यहाँ पर लूट करते हुए मैक्स 7 प्लाज्मा वेपन यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसी के साथ देख रहे हैं कोई प्लेयर यहाँ पर रोटेशन लेकर आगे की तरफ तो नहीं आ रहे, पीछे से तो कोई यहाँ पर नहीं आ रहे, विवेक एक तरफ रहेंगे। एंड इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच समझ के जो फाइट है वो यहाँ पर ले रहे होंगे। स्कैरी विवेक लिखी है नेक्स्ट डिवाइन हमको यहाँ पर यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये एक हिस्टोरिक फाइट है, हर बार टीम केओस और गैलेक्सी रेसर जब कहीं पर भी साथ में खेलते हैं दिस इज द ड्रॉप पॉइंट पर गेटोरी पर सेंट्रल पर ये बैटल जरूर देखने के लिए मिलती है। यहाँ से कोई भी एक टीम सर्वाइव कर आगे चली जाती है। टीम केओस ने यहाँ पर सेंट्रल पर काफी अच्छी तरीके से कब्जा जमा लिया है, गैलेक्सी रेसर बेसिक लूट करके आगे बढ़ चुकी है, सेंट्रल पर फाइट नहीं ले रही है विच इज नॉट सो टिपिकल ऑफ गैलेक्सी रेसर। नई स्ट्रैटेजी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी अगर यहाँ से गैलेक्सी रेसर चली जाती है। व्यूअर्स आपको क्या है, क्या यहां पर कोई बैटल होगी या फिर यहां पर से गैलेक्सी रेसर चली जाएगी अपना होम ग्राउंड छोड़कर? टॉकिंग अबाउट फोर अननोन मार्बल वर्क्स के ऊपर हर एक प्लेयर अलग अलग से लूट करते हुए नजर आ रहा है अपनी अपनी डिफरेंसेस के साथ, अपने अपने डिस्टेंस के साथ, और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा मैटर करेगा जब कोई और टीम की प्रेजेंस यहां पर हो जाएगी। वाटर रूट के आसपास वाले जो वुडन हाउस है वहां पर लूट की जा रही है, टॉकिंग अबाउट स्वस्तिक यहां पर मिल के पास और वी कैन से वेयर हाउस के पास लूट करते हुए, बिजार्डो स्नाइपर टावर से लूट करके नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट 4-5 मिनट्स होती हैं, दैट ऑलवेज जो भी करे अगर आप बैटल नहीं कर बिजी होना है, प्रीऑक्यूपाई होना है, दैट इज व्हाट फोर अननोन इज डूइंग। लेकिन स्कैटर होके लूट करना बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ एलिमेंट बढ़ जाता है, बिल्कुल पर बढ़ जाता है। गाइस यहाँ पर हमको देखने मिल जाएगी टीएसजी आर्मी, यहाँ पर चारों प्लेयर से रहने वाले लेजेंड ओजस्वी आयुष एंड विहान यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा सोच समझ के जो फाइट है वो यहाँ पर लेने होगी। बट गाइस अगर आपने अभी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। देखना होगा यहाँ पर टीएसजी ट्राई करे सामने एक टीम होने वाली, क्या उनका मुकाबला करेंगे एरो स्पोर्ट यहाँ पर हमको बिल्कुल जी हाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे बट एरो यहाँ पर हमको देखने मिले T2 के पास होने वाली है M8 2 भी, और यहाँ पर कार 98 रहने वाले डिफॉल्ट टीम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद M8 2 का एक झटका यहाँ पर लगाएंगे, प्लेयर को नॉक बिल्कुल यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा सोच समझकर फाइट्स को लेना होगा, बट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं GXR आई थिंक गैलेक्सी रेसर के पास प्लाज्मा और MXM देखने के लिए, बट यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुके हैं। VRC यहाँ पर ट्राई करे टीम क्योज के प्लेयर्स के ऊपर गोली चलाने के, बट यहाँ पर VRC को निकलना होगा, दोनों ही तरफ से घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्या कोई नॉक यहाँ पर निकल कर आ पाएगा? ट्राई करेंगे मेडिकेट से यहाँ पर लगाते हुए प्लेयर्स को नजर आने वाले, इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे रोटेशन यहाँ पर ली जा रहा है, बट यहाँ पर VRC को भी नॉक करके रखा जाएगा, बट दूसरी तरफ यहाँ पर केओस के प्लेयर्स को खत्म किया जाएगा। इकलौते प्लेयर मैरिक्स यहाँ पर बचे थे, कितनी देर तक यहाँ पर अपने आप को संभाल पाएंगे
हर कोई यही बोलेगा कि यार मैजिक्स को यहाँ से निकल जाना चाहिए, सर्वाइव करने के लिए अच्छे पॉइंट्स इनको यहाँ से निकालने चाहिए, बट कितनी देर तक यहाँ पर टिके रहने वाले, आई थिंक उनको भी स्पॉट कर लिया गया। यहाँ से बचना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होने वाला है, कितनी देर तक यहाँ पर निकल पाएंगे, कितनी जल्दी ऊपर जा पाएंगे, तो वो थोड़ा सोचना होगा इनको, बट यहाँ पर देर कर दिया, देर करने का यही नतीजा रहता है कि आप लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। Yes, यहाँ पर आप बचकर नहीं जा पाओगे, मैरिक्स कितनी देर तक बच पाएंगे, और यहाँ से उनके मुंह से मुंह के सामने क्रॉस आउट करने की कोशिश की, लिखी ने स्पॉट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो कोई हिस्ट्री यहाँ नहीं बनी, गैलेक्सी रेसर यहाँ से नहीं गई। सेंट्रल पर टीम क्योस अपना झंडा लहराते हुए नजर आ रही है, 4 किल के साथ यहाँ पर इमोट्स दिखाए जा रहे हैं, देखेंगे गैलेक्सी रेसर नेक्स्ट मैच में क्या करेगी, बिकॉज टीम क्योस डेफिनेटली फिर से एक बार हमने वही रिपीट देखा, हाइट के एडवांटेज पे एक प्लेयर था वहां पर नॉक ली गई। टॉकिंग अबाउट टीम ओपी राइट नाउ, फायर ब्रिगेड पर चारों के चारों प्लेयर सेफ है, साउंड है, किसी के साथ बैटल नहीं रह रहे हैं, सर्कल के अंदर भी है तो कोई हैसल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मिनी मैप के थ्रू वो ग्राउंड शेयर कर रहे हैं टीम के उसके साथ, तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ से कोई पुश नजर आएगा या फिर क्रॉस आउट करेंगे, यहाँ से रिवर बैंक को क्रॉस करके एरो स्पॉट से बैटल पिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आमना सामना किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, और अभी 10 टीम्स बच गई है, 38 प्लेयर्स हैं, एंड सेंट्रल पर आती हुई टीम ओपी, बिल्कुल टीम ओपी यहाँ पर निकल रहा है, गाइस देखना होगा ज्ञान गेमिंग का गेम प्ले यहाँ पर कितना ज्यादा अलग होने वाले, आए हैं शिकार करने के लिए, खुल चुके हैं यहाँ पर फाइट इन पे बिलीव करना चाहते हैं, हेडशॉट के साथ क्या नॉक निकलेगा, ची नहीं यहाँ पर प्लेयर्स आए तो जरूर, निक्को यहाँ पर ट्राई करें आगे की तरफ जाएंगे, उनके पास एक ही होने वाली MP40 यहाँ पर रहेगी, बट जल्दी से जल्दी यहाँ पर नॉक निकालना होगा, बट क्या वो यहाँ पर प्लेयर को पकड़ पाएंगे, वो लगा कर यहाँ पर निकलने की कोशिश में लगे हुए रहने वाले हैं, निकल भी जाएंगे सक्सेसफुली। अगर बात करें तो राहुल यहाँ पर रहने वाले, स्कार एंड डबल बैरल M187 इनके पास है, कि निक्को को बहुत ज्यादा लो यहाँ पर करके रखा जाएगा, क्या नॉक यहाँ पर कर पाएंगे देखना पड़ेगा, यहाँ पर ट्राई फुल ऑन किया जा रहा है, टीम के उस यहाँ पर क्या इनको निशम कर पाई, गैलेक्सी रेसर को जैसे यहाँ पर एलिमिनेट किया, बट यहाँ पर टीम आई थिंक सोच समझना होगा, राहुल के यहाँ पर नॉक कर देगा, इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, देखना होगा रिवाइव देने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी रहने वाली, इसी के साथ निक्को यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, रश करने में कोई भी गलती नहीं, अगर नेट्स होंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, थ्रो यहाँ पर कर पाएंगे, कुक करके नॉक यहाँ पर निकाल पाएंगे, Yes, यहाँ पर कुक कर अगर ग्रेनेड कनेक्ट हो जाता है तो डेफिनेटली नॉक निकाल पाएंगे, लेकिन उससे पहले इट इज ऋषभ जो शॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, लिखी को काफी लो इमेज भी रखा है, ब्लू होल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन द कोर्स प्लेयर्स ऑलरेडी हील अप कर चुके हैं, निको ने सक्सेसफुली एक प्लेयर को डाउन किया है, देखते हैं क्या रिवाइव मिलेगा या फिर नहीं, अंश यहाँ से फ्लैंक इन कर चुके हैं अपने नॉक्स निकाले कन्फर्म करने के लिए, एंड बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुली किल कन्फर्म हो चुका है, दे हैव लॉस्ट डिवाइन, और यहाँ पर देखते देखते लिखी को भी स्पॉट एंड डाउन कर दिया गया है, अब काफी ज्यादा नहीं सिचुएशन टीम के उसके लिए, विवेक अकेले बच गए हैं विद द शॉटगन विद द डबल बैरल, और यहां पर निको अपने आप को और एक्सटेंड करते हुए आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं, इज ही गोइंग टू यूज द टायर्स फॉर गोइंग अपस्टेयर्स, नो ही इज नॉट, ग्रेनेड अटैक की कोशिश की जाएगी फॉर श्योर, देखते हैं निको की क्या स्ट्रेटजी होगी, 1v4 क्लच करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग क्या निको ही अकेले भारी पड़ जाएंगे टीम के उसके ऊपर, या फिर इज इट गोइंग टू बी समबडी एल्स हु माइट कंफर्म द लास्ट फ्रैग फॉर देमसेल्व्स एंड एलिमिनेट टीम के right in front of our screen, और सेंट्रल के पास जाते हुए अंश ने एलिमिनेट कर दिया, and it is a clear cut elimination. बिल्कुल यहाँ पर देखने में फिलहाल 4 unknown versus यहाँ पर लगा एरो स्पोर्ट्स, स्वास्तिक को नॉक करके रखा जाएगा, रिवाइव यहाँ पर जल्दी जल्दी देना होगा, देखना होगा बॉल्स यहाँ पर थोड़ी तो नहीं जाएगी, बट यहाँ पर रिवाइव जैसे ही मिलता है दूसरे यहाँ पर प्लेयर जब वो फाइट लेते हो हमको नजर आ जाएगी, बट यहाँ पर नॉक्स जब निकाले जा रहे हैं, इसी के साथ साथ किल्स को यहाँ पर जल्दी जल्दी कंफर्म करना होगा, आनंद के पास डबल स्नाइपर क्या यहाँ पर निकल कर आ पाएंगे, इसी के साथ गोलियां भी यहाँ पर चलना चाहिए, T2 को यहाँ पर नॉक करके रखा जाएगा, इसी के साथ साथ एक और किल यहाँ पर कंफर्म करते हुए प्लेयर्स हमको नजर आ जाएंगे, एरो स्पोर्ट के बाद 2 ही प्लेयर्स बचे हैं जिसमें से एक और प्लेयर को यहाँ पर नॉक करके रखा जाएगा, जा चुका फायर पावर बिल्कुल एक अलग लेवल पर देखने के लिए मिले, स्वास्थ्य के पास होने वाले M24 है जिसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है वॉस तोड़ने के लिए, और इसी के साथ साथ लास्ट प्लेयर को क्या भागने दिया जाएगा, एरो जहां पर बहुत ज्यादा लो करके रखे जाएंगे, क्या वो निकलने में सक्सेसफुल रहेंगे देखना होगा, जल्दी जल्दी जाएंगे, बट जो नॉक प्लेयर है वो यहाँ पर बिल्कुल कॉल देंगे अपने बचे हुए लास्ट मेंबर को, यहाँ पर आपके प्लेयर्स पीछे की तरफ आ रहे हैं, टोटल रैंकिंग भी यहाँ पर आज के 2B गेमर 23 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर रहेंगे, सेकंड पर होने वाले TSG आर्मी, थर्ड पर टीम ओपी यानी कि ज्ञान गेमिंग हमको देखने के लिए मिल रही है।
और यस यहाँ पर ज्ञान गेमिंग हमें देखने के लिए मिल रही है, फॉलोड बाय फोर्थ पोजीशन पर एएस ईस्पोर्ट्स 11 पॉइंट के साथ, आरओ 10 पॉइंट्स के साथ, और यहाँ पर पोजीशन 6 से लेकर पोजीशन 10 तक अगर हम बात करें, इंडी 9 तक, तो सिंगल डिजिट्स नजर आ रहे हैं। एंड देन टीम इलीट और फोर अननोन ने अपना अकाउंट ही ओपन नहीं किया था प्रीवियस मैच में, तो फॉर दिस राउंड यहाँ पर डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं फोर अननोन ने 3 किल्स ले लिए टीएसजी जो कि पोजीशन 2 पर है। और अगर यहाँ पर ब्राजीलिया पर अपना कब्जा, अपना होम ग्राउंड बनाकर रखा है टीएसजी ने, हमेशा लैंड भी यही करते हैं, लूट भी यही करते हैं, एंड सक्सेसफुली अगर सर्कल यहाँ होता है तो यही होल्ड करके गेट कीपिंग करने की कोशिश करते हैं या ग्राउंड शेयर करते हुए हमें नजर आ रहे हैं टीम एफजेड के साथ। तो देखेंगे आगे एफजेड ईस्पोर्ट्स के सोलो प्लेयर नजर आ रहे हैं, आई थिंक दे हैव लॉस्ट अदर प्लेयर्स और हमने वो किल फीड में जरूर मिस आउट कर दिया होगा, देखना। एंड एएस ईस्पोर्ट्स भी यहाँ ग्राउंड शेयर करते हुए नजर आ रही है और फोर अननोन की यहाँ पर एनी मोमेंट एंट्री हो सकती है। एंड यस डेफिनेटली एफजेड ईस्पोर्ट्स ने 3 प्लेयर्स गवा दिए, अकेले रोमन बचे हुए हैं, पैसिव अप्रोच रखना पड़ेगा फॉर द प्लेयर कंटिन्यूसली। एंड टॉकिंग अबाउट ब्राजीलिया राइट नाउ, एनी मोमेंट हीट बढ़ सकती है, एनी मोमेंट बैटल शुरू हो सकती है, हम देखेंगे कि कौन से मोमेंट पर एग्जैक्टली बैटल शुरू होगी, क्योंकि एएस ईस्पोर्ट्स ने हार्ड कवर भी पकड़ लिया है यहाँ से प्रॉपरली, स्नाइपर एआर राइफल के थ्रू ही इज एबल टू स्कोप इन अबव द लेवल्स, लोअर ग्राउंड से अपर ग्राउंड अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट वो एंगल भी सेट कर लिया है लकी ने। बिल्कुल सेट करे तो गाइस अब एएस ईस्पोर्ट्स होने वाली जो कि अपने लिए ब्राजीलिया में जगह बनाते हुए हमको नजर आने वाले, टोटल रैंकिंग में आपने यहाँ पर देख लिया कौन सी टीम्स जो है वो टॉप पर रहने वाली, कितनी टीम्स को यहाँ पर कमबैक करने की आवश्यकता होने वाली। जी हाँ बात करें यार ऊपर और भी टीम्स हमको देखने में मिल रही है, ब्राजीलिया के अपर कंपाउंड से 2 टीम्स हमको देखने में मिल जाएगी, नीचे टीम नंबर 2 भी यहाँ पर जो है वो बैठी रहेगी। इसी के साथ एक बार हम लोग यहाँ पर सर्कल भी देखना चाहेंगे, सर्कल में टीम्स को कैसे रोटेशंस लेकर आगे आना होगा, और साथ हम लोग बात करेंगे यार एएस का गेम प्ले पिछली बार बहुत अच्छा खासा था, 4 अननोन का एलिमिनेट किया गया था, बट यहाँ पर इस वक्त की बात की जाए तो सेंटर होगा ब्राजीला जहां पर 4 अननोन रहने वाले, ज्ञान गेमिंग यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएगी, सीआरएक्स डिवाइन जो कि पहाड़ के ऊपर कैंप साइड की तरफ हमको देखने को मिल रही है, उसके बाद फील्ड से आने वाली है 6 सेंस, एंड यहां पर थोड़ा सा ट्रबल में फंस सकते हैं क्योंकि यहां पर होने वाले ऊपर 2B गेमर जो कि बिल्कुल यहां पर गोलियां उनके ऊपर चलाना चाहिए, बट बीच में फाइट जहां पर हमको अच्छी खासी देखने को मिली, टीएसजी होने वाले, एफजेड ईस्पोर्ट होने वाले, देखना होगा कौन किसके ऊपर यहां पर भारी पड़ने वाला था। यार ऋषभ ट्राई करे ज्यादा से ज्यादा नॉक यहाँ पर निकाल कर जा पाए, बट क्या लगता है गाइस एएस ईस्पोर्ट इतनी आसानी से हार मान जाएगी या फिर पलट कर एक जवाब यहां पर दिया जाएगा, नॉक यहां पर निकाला जाएगा, बट यहां पर ऋषभ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले, एक नॉक यहां पर पलक झपकते ही निकाला जाएगा रश, अगर आई थिंक लेफ्ट राइट में टीम्स नहीं होती तो ये टीम बिल्कुल यहां पर रश करती है, कोई भी गलती यहां पर नहीं की जाती टीम ज्ञान गेमिंग की तरफ से। यस यहाँ पर कोई भी गलती नहीं देखने के लिए मिल रही है, 3 किल्स भी कंफर्म कर लिए गए हैं विंडो व्यू के चलते, दे आर इजीली एबल टू स्पॉट द ओपोनेंट्स, एएससी स्पॉट्स लकी भी वहां पर ग्रोजा चलाते हुए नजर आ रहे हैं, अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं 4 अननोन के। तो जो जैसे कि हमने पहले कहा था कि ब्राजीलिया पर काफी ज्यादा हीट बढ़ेगी और हीटेड सिचुएशन नजर भी आ रही है, 4 अननोन 3 किल के साथ अपने आप को हार्ड कंपाउंड में होल्ड कर बैठी हुई है, फायरिंग शॉट्स एक्सचेंज तो जरूर हो रहे हैं, एएससी स्पोर्ट्स का टारगेट, एएससी स्पोर्ट्स का फोकस कोई और टीम है, 4 अननोन पर कहीं पर भी डैमेज डिलीवर नहीं हो रहा और एएससी स्पोर्ट्स के लिए खतरा भी बढ़ते हुए, क्योंकि काफी छोटे से कंपाउंड में चारों के चारों प्लेयर्स स्टैकअप करके बैठे हुए हैं, 2 से 3 ग्रेनेड 2 प्लेयर्स तो कम से कम नॉक कर सकते हैं, तो देखेंगे कि कौन सी वो टीम है जो एएससी स्पोर्ट्स के साथ बैटल पिक करेगी। 4 अननोन के आनंद काफी पीसफुल नजर आ रहे हैं, होल्ड एंड प्ले बना रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जरूरत होगी तब हम बैटल लेंगे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर्कल भी फेवर करते हुए नजर आ रहा है, एंड द टेबल टॉपर्स 2B गेमर्स आ चुके हैं, नेपाली व्यूअर्स हैशटैग लगाना शुरू कर दो, दैट इज व्हाट यू आर शोइंग सो मच ऑफ लव, एंड स्पेशली कार्की के लिए काफी ज्यादा हैशटैग लगती है, हम देखेंगे क्या इस मैच में भी कार्की ज्यादा फ्रैग ले पाते हैं या नहीं, सर्कल का एडवांटेज भी है और यहां पर हार्ड कवर भी है, तो आई थिंक यहां से मूवमेंट पिक करना और इजी होगा, क्योंकि जो हेवन कंपाउंड है ब्राजीलिया का ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है 3rd या 4th सर्कल के बाद, और यहां पर वो एडवांटेज लेती हुई 2B गेमर डेफिनेटली नजर आ सकती है, बिल्कुल यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बात करेंगे, देखना होगा गाइस टीएसजी आर्मी यहाँ पर हमको सर्वाइव करते हुए नजर आने वाले, बट सर्कल यहाँ पर धीरे धीरे शिफ्ट इन होता जा रहा है, बट यहाँ पर कितनी देर तक अपने आपको संभाल पाएंगे, क्या पहाड़ के ऊपर जाने वाले, क्या सीआरएक्स डिवाइन का फायदा यहाँ पर उठा पाएगी, 2B गेमर उठा पाएगी या 6 सेंस यहाँ पर उठा पाएगी, हर एक टीम के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखने वाला, बट आयुष के यहाँ पर पता है ऊपर एक टीम होने वाली, गोलियां चलाई जा रही, नॉक यहाँ पर निकाल कर कोई भी फायदा नहीं होगा, ये एक ऐसी फाइट है गाइस जहाँ पर ना नीचे वाली टीम ऊपर जाएगी ना ऊपर वाली टीम नीचे की तरफ आएगी, होगा क्या सिर्फ वैश हेलमेट को नुकसान यहाँ पर दिया जा रहा है जिससे टीम्स के ऊपर ज्यादा डैमेज हम लोग दे पाए, और देखना होगा सोच समझ के फाइट्स भी यहाँ पर टीएसजी को
लेनी होगी। जी हाँ गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सी के साथ साथ टीएसजी कितनी देर तक यहाँ पर बैठी रहेगी। सर्कल तो फिलहाल उनके पास है, स्नाइपर शॉट्स यहाँ पर कनेक्ट किए जा रहे हैं, बट बदले में यहाँ पर गोलियां भी उनके ऊपर चलाई जाने वाली। तो गाइस ये हमारा सेकंड मैच चला, अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर 29 प्लेयर्स है, 6 रन से यहाँ पर आगे बढ़े। फिलहाल एक प्लेयर पर खो दिया गया जो कि होने वाले फैब इंद्रो, कैप्टन को खोया जा चुका है। इसी के साथ बाकी तीनों प्लेयर्स क्या वैन हाउस को यहाँ पर कवर अप कर पाएंगे। लेफ्ट साइड में भी एक टीम होने वाले है, आज के कौन से वो तीन नाम होंगे जो यहाँ से उभर कर आगे जाने वाले। बट 4 अननोन यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर को बचाते हुए देखने के लिए मिल रही है। प्रोन पोजीशन में अपने आप को संभाल कर रखा जा रहा था कि सामने जो टीम यहाँ पर आ रही है सीआरएक्स डिवाइन, उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए। Yes, यहाँ पर CRX Divine को होल्ड करने के लिए यहाँ पर 4 अननोन वेट कर रहे हैं, गेट कीपिंग करने की कोशिश की जा रही है। टीम CRX has lost one of the player, if I'm not mistaken, सिर्फ तीन प्लेयर नजर आ रहे हैं। जी नहीं, नॉक हुआ था प्लेयर, रिवाइव दे दिया गया है। ओजस्वी यहाँ पर टीम ओपी के साथ बैटल ब्राजीलिया में लेना शुरू कर चुके हैं, निकू दी एमवीपी प्लेयर को डाउन कर चुके हैं। ओजस्वी दी एमवीपी फॉर TSG is always on the course, FZ Esports eliminate हो चुके हैं। टॉक अबाउट टीम CRX, अरियाना इज दी ओनली फ्लैश फ्रैगर बाय फार एंड स्नाइपर क्वीन है अपनी टीम के लिए। बुकॉन्ग एबिलिटी का यूज करके सर्कल के अंदर भी आराम से एंट्री ले लेंगी, मे बी फॉर श्योर दैट इज दैट टाइम विल ओनली शो अस। लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर डेफिनेटली फ्लॉलेसली सर्कल के अंदर जा चुका है, बाकी की टीम लीड करते हुए नजर आ रही है। वहां पर सिक्स सेंस उनका वार्म वेलकम जरूर करेगी, और वो कितना वार्म होगा वो भी हम देखेंगे। टीम ओपी के लिए खतरा और भी बढ़ता हुआ, एएससी स्पोर्ट्स का भी शिकार बनते हुए टीम ओपी प्लेयर्स डाउन होना है। रिवाइव होते जा रहे हैं, निकू वहीकल लेकर आगे बढ़ते हुए, ऋषभ डाउन, राहुल डाउन, निकू वहीकल में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्लेयर के ऊपर आ चुकी। ग्रेनेड लॉन्चर का यूज करते हुए मिस्टर राज खुद डाउन हो चुके हैं। संजय अकेले स्नाइपर के साथ किल्स कंफर्म करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, और यहां पर एएससी स्पोर्ट्स भी एलिमिनेट हो जाएगी। टीएसजी ओजस्वी डाउन, बिहान डाउन, दो किल के साथ लेजेंड इनहेलर का यूज करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक नहीं दो ने इनहेलर पर इनहेलर का यूज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग पुश नजर आ रहा है, ग्लू वॉल लगा दी गई है टू नॉट एक्सपोज दैट ही लव टू एंटर द सर्कल एंड एरो आई बी एलिमिनेटेड फॉर द सर्कल। जोन काफी डेडली बन चुका है इस बार के परगेटोरी के मैप में। जी बिल्कुल, टीएसजी का यहाँ पर एलिमिनेट किया जाएगा। फिफ्थ पोजीशन का पर सिक्स सेंस यहाँ पर लाइन होने लगा, क्या लगता है टू भी ये मेरे यहाँ पर पूछने की फोर रन और क्या कमबैक यहाँ पर करने वाले, क्या बूया यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो गाइस रेडी हो जाए, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से वो नाम होंगे जो यहाँ से बूया निकाल के जाने वाले। फोर रन और आनंद यहाँ पर एक के बाद एक बॉल तोड़ते हुए नजर आने वाले। टू बी गेमर के ऊपर खतरा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पिछले गेम में भले ही बूया निकाला बट इस बार फोर रन को कोई भी मौका नहीं देने वाले। एक के बाद एक गोलियां यहाँ पर चलाई जाएगी, आनंद की ओपी लेवल की स्नाइपर हमको देखने लिए मिल जाएगी। जी हाँ गाइस, गोलियां चलाते हैं उनको नजर तो जरूर आने वाले, बट आनंद यहाँ पर कितनी देर तक संभाल पाएंगे। यहाँ पर एक प्लेयर को नॉक करके रखा गया, कुणाल जियान यहाँ पर नॉक हो जाएगा, फिनिश ऑफ उनको यहाँ पर कर जाएगा। उसी के साथ बात की जाए तो एक प्लेयर को नॉक करके रखा जाएगा, आनंद यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देना चाहते किल्स को कन्फर्म करने में। एंड देखते देखते यहाँ पर आगे बढ़े, और गाइस यहाँ पर से चार टीम चलाए रहने वाले, 7 किल्स ऑलरेडी, 4 अननोन ने अपने खाते में निकाले थे। अगर और भी ज्यादा किल्स निकालते तो बिल्कुल यहाँ पर एक कमबैक रहेगा, एंड पिछले गेम के जो पॉइंट्स इन्होंने खोए थे वो यहाँ पर बैलेंस कर लिए जाएंगे। इकलौते प्लेयर बचे रहेंगे 2B गेमर की तरफ से आगे बढ़ते नजर आने वाले। दूसरा सिक्स सेंस यहाँ पर कहर भर पा रही CRX Divine के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पर काफी ज्यादा कहर बरसा रहे हैं 2B गेमर के ऊपर। टेबल के बॉटम में 0 पॉइंट्स के साथ थे, टेबल टॉपर टीम जो की थी 2B गेमर उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। टीम CRX यहाँ पर कंफर्म करते हुए किल नजर आ रही है, 4 and 9 किल के साथ सिक्स सेंस के जय वाईटी को अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टोनर पर भी डैमेज डिलीवर किया, क्या टीम CRX को ये ग्रेनेड्स कनेक्ट होंगे क्योंकि एक साथ 4 and 9 स्वस्थ दो टीम्स को डैमेज देने की कोशिश करे। जी हाँ बिल्कुल डैमेज डिलीवर हो रहा है, इतना नहीं है डैमेज के नॉक कंफर्म हो जाए, जय वाईटी को स्पॉट किया गया और एक हरियाणा के साथ साथ सुशी को भी, और यहाँ पर शेरनी काफी अकेली नजर आ रही है, स्टोनर अकेले बच गए। 1v3 सिचुएशन और आनंद अपनी स्नाइपर से एलिमिनेट कर देते हैं, एंड पिछले मैच में जो कमी छोड़ी थी यहाँ पर डबल बूस्टर लगाकर, नाइट्रो बूस्ट लगाकर बूया लेकर गए हैं इतनी ज्यादा किल के साथ। #4unknown जरूर बनता है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर देखा था 13 किल्स के साथ ये बूया यहाँ पर निकाला जाएगा, यार पिछले गेम की जो कमी थी वो यहाँ पर निकाल लिया, 13 किल पॉइंट मिल जाएंगे, 12 प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइस टोटली 25 पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे 4 अननोन के पास एक मैच से। तो यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया कि यार हमें एक मैच के नुकसान आप लोग दोगे तो हम डबल किल्स निकालेंगे, उसके बाद प्लेसमेंट पॉइंट से बूया भी लेकर जाएंगे। 4 अननोन का कमबैक फाइनली हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल चुका, बाकी टीम्स कितना अच्छा कमबैक यहाँ पर करने वाले। क्या 2B गेमर अभी भी यहाँ पर लीड में बनी रहेगी, क्या अभी भी उनके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होने वाले, या फिर कोई टीम्स नीचे से ऊपर आने वाले। सिक्स एंड CRX Divine कहाँ तक स्टैंड कर पाएंगे, TSG आर्मी
ज्ञान गेमिंग कितने पॉइंट्स यहाँ पर लेकर जाने वाले, तो हर एक टीम को मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, हार्ड वर्क यहाँ पर दिखाना होगा अपनी टीम के लिए, ज्यादा से ज्यादा किल पॉइंट जो है वो जोड़ने होगा। साथ ही साथ गाइस अगर आपने अभी तक टीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक साथ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिए। यस बिल्कुल, यहाँ पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड यहाँ पर #4unknown रुकना नहीं चाहिए। आनंद की स्नाइपर, स्वस्तिक के ग्रेनेड, कहीं पर भी कमी नहीं नजर आ रही थी। टीम जो सपोर्ट दे रही थी, जो पिछले मैच के लिए जो लिटरली हम देख पा रहे थे संजीव, देवर स्ट्रगलिंग, पिछले मैच में अर्ली एलिमिनेशन था, यहाँ पर उसको कवर करने की कोशिश की जा रही थी और एक मैच के अंदर ही आप 25 पॉइंट सिक्योर कर लेते हो। 0-25 मैच का सफर सिर्फ 19 मिनट के अंदर 4unknown ने करके दिखाया। अब आगे देखेंगे कि कौन सी टीम है जो इन्हें कंपटीशन दे सकती है, जो अनस्टॉपेबल यहां पर अभी के लिए नजर आ रहे हैं एंड #टैग कंटीन्यूअसली लगते जा रहे हैं टीम लीप के लिए। अभी के लिए 0 के स्कोर पर हैं, डेफिनेटली आगे चल के स्कोर भी बढ़ेगी। फॉर नाउ कीप ऑन सपोर्टिंग योर फेवरेट टीम, योर फेवरेट प्लेयर, क्योंकि 2 मैचेस हुए हैं अभी और 4 बाकी हैं। 3 टीम्स को सक्सेसफुली यहां से आगे चल के क्वालिफाई होना है। हम देखेंगे कि वो 3 टीम कौन सी होने वाली है। नेक्स्ट मैप इज कालाहारी, वन ऑफ दी मोस्ट वाइल्डेस्ट मैप, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैप, और सैंडी ड्यून्स देखने के लिए मिलेंगे, हार्ड कवर की कमी होगी तो, और स्नाइपर शॉट्स तो यस, ये वाला मैप डेफिनेटली स्नाइपर को काफी ज्यादा एडवांटेज देगा। जी हाँ गाइस, तो अगला मैप होने वाला कालाहारी मैप, तो गाइस यहाँ पर 4unknown के लिए हैशटैग लगा दीजिए, हैशटैग नामुमकिन को मुमकिन कर दे, 4unknown यहाँ पर लगा दीजिए। देखना होगा हमारा अगला मैप यहाँ पर कितनी देर में स्टार्ट होने वाला, हम लोग भी वेट करेंगे यार। जितने भी एरियाज यहाँ पर होने वाले यार, 6 सेंस जाएगी स्टोन रिज के ऊपर एंड यहाँ पर रिफाइनरी के ऊपर 4unknown उतरते हुए नजर आ जाएगी, बट कमांड पोस्ट के ऊपर कौन सी टीम उतरेगी, बेफ्रंट की तरफ कौन जाने वाला, हर एक टीम के ऊपर हमारी नजरें बनी रहने वाले। जी हाँ गाइस, एएस स्पोर्ट की बात की तो मेमथ के ऊपर उतरेंगे, बट टीएससी आर्मी दसअप के ऊपर उतरते हैं। जी हाँ, यहाँ स्टोन रिज पर जाएगी 6 सेंस, एफजेड जाने वाली सेंटा कैटरीना, सी के साथ बात करें तो 2B गेमर जाएगी कन्फाइनमेंट के ऊपर। आई थिंक सीआरएक्स डिवाइन में उनका साथ देने के लिए आ रही है, बट काउंसिल हॉल इस बार यहाँ पर सूना रहने वाला। जी हाँ गाइस, बात करेंगे यार, 4unknown जाएगी उनके साथ, एरो स्पोर्ट ने कदम रखे हैं, देखना होगा यार क्या उनको यहाँ पर पता है कि यार 4unknown उनके साथ में उतरने वाली, कितने अच्छी फाइट यहाँ पर पिक कर पाएंगे। बट आई थिंक 4unknown ने रिफाइनरी को छोड़कर थोड़ा सा साइड में उतरने का डिसीजन लिया, अच्छी लूट यहाँ पर करना चाहते, कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे, उनको पता है कि यार अगर एलिमिनेट हो गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, हर बार वो रिकवर नहीं कर पाएंगे पॉइंट्स को, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर सुना हुआ ग्रैपलिंग हुक गन यहाँ पर आयुष के पास हमको देखने में मिल जाएगी। जी हाँ गाइस, आगे बढ़ते हो, टीएससी आर्मी यहाँ पर पूरी पूरी लूट करते हुए नजर आएगी, स्प्रेड आउट होकर लूट करनी है यहाँ पर, येलो बॉक्सेस को भी ओपन कर लिया गया, वुड पैकर यहाँ पर देखने में मिल जाएगी, लेजेंड है एक और प्लेयर के हाथों में, बट लेजेंड यहाँ पर थोड़ा सा दूर है बाकी जो बाहर के हाउसेज है, तो गाइस आपको भी ऐसे ही लूट करनी है स्प्रेड आउट होकर, बट ध्यान रखना है कि यार कोई और टीम आपके आजू बाजू तो नहीं उतरी, अगर उतरी है तो उस डायरेक्शन में गलती से भी नहीं जाना। यस जरूर देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में जाएंगे टीम टीएसजी, यहाँ पर स्कैटर होकर लूट करते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर दूसरी टीम्स भी डेफिनेटली लूट ही करेंगे। टॉकिंग अबाउट लेजेंड, पर्टिकुलरली कटाना मिल चुकी है मिस्टर राज के पास, फोर्ड और XM8 की गन्स नजर आ रही है एएसई स्पोर्ट्स, जो कि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अच्छी बैटल पिक की थी, किल्स भी अक्वायर की थी, थोड़ा सा अपशिफ्ट एएसई स्पोर्ट्स का भी हुआ होगा, मेहमत के ऊपर लैंड किया है, लूट यहाँ पर कंपेरेटिवली कम होगी फॉर 4 प्लेयर्स ऑल टुगेदर, तो मेहमत का रूट जरूर लिया हुआ है, यहां से ऐसा एंगल डिसाइड करना होगा रोटेशन का कि चलते-चलते और लूट एक्वायर कर सकें। मिस्टर राज इज ऑल सेट, उन्हें वेपन की कमी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आएंगे। टॉकिंग अबाउट लकी, पर्टिकुलरली वो अपने टीम से रियूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं एंड गैलेक्सी रेसर, जो पिछले मैच में फर्स्ट एलिमिनेट हुई थी, दिस टाइम अराउंड मेज पर लैंड हुई है, अर्ली बैटल अवॉइड की गई है, लूट पर भी फोकस दी गई है, सो मे बी दिस टाइम अराउंड फिर से एक बार हम ये टीम को टॉप 5 में जरूर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं सी के साथ हम लोग बात करना चाहेंगे, गैलेक्सी रेसर यहाँ पर लूट करने में थोड़ा सा बिजी रहने वाले, बट प्लेयर्स थोड़ा सा दूर होकर लूट करना चाहेंगे जिससे ज्यादा लूट यहाँ पर निकल कर आ पाए। सी के साथ साथ बात करें गोल्डन यहाँ पर हमको नजर आ जाएंगे, टोटल रैंकिंग देखने में मिल रहा है। जी हाँ गाइस, अभी भी यहाँ पर 2B गेमर फर्स्ट पोजिशन पर बैठी रहेगी, 34 पॉइंट्स उनके पास आएंगे, सेकंड पर होने वाली 4unknown, 1 गेम से दैट यहाँ पर कमबैक किया गया, सेकंड पोजिशन यहाँ पर ले ली गई, लास्ट से सीधा ऊपर हमको नजर आ जाएंगे, तो 25 पॉइंट्स आएंगे, थर्ड पर टीएसजी आर्मी होने वाले 22 पॉइंट्स, यहाँ पर बिल्कुल एलिमिनेट भी हुए थे बट अच्छे खासे किल पॉइंट्स भी उनके पास आएंगे, प्लेसमेंट पॉइंट भी रहेंगे, बट टीम ओपी यहाँ पर ज्ञान गेमिंग जो रहने वाले 20 पॉइंट्स उनके पास आने हमको नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, और फिर टीम पोजीशन 5 से लेकर पोजीशन 9 तक हम देख पा रहे हैं कि 10 की सीरीज में पॉइंट्स हैं। FZ 9 पॉइंट्स के साथ पोजीशन 10 पर, गैलेक्सी रेसर पिछले मैच में अर्ली एलिमिनेशन के चलते पोजीशन 11 पर नजर आ रही है, एंड 12th पोजीशन नॉट असेस्ड, एंड फाउंडेशन पर नजर आती हुई टीम OPM में नजर आ रही है। वेंडिंग मशीन का यूज किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेनेड हमें देखने के लिए मिलेंगे, बट टीम NXT को शेक नहीं कर पाए। डिड यू नोटिस समथिंग? हाईएस्ट स्टैंडिंग पॉइंट्स भी अभी भी टू बी गेमर के पास है, हाई स्किल पॉइंट्स भी टू बी गेमर के पास है, और 9 पॉइंट्स की लीड भी बनाकर रखी हुई है। तो पोजीशन 1 अभी के लिए तो थोड़ी सी सॉलिडिफाइड है, आगे चल के क्या स्ट्रेटजी रहेगी हम जरूर देखेंगे। टॉकिंग अबाउट TSG, थोड़ी सी स्टंबल डाउन हुई है टीम 6 सेंस FZ Esports के लिए, काफी ज्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। 1 by 1 नॉक निकाल रहे हैं, किल कंफर्म कर रहे हैं, और यहां पर फैब इंट्रो ने अपने लिए फर्स्ट ब्लड कंफर्म कर लिया। 2 प्लेयर डाउन है, एंड इट इज ऑल अप टू 1 लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब देखते हैं कितनी ज्यादा देर तक रोमन यहां से सरवाइव कर सकेंगे। ग्राफिक गन का यूज करके ऊपर जा चुके थे, लेकिन यहां से चाहते नहीं थे टीम 6 सेंस कि बचकर कोई भी प्लेयर जाए। FZ Esports को एलिमिनेट कर दिया गया है 6 सेंस 4 किल के साथ, यहां पर काफी ज्यादा सेफ नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर सेफ नजर आ रही है, प्रोड्यूसर टू भी गेमर यहाँ पर रुक नहीं रही है, एक के बाद एक टीम को एलिमिनेट करते हुए यहाँ पर हमको देखने मिल जाएगा। CRX डिवाइन के ऊपर खतरा यहाँ पर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, बट 6 सेंस से भी 4 किल्स यहाँ पर निकाल लिया, देखा जाए तो एलिमिनेट भी कर देगा CRX डिवाइन को। तो अच्छे खासे किल पॉइंट यहाँ पर टू भी गेमर आज बटोरने वाले, हर एक टीम यहाँ पर भारी पड़ने वाली। तो गाइस आपको क्या करना, स्ट्रीम को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे यार हमारे 15,000 लाइक्स कितनी जल्दी यहाँ पर कंप्लीट होने वाले, ऑलमोस्ट 12,000 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से गाइस टीम को लाइक कीजिए। तब तक हम लोग गैलेक्सी रेसर को यहाँ पर बिल्कुल देखना चाहेंगे यार। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए प्लेयर्स हमको नजर तो आ रहे हैं, वुडपेकर रहने वाली VRC को यहाँ पर नॉक करके रखा जाएगा, बहुत बड़ी गलती ऊपर में जाने की, देखते देखते चारों प्लेयर्स हैं एक साथ, उनको यहाँ पर पकड़ा नॉक करके रखा जाएगा। रिवाइव देने का क्या कोई मौका यहाँ पर मिल पाएगा, बट दूसरी तरफ एक तरफ यहाँ पर व्हाट्सअप बॉय अगर हेडशॉट कनेक्ट हो पाता तो बिल्कुल नॉक यहाँ पर निकाल पाते, बड़े कॉर नॉक यहाँ पर निकालते हुए यहाँ पर ज्ञान गेमिंग की एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, पीछे से थर्ड पार्टी करने के लिए कोई भी कसर आज यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहेंगे। इसी के साथ साथ देखते हुए प्लेयर्स हमको यहाँ पर नजर आने वाला, आई थिंक तानिया इनका जो दिल्ली का गेम प्ले था, यानी कि कॉन्फिडेंस इनका इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि इनको पता है कि अभी हमें सिर्फ फाइट इन्हें अपना जो दबदबा है वो अभी बनाने का टाइम आ गया है। बिल्कुल, यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिल्ली टाइटंस का टाइटल यूज किया जा रहा है, और अपनी परफॉर्मेंस पर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट भी है। अटैकिंग मोड अभी भी ऑन है, 2 प्लेयर्स बचे हुए गैलेक्सी रेसर के, गोल्डन ने किल निकाली है, बाकी के प्लेयर हील अप कर रहे हैं। अब एज ए ट्रियो ये टीम कैसे परफॉर्म करेगी वो देखेंगे, क्योंकि अंश अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर है, वेर इज दूसरे 2 प्लेयर्स जो बचे हुए हैं विच इज ऋषभ एंड राहुल, विदाउट निकू ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी वो भी एक क्वेश्चन होने वाला है। 2 ऋषभ हैं, अच्छी स्नाइपर करते हैं, अच्छा टीम सपोर्ट देते हैं, बट स्टिल जब आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड नहीं होती है आपका परफॉर्मेंस में थोड़ा सा चेंज जरूर होता है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस फॉर रेनोन हाइट का एडवांटेज यूज करते हुए अटैक करने की कोशिश कर रही है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी शॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इतना डैमेज डिलीवर नहीं हो रहा है, एंड देयर आर चेंज ऑफ प्लान्स फॉर 4 रेनोन एज वेल। जी बिल्कुल, यहाँ पर 4 अननोन ट्राई कर रहा है, अच्छा खासा हाई ग्राउंड का कवर उनके पास आएगा। तो गाइस 33 प्लेयर्स यहाँ पर लाइव रहने वाले, 9 टीम्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या स्नाइपर पे एम कर पाएंगे, क्या कनेक्ट कर पाएंगे, क्या हेडशॉट यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलेगा, जी नहीं यहाँ पर हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बड़ा आनंद की स्नाइपर क्या फिर से वही रंग लेकर जाएगी, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर नॉक यहाँ पर कोई निकाला जाए, बट उसी के साथ साथ देखना चाहते हैं कि यार जो प्लेयर्स यहाँ पर रोटेशन लेकर बैठे यानी कि फ्लैंकर का काम करे। ओह माय गॉड, टीम नंबर 8 यहाँ पर लॉन्च पैड लेकर आई थिंक, देखना होगा कौन सा नाम होने वाला, आई थिंक एरो स्पोर्ट यहाँ पर डायरेक्टली आगे की तरफ जाएगी, बट क्या वो यहाँ पर फंस कर रह जाएगी, क्या 4 अननोन यहाँ पर उसको कोई भी मौका देने वाले, जी नहीं यहाँ पर देखना पड़ेगा। ए बीडी आगे की तरफ बढ़ेगी, क्या कोई नॉक यहाँ पर निकाल पाएगा, उनके पास फार्म हाउस यहाँ पर रहने वाले, ट्राई करने वाले ज्यादा से ज्यादा नॉक यहाँ पर निकाल पाए अपने लिए 4 किल यहाँ पर बटोर पाए, ट्राई करे आनंद एक तरफ रहने वाला, इनफार उनके पास पैराफिल्म को देखने मिले, जगह पकड़ा जाएगा कुणाल JR आई थिंक यहाँ पर नॉक होने वाले थे, बट बच गए, बहुत ज्यादा लो HP में उनको रखा जाएगा, मेडिकेट्स यहाँ पर जल्दी से जल्दी निकाली लगानी होगी, देखना होगा कुणाल का रोटेशन यहाँ पर कैसे होने वाला, बट एरो इस पर ट्राई करिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर किल निकाली जाए, बट एक प्लेयर जो फ्लैंकर का काम करे वो होने वाले विजार्डो, क्या ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं यार, एक किल यहाँ पर निकाला जाए, नॉक निकाला जाए, ताकि यहाँ पर एक मौका मिल जाए, एक टाइम मिल जाए रश करने का 4 अननोन को एरो ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर जो है वो कदम रखने होंगे, बट यहाँ पर एक हेडशॉट जरूर कनेक्ट हो जाएगा, स्वास्थ्य से क्या पर ट्राई करें जल्दी से जल्दी नॉक निकाले जाए जिससे नेट्स की बौछार
यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखा है तो मैं सिर्फ एक ही एडवांटेज बोलना चाहूंगा, फोर अननोन के पास है, एरो एक्सपर्ट है तो एक ही जगह पर, बट उनके ऊपर अगर नेट्स की बारिश कर दी गई ना, लाइक दो तीन नेट्स भी चले जाएंगे तो पूरी टीम घबरा जाएगी, उनको यहाँ पर या तो जंप करना होगा नीचे की तरफ या फिर क्रोनो एबिलिटी लगाकर अपने आप को बचाना होगा। Yes, यहाँ पर अपने आप को कुछ भी करके बचाना होगा, देखेंगे टीम कैसे बचाएगी। टॉक अबाउट फोर अननोन, कुनाल जूनियर अपने आप को हील अप नहीं कर रहे, इतनी लो एचपी में बचाकर रखा, स्पॉट कर दिया गया है कुनाल जूनियर को और डाउन भी कर दिया गया है। किल कंफर्म करने की कोशिश करते हुए एरो स्पोर्ट्स के प्लेयर और यहाँ पर स्टैकअप करके कंटेनर्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश, एरो आई बी को डाउन कर दिया गया, क्या रिवाइव देने की पॉसिबिलिटी है? जी हाँ बिल्कुल, ग्लू ऑल लगाकर रिवाइव दे दिया जाएगा। अभी भी कुनाल जूनियर अपने आप को हील करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या कोई टीममेट के पास भी हेल्थ किट नहीं होगा से हेल्थ किट शेयर कर लिए जाएं, जल्द से जल्द हील अप हो जाएं। एबीडी MP5 के चलते यहां पर दूर से एसएमजी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ है, एंड एज अ स्क्वाड फोर अननोन सरवाइव जरूर कर रही है, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन है, सिक्स सेंस टीएसजी पर पड़ रही है अभी के लिए बारी, एक नॉक भी निकाला गया है यहां पर, क्या किल कंफर्म करने की पॉसिबिलिटी है? आयुष ने नॉक निकाला था, अभी तक किल कंफर्म नहीं हुआ, टीएसजी ओजसी ओग के साथ हमें नजर आ रहे हैं अटैक करते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अटैक करते नजर आ जाएंगे इसी के साथ, अगर हम लोग बात करते तो जब से यहाँ पर गोल या चलाते तो गाइस टीएस यहाँ पर निकल आ चुके हैं, आपने अभी तो स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। यहाँ पर गाइस देख रहा हूँ अभियान को रिवाइव देना कितना ज्यादा मुमकिन रहने वाला, आयुष यहाँ पर कवर तो बनाए अपने लिए बॉक्सेस का, बट सर्कल में टीम को आना होगा, एंड सामने यहाँ पर होने वाली सिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेगी वो भी यहाँ पर रश करने का, एक प्लेयर ऑलरेडी आगे की तरफ आ चुके, मॉन्क यहाँ पर क्या रश करने वाले, बट एक प्लेयर जो कि आयुष आगे की तरफ है, बट बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो पीछे से बिल्कुल कवर फायर देंगे जिससे टीम्स को यहां पर रोका जा सके। आयुष यहां पर ट्राई करेंगे आगे बढ़ते, फिलहाल MP5 से यहां पर क्या नॉक निकाल पाएंगे, वॉल यहां पर तोड़ जाएगी, इसी के साथ क्रोनो की एबिलिटी का यूज यहां पर किया जाने वाला है, देखना होगा थोड़ा सा सोच समझ कर फाइट लेने की, नेट्स नहीं है, नहीं तो नेट्स की बारिश यहां पर कर पाते, बट यहां पर कहने की विहान को नॉक करके देखा जाएगा, क्या टीएच यहां पर झेल पाएगी प्रहार को, आई थिंक पूरा का पूरा ट्राई करते प्लेयर्स यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसी के साथ यहाँ पर लगाया जाए क्रोनो की एबिलिटी, आयुष को यहाँ पर पकड़ा जा चुका है, कौन नॉक यहाँ पर निकालते हैं, टीएसजी बहुत ज्यादा लो एचपी में रखी जाएगी, एंड तीन प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहने वाले, लेजेंड के पास मेडिकेट्स नहीं है, विहान को एक और बार नॉक किया जाएगा, ओजस्वी के पास कितनी मेडिकेट्स है, क्या वो शेयर कर पाए, क्या सिक्स सेंस को रोकना इतना आसान यहाँ पर होने वाले, तो गाइस चीन यहाँ पर एक नॉक निकाला जाएगा, स्टोनर आई थिंक शिकार हो जाएंगे ग्रेनेड के, एंड देखते देखते मिस्टर जयवर्ड यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बाकी प्लेयर्स का आगे बढ़ना आसान है, मॉन्क के ऊपर नेट थ्रू के जरा डैमेज तो अच्छा खासा निकल कर आ जाएगा, बट मिस्टर जयवर्ड कितनी देर तक यहाँ पर अपने आपको संभाल कर रख पाएंगे, क्या अपने टीम मेंबर्स को आगे आने का मौका मिल पाएगा, जस्सी यहाँ पर रहने वाले, बट लेजेंड आई थिंक उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, सोच समझ कर गोलियां चलानी होगी, क्योंकि सिर्फ एक गोली के मेहमान वो यहाँ पर होने वाले, अगर थोड़ा सा भी डैमेज आ गया तो बिल्कुल यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, मेडिकेट्स का नुकसान यहाँ पर देखने में मिल रहा है, दोनों ही टीम्स को सर्कल के अंदर ताने यहाँ पर जाना होगा। बिल्कुल यहाँ पर टीएसजी लेजेंड ने 3 HP के अंदर ग्रेनेड से अपने लिए नॉक कंफर्म किया, एज अ ड्यूओस खेल रहे हैं, हेल्थ किट की कमी काफी ज्यादा नजर आ रही है, सिक्स सेंस के पास एज अ ट्रियो पोजीशन है, दोनों ही टीम्स आउट ऑफ सर्कल है एक्सेप्ट फॉर ओजस्वी, सर्कल की एज पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेजेंड के हाथों में स्नाइपर है, नजरें टिकी हुई है फैबिंद्रो पर, क्या फैबिंद्रो यहाँ पर स्पॉट आउट हो जाएंगे, अगर होते तो एक शॉट कनेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और वो भी हेड शॉट, वरना काफी ज्यादा डिफिकल्टी लेजेंड के लिए बढ़ सकती है, 3 HP में कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकेंगे, लेजेंड यहां पर सरवाइव कर जाते हैं, ओजस्वी को डाउन कर दिया गया है, रिवाइव देना नेक्स्ट इंपॉसिबल होगा, एंड यहां पर टीम सिक्स सेंस एलिमिनेट कर देती है टीम टीएसजी को 8 किल के साथ सिक्स सेंस आगे बढ़ते हुए, एंड यस यहां से सर्कल में एंट्री भी जरूर ले लेंगे, बिल्कुल अब एंट्री भी ले लेते गाइस, सिक्स सेंस यहां पर 8 किल जब निकाल लें, यहां पर गाइस अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर यहाँ पर सेट के लिए, एंड गाइस यहाँ पर बोलना चाहूंगा टीम लीड का आज कुछ इश्यू है तो यार आज वो यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे, यार बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लिया, आपके प्लेयर्स बिल्कुल एक ही टीम में खेलेंगे, यार सपोर्ट आपको यहाँ पर बनाए रखना है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइट्स जो हमको देखने के लिए मिल रही है, AS eSport यहाँ पर रहने वाली 2 kills ऑलरेडी यहाँ पर निकाली जाएगी, तो सब एरो eSport यहाँ पर बचा रही 4 unknown के ऊपर गोलियां चला जा रही, कितने नॉक्स कितने किल्स यहाँ पर निकाले जाएंगे देखना होगा, बट AS eSport भी ट्राई करिए, 4 unknown यहाँ पर 2 players नॉक हो जाएंगे, स्वास्थ्य के बिजाड़ यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे, स्वास्थ्य के क्लोथ प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे सर्कल में, उनको भी यहाँ पर जाना होगा, देखना होगा क्या अपने आपको बचा पाएंगे, आई थिंक लगता नहीं एबीडी उनको कोई भी मौका यहाँ पर देने वाले, बट ट्राई करेंगे, 4 unknown को एलिमिनेट किया जाएगा, 8 पोजिशन
के ऊपर। जी हाँ गाइस, 7 टीम्स अलाइव रहेंगे, 22 प्लेयर्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस एक बार बोलना चाहूंगा गाइस, आपको यहाँ पर कमेंट अच्छे खासे कीजिए, क्योंकि अभी आज टीम मिनट का कुछ इश्यू हो गया, तो यार टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके प्लेयर्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही टीम में खेलते हुए आपको जरूर नजर आएंगे। यस, यहाँ पर दूसरी टीम्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। गैलेक्सी रेसर दो प्लेयर्स के साथ बचे हुए हैं, सर्कल का सेंटर भी है, गेट कीपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर टीम क्योस की। देखेंगे टीम क्योस की एंट्री कैसे जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वन बाय वन प्लेयर एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर टू बी गेमर के कार की ग्रेनेड से सी स्पोर्ट्स के मिस्टर राज को एलिमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर गोल्डन का ग्रेनेड भी ऋषभ तक पहुंच चुका है। टीम ओपी की भी एंट्री हो चुकी है। अंश यहाँ पर गेट कीपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं टीम क्योस की, और दो टीम एक साथ गेट कीपिंग कर रही है, फिर भी फ्लॉलेस एंट्री नजर आ रही है। ऋषभ की स्नाइपर चलते हुए आरओएबीडी को डाउन कर दिया गया है, और टीटू ने ट्रेड फायर में अंश को एलिमिनेट किया, बट यहां पर टीम ओपी सक्सेसफुली आरओए स्पोर्ट्स को एलिमिनेट कर देती है। जल्द से जल्द अंश को भी रिवाइव दे दिया गया है। ट्रियो की बैटल है अगेंस्ट स्क्वाड, अभी भी सेफ एंड साउंड टीम केओस नजर आ रही है। पैरेलली ऑन द कोर्स टू बी गेमर को एलिमिनेट कर दिया गया। स्कैरी आल्सो स्पॉटेड एंड टेकन डाउन बाय अमन स्नाइपर, काफी अच्छी पोजीशन गैलेक्सी रेसर के अमन के पास है, स्नाइपर टावर पर होल्ड करके बैठे हैं, और हमने आगे भी कहा था गेट कीपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से शॉट्स भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। 5 टीम 14 प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। अब देखेंगे आगे चल के किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि फैम इंद्रो यहां पर कोड्रा किल कर चुके हैं। अभी ये वाले पर्टिकुलर मैच में सिक्स सेंस की ओर से काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। टॉकिंग अबाउट टीम क्योस, 0 किल के साथ सर्वाइवल गेम प्ले टॉप 5 में भी आ चुके हैं। बिल्कुल टॉप 5 में भी आ चुके हैं। इस पर इकलौते प्लेयर यहाँ पर रहने वाले, क्या वो सर्कल में पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे देखना होगा, बट लकी यहाँ पर कितने ज्यादा लकी होने वाले, क्या वो यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर पहुंच पाएंगे। यार वॉल्स उनके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी, बट गैलेक्सी रेसर भी बैठी हुई शिकार करने के लिए, आई थिंक यहाँ पर नेट्स आने वाले, स्कैरी यहाँ पर नॉक कर देंगे गोल्डन को, आई थिंक देखना होगा रश बिल्कुल यहाँ पर किया जाने वाले। 5 टीम्स यहाँ पर अलाइव रहने वाले। जी हाँ गाइस, सर आगे बढ़ेंगे, गोल्डन एंड अमन क्या सर्कल में पहुंच पाएंगे, अपने कदम यहाँ पर रख पाएंगे। अमन के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पर बनाया जा रहा है, एक प्लेयर आएगा पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर हमको आ जाएगी। नेट्स यहाँ पर क्या थ्रो किए जाने वाले थे, आई थिंक ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा किल पॉइंट यहाँ पर निकाल कर जहाँ पर बढ़ा देंगे। अमन यहाँ पर नहीं, जी नहीं, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एएस स्पोर्ट को भी एलिमिनेट किया जाएगा। स्कैरी एंड डिवाइन यहाँ पर दो ही प्लेयर्स बचे रहने वाले, किसके पास है पूया यहाँ पर निकल कर जाने, तो गाइस क्या गेमिंग यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी, साथ साथ टोटल रैंकिंग भी आ चुका है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ देखना होगा 11 किल सिक्स सेंस यहाँ पर निकालेगी टीम क्योस, 12 किल आई थिंक यहाँ पर हमको देखने मिले सिक्स सेंस की तरफ से, एक अच्छे खेल पूया यहाँ पर हमें देखने मिल चुका है इनकी तरफ से। तो गाइस #6 कमेंट सेक्शन लगाते रहे, स्ट्रीम को लाइक नहीं करते जल्दी से लाइक कीजिए, अपना जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर बनाए रखना, और साथ ही साथ आप लोग अगर हैशटैग लगाने लाइक करना। गाइस यहाँ पर टीम लीड को सपोर्ट करने का वक्त आ चुका है, आपको जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए ना, आपकी फेवरेट टीम कहीं पर भी नहीं जाएगी, आपको फ्यूचर में खेलते हुए साथ में नजर जरूर आएगी। Absolutely, लेकिन अभी ऑलरेडी सिक्स सेंस के फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे, डबल डिजिट किल्स भी लिया है, फैब इंद्रो MVP बन चुके हैं, एंड टॉक अबाउट टीम एलीट, कुछ इंटरनेट ग्लिच, कुछ ना कुछ रीजनिंग है जिसके चलते वो खुद से बैक आउट हुए हैं, दे आर नॉट प्लेइंग दिस करंट टूर्नामेंट, लेकिन और 11 टीम्स हैं जो खेल रही है, आप उनके लिए सपोर्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पर और दूसरे प्लेयर्स को भी सपोर्ट दे सकते हैं, सो डोंट वरी, डोंट कम इनटू हैसल। करंटली अगर हम बात करें, 4 अननोन फर्स्ट मैच में स्टम्बल डाउन हुई थी, सेकंड में आउटशाइन कर गई थी, सिक्स सेंस रिपीटेटिवली थोड़ी सी शेकी नजर आ रही थी, लेकिन काला आ रही जैसे ड्रेडफुल मैच के अंदर डबल डिजिट किल के साथ बुया लेकर जा रही है। एंड जो TSG के साथ बैटल पिक की थी वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरी थी, जहां पर दोनों ही टीम को जोन में जाना था, हेल्थ किट की कमी थी, उसके बावजूद एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए, एक अच्छा रोटेशन लेते हुए सर्कल के अंदर एंट्री ले लेते हैं, विच वॉज ब्यूटिफुली कमिंग इन फ्रॉम सिक्स सेंस, एंड द कैप्टन हिमसेल्फ यहां पर MVP बनने चुके हैं, सो इट वॉज अ गुड प्ले। #6sense एंड सिक्स सेंस के लिए, अगर आप यू लाइक द प्ले कमिंग इन फ्रॉम सिक्स सेंस, रेड हार्ट्स लगाते जाइए, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते जाइए। सो गाइस यहाँ पर सपोर्ट करते रहे, 3 मैचेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 3 मैचेस यहाँ पर बची रहने वाले, देखना होगा बर्मुडा पर्केटरी कालाहारी मैप के अंदर कितने ज्यादा प्लानिंग सब किए जाएंगे, क्या सेम रोटेशन लिए जाने वाले या फिर कुछ नया आजमाया जाएगा टीम्स की तरफ से, ज्यादा से ज्यादा किल्स यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया 4 अननोन भी 13-13 किल के साथ बुया निकाल लिया, 6 सेंस यहाँ पर 12 किल के साथ बुया निकाल लिया, मतलब हाईएस्ट किल काउंट वाला गेम प्ले यहाँ पर निकालने में लगे हुए, ज्यादा से ज्यादा किल पॉइंट यहाँ पर अपने नाम कर पाए, क्योंकि top 3 टीम्स यहाँ पर क्वालिफाई होकर जाने वाले हैं। जब भी हम लोग देखते हैं 12 की 12 टीम ऐसी निकल कर आती है सामने की, यार वहां पर कोई भी टीम किसी भी टीम के ऊपर भारी पड़ सकती है, तो तब एक बहुत ज्यादा अलग ही लेवल का गेम प्ले हमको देखने मिलता है, तब पता चलता है कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनकर निकलेगी, अपने लिए टॉप 3 में जगह बनाएगी।
यस, यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलों वाला प्ले होता है क्योंकि 12 टीम्स भी यहाँ पर क्वालिफाई होकर क्वालिफायर्स में आती हैं, तो हर एक टीम काफी करारी टक्कर देती है। एंड जो पोजीशन 1 पर टीम 2 भी गेमर है, क्या उन्होंने उतना सफिशिएंट प्ले किया है कि अभी भी अपनी पोजीशन 1 रिटेन कर सकें, जी सस्टेन कर सकें? क्योंकि यस, हमने उन्हें देखा जरूर था टॉप 5 टॉप 6 टीम्स में, बट हाउ मेनी किल्स वर देयर वो डेफिनेटली हम देखने से चूक गए। तो नेक्स्ट लीडर बोर्ड के लिए बताइए, बिल्कुल, क्या आपको लगता है NXT नंबर 1 होगी या फिर कोई और टीम हो चुकी होगी जो नंबर 1 बनेगी? तो कीप ऑन गिविंग योर गुड गेसेस, क्योंकि आपके गेसेस भी यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम के लिए हो सकता है मोटिवेशन बन जाए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, हमारा अगला मैप बर्मुडा मैप किसी भी वक्त हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। प्लेन अपनी उड़ान यहाँ पर भरेगा, कैसे रोटेशन ले जाएंगे, 4 अननोन आई थिंक इस बार संभल कर खेलना होगा। एंड इनफैक्ट हर एक टीम को थोड़ा सा सोच समझ कर खेलना होगा। आज तानिया ऐसा दिन होने वाला जहां पर टीम्स रहेंगी तो भले ही ऊपर की तरफ, बट उनके बीच का डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट, क्या पता किसी टीम के बीच में 1 पॉइंट का डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेगा। कोई भी टीम से एक गेम अच्छा निकालेगी 10 से 12 किल के साथ, अगर बुआ किया तो डायरेक्टली टॉप 5 में हमको नजर आएगी। यस एब्सोल्युटली, पॉइंट डिफरेंस जो है वो काफी कम है, जिसके चलते कंपटीशन और ज्यादा दुगना हो रहा है। 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें बार बार देखने के लिए मिल रहा है लीडर बोर्ड में। पोजीशन 1 भी अभी भी अक्वायर हो सकती है, क्योंकि पोजीशन 1 और 2 के बीच में सिर्फ 8 या 9 पॉइंट्स का डिफरेंस था, जिसके चलते वो अचीव करना काफी ज्यादा आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो लेट्स सी कौन सी टीम और कितना स्कोर करेगी और कितना अच्छा खेलेगी। अल्टीमेटली हर एक टीम अपने आप को प्रूव करने के लिए आती है, हर एक टीम पार्टिसिपेट करके प्रैक्टिस करने आती है। तो वी आर गोइंग टू गेट टॉप 3 टीम्स जो आगे चलेंगी। हाफ सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है फॉर जीएजे क्वालिफायर्स का, हाफ सेगमेंट अभी भी बाकी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फोर्थ मैच फॉर द डे फॉर जीएजे ई-स्पोर्ट्स क्वालिफायर्स इज राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। फर्स्ट मैच डेफिनेटली बीइंग बर्मुडा, फ्लाइट पाथ बीइंग डायगोनल, सेंटोसा आइलैंड पर हमें टू बी गेमर नजर आ रही है, पीक पर भी गैलेक्सी रेसर की लैंडिंग नजर आ रही है, FZ ई-स्पोर्ट्स भी लैंड कर चुकी है, एंड यहां पर से काफी अच्छा स्प्रेड आउट गैलेक्सी रेसर आगे बढ़ते हुए टुवर्ड्स मिल, एरो ई-स्पोर्ट्स अभी भी पीक पर होल्ड करते हुए, बीमा सकती स्ट्रिप पर बी टीम की ओर और CRX ने लैंडिंग की है। जी बिल्कुल, वो लैंडिंग की जाएगी 4 अननोन। आई थिंक पिछले बर्मुडा मैप में भी आपको देखने मिला था प्लांटेशन के ऊपर यहाँ पर हॉट जोन नजर आता है, इस बार भी यहाँ पर देखने मिल जाएगा। आनंद यहाँ पर अपने लिए स्नाइपर ढूंढते हुए हमको नजर आने वाला है। इसी के साथ साथ TSG एंड टीम की ओर यहाँ पर रहेंगे, ग्रेवयार्ड एंड बुल्स यहाँ पर लूट करते हुए नजर आ जाएंगे। 3 टीम्स यहाँ पर रहेंगे, बट ऑब्जर्वेटरी के ऊपर कोई भी नहीं किया। बट हम लोग बात करेंगे क्लॉक टावर, FG, CRX डिवाइन, उनके बाजू में AS स्पोर्ट हंगर के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। आई थिंक ओ माय गॉड, यहाँ पर 2B गेमर बिखर चुकी है। 2 से 3 प्लेयर होने वाले सेंटोसा के ऊपर एंड 1 प्लेयर पीक के ऊपर हमको देखने के लिए मिलने वाले। क्या अकेला प्लेयर यहाँ पर फाइट ले पाएगा या फिर गलती से जो है वो जंप यहाँ पर कर दिया गया, एंड देखना होगा आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। TSG यहाँ पर ट्राई करी है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी लूट यहाँ पर कर पाए, बट सामने 4 अननोन है, पीछे एक और टीम टीम क्यूस यहाँ पर होने वाला है। सोच समझ कर जो है वो आगे बढ़ना होगा, बट विहान को एक सिंगल स्नाइपर मिल चुके, पैराफिल उनके पास यहाँ पर रहने वाले। इसी के साथ साथ गाइज, थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर फाइट सीरियन। गाइस, अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट के लिए सपोर्ट कीजिए अपनी फेवरेट टीम्स को, और जितना ज्यादा सपोर्ट हो सकता है आप लोग यहाँ पर दिखाते रहें। साथ ही साथ यार, आपकी जो टीम्स है बिल्कुल भी अलग नहीं होगी, मैं फिर से एक और बार बोलूंगा, सपोर्ट यहाँ पर दिखाइए, लाइक कीजिए स्ट्रीम को, एंड अपने टीम्स के लिए हैशटैग जरूर यहाँ पर लगाते रहिए। बिल्कुल, यहाँ पर अपनी फेवरेट टीम के लिए सपोर्ट बढ़ाते जाइए। अभी अभी टीम सिक्स सेंस ने बुया निकाला है, मार्स इलेक्ट्रिक पर भी कब्जा कर लिया है, लूट करते हुए नजर आने। एज ऑलवेज ग्रुप में ड्यूटी चल रही है, थोड़े से प्लेयर्स मार्स इलेक्ट्रिक पर, थोड़े से प्लेयर्स फैक्ट्री पर, स्प्लिट ऑफ 50-50। टॉकिंग अबाउट FZE स्पोर्ट्स, क्लॉक टावर के पास लूट करते हुए नजर आने, इंडीड क्लॉक टावर पर ही लूट करते हुए नजर आने, एक्सेप्ट फॉर 1 प्लेयर जो अपनी टीम से काफी ज्यादा बिखरे हुए हैं। ये रिस्क ऑफ एलिमेंट हो सकता है, ये स्काउट कर रहे होंगे, फ्लैंक कर रहे होंगे, लेकिन फ्लैंक करने के लिए भी सिर्फ 2.5 मिनट हुई है, काफी जल्दी फ्लैंक करने का भी ऑप्शन चूज किया गया है। बट क्लॉक टावर पर अभी के लिए थ्रू द मिनी मैप एज वेल ग्राउंड किसी के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, तो सेफर अप्रोच है, चाहे दूर से लूट करें चाहे पास से लूट करें, क्लॉक टावर पर कब्जा अभी के लिए FZE स्पोर्ट्स का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर नजर आ रहा है FZE स्पोर्ट यहाँ पर लूट करते हुए नजर आ जाएंगे। आई थिंक देखना होगा यार, यहाँ पर माफिया और रोमन होने वाले गनी हमको देखने मिल जाएंगे, अच्छे खासे वेपन्स यहाँ पर उठाने होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमको आगे बढ़ेंगे बाकी दूसरी टीम्स की तरफ, AS स्पोर्ट यहाँ पर लूट करेगी, इनकी तरफ से भी काफी प्रभावशाली गेम प्ले हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर राज होने वाले, लक्की होने वाले संजय एंड अंकित, जी हाँ लूट करेंगे हंगर का एरिया, थोड़ा सा स्प्रेड आउट होकर लूट करना होगा, एंड जितने ज्यादा टोकन होंगे उतने ज्यादा एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वॉल्स निकाल पाएंगे, नेट्स यहाँ पर निकाल पाएंगे, स्नाइपर्स यहाँ पर जो है वो निकाल ली जाएंगे। इसी के साथ अगर बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा घरों को यहाँ पर लूटना होगा, अंकित आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग करते वक्त यार क्या वो नेट्स निकालने वाले या फिर वॉल्स निकालने वाले, एक और टीम मेंबर आएंगे यहाँ पर साथ देना चाहेंगे। इसी के साथ साथ
सीआरएक्स डिवाइन की बात करें तो एरियाना, स्नेहा, सुशी एंड शेरनी यहां पर जरूर लूट करते हुए नजर आ जाएंगे। रिमनाम का एरिया इनके नाम बिल्कुल होगा, कोई भी टीम इनके आसपास नहीं है, बट जल्दी से जल्दी इनको लूट करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिमनाम पर गेट कीपिंग करने के लिए कोई ना कोई तो टीम आती ही जरूर है, टीम्स को निकलने नहीं दिया जाता है। पॉसिबल ट्राई करते क्या जितने ज्यादा किल्स हो सके उतने ज्यादा किल्स यहाँ पर निकाले जा सके। इसी के साथ बात करेंगे गाइस, कोई भी टीम ने अभी तक कोई भी किल जो है वो नहीं निकाला है, देखना होगा कौन सा पहला फ्रैग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बस शेरनी की यहाँ पर कुछ एक अलग ही ड्रेस हमको देखने के लिए मिल रही है, आई थिंक देखना होगा कितना अच्छा गेम प्ले यहाँ पर सीआरएक्स जो गर्ल्स की टीम है वो आज यहाँ पर दिखाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर विंटर पैंडा, विंटर सैंटा नजर जरूर आ रहे हैं इतनी गर्मियों के मौसम में, इतनी समर्स के मौसम में, मॉनसून इज कमिंग सून, तो देखेंगे कि क्या टीम सीआरएक्स का भी मॉनसून आने वाला है, क्या बारिश है किल्स की लेने वाली है या फिर ग्रेनेड की बारिश है करने वाली है। टॉकिंग अबाउट एफजेड ईस्पोर्ट्स, यहाँ पर काफी देर से क्लॉक टावर पर थे, हैंगर की ओर आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पे ग्राउंड शेयर कर रहे हैं एएस ईस्पोर्ट्स के साथ। एंड एफजेड ईस्पोर्ट्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, ये टीम को हम ऑलरेडी बॉटम 5-6 में देख रहे हैं, एएस ईस्पोर्ट्स का सामना क्या कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अंकित को स्पॉट कर लिया गया है, डाउन करने की कोशिश की जा रही है, नॉक भी निकाले जा रहा है एंड फर्स्ट ब्लड टू बी ड्रॉन ओवर हियर, राजू को स्पॉट एंड डाउन किया गया है, अच्छा परफॉर्मेंस एएस स्पोर्ट्स की ओर से, गनी को भी डाउन कर दिया गया, सिर्फ दो प्लेयर्स बच गए एएस स्पोर्ट्स से, अभी तक एक भी प्लेयर डाउन नहीं है, इतना स्कैटर होकर खेल रहे हैं फिर भी सक्सेसफुल नॉक निकालते हुए नजर आ रहे हैं, रिवाइव देते हुए टीम जरूर आया, उसे भी इतना ज्यादा डैमेज डिलीवर करते हुए संजय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर नजर आ जाएंगे, देखना होगा टीएससी के पास इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहेंगे, तो देखना होगा कितना अच्छा सर्वाइव यहाँ पर जी हाँ गाइस करने वाले हैं। यहाँ पर गाइस आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, वी वांट टीम लीड, तो गाइस यहाँ पर टीम लीड के बीच में कुछ इशू हुआ है तो आज टीम लीड आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट आपको जरूर यार जल्दी से जल्दी आपको जो चारों प्लेयर्स है वो साथ में खेलते हुए नजर आएंगे, तो सपोर्ट आपको यहाँ पर बनाए रखना, स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लिए। टोटल रैंकिंग भी आ चुका है गाइस, टोटल रैंकिंग देखिए, फाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, वॉल्स के पीछे प्लेयर्स सबको नजर आ जाएंगे, तोड़ी जाएगी वॉल्स, इसी के साथ साथ गोलियां यहाँ पर चलाए जाएंगे, देखना होगा क्या प्लेयर्स को पकड़ पाएंगे, एक प्लेयर यहाँ पर एफजेड स्पॉट एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएगी, एआईसी स्पॉट यहाँ पर मचाते हुए नजर आ रही है ना गाइस। टोटल रैंक यहाँ पर तीन मैचेस के बाद हमको देखने के लिए मिल रही है, एंड ये टू बी गेमर 44.6 सेंस 34 पॉइंट्स, एंड यहाँ पर ज्ञान गेमिंग 32 पॉइंट्स, एंड फोर अननोन यहाँ पर 29 पॉइंट्स। आई थिंक तानिया जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जो डिफरेंस है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड से यहाँ पर एट्थ टीम तक एक गेम एंड डायरेक्टली टॉप टू में एंट्री, बहुत फ्लॉलेस एंट्री हो सकती है, बस आपको 10 किल्स लेने हैं, बुया लेना है, जो काफी ज्यादा मुमकिन है, और यहाँ पर ऑलरेडी ये टीम्स वो कर रही हैं। टॉकिंग अबाउट एनएक्सटी स्पोर्ट्स, टॉकिंग अबाउट टू बी गेमर, फर्स्ट मैच से लेकर थर्ड मैच तक चाहे आप बुया ले रहे हो नहीं ले रहे हो, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है संजीव, दे लुक, अभी भी अगर हम देखें तो एनएक्सटी स्पोर्ट्स के पास सबसे ज्यादा फ्रैग्स है, सबसे ज्यादा स्टैंडिंग पॉइंट्स है, जिसके चलते 44 पॉइंट्स की ऑलरेडी लीड बना चुके हैं। टॉकिंग अबाउट सिक्स सेंस, यस 22 पॉइंट्स है, सिर्फ 2 पॉइंट्स लेस है कंपेयर टू व्हाट टू बी गेमर है, लेकिन किल्स की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है, जिसके चलते 10 पॉइंट्स का बफर डिफरेंस है बिटवीन पोजीशन 1 एंड 2, और यहां पर ज्ञान गेमिंग की टीम ओपी 32 पॉइंट्स के साथ पोजीशन 3 पर, टीएसजी स्टंबल डाउन हो चुकी है फर्स्ट लीडर बोर्ड पर पोजीशन 2 पर थी, नीचे आ चुके टुवर्ड्स पोजीशन 6, एंड फोर अननोन ने एक बुया कालारी का निकाला, जिसके चलते 14 किल्स तो जरूर हैं, और फोकस देना होगा कंसिस्टेंसी पर, जिसके चलते और ऊपर जा सकते हैं इन सिक्स सेंस, जो अभी-अभी काफी शानदार परफॉर्मेंस देकर आई है, फैक्ट यहां पर फैक्ट्री पर वेट कर रही है उनके ऑपोजिशन में आने वाले ये टीम ओपी, जो अभी के लिए पोजीशन 3 पर है ज्ञान गेमिंग की टीम। बिल्कुल ज्ञान गेमिंग की टीम, तो यहाँ पर गाइस फायर जो ली जाए, एक नॉक यहाँ पर निकाला जाएगा, देखना होगा सिक्स सेंस यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देने वाली, फिलहाल एक प्लेयर होने वाले जरूर कार के पीछे, पर राइट साइड एक गोलियां फैबिंद्रो के ऊपर चलाई जाने वाली, एक प्लेयर यहाँ पर वॉल लगाकर अपने आपको बचाते हुए नजर आने वाले, मेडिकेट्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के फायर से नेट से यहाँ पर थ्रो जरूर किए जाने वाले, सामने से भी नेट आने वाले, टावर के ऊपर हमको प्लेयर देखने मिल रहे, एक साइड रोड के पास भी प्लेयर आ रहे, थोड़ा सा सिक्स सेंस को संभल कर यहाँ पर फाइट लेने हुए, स्टोनर चाइनज बिल्कुल अब ट्रबल में फंस सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी एक और प्लेयर है, क्या रिवाइव देने के लिए आएंगे क्या नहीं आएंगे, बट सिक्स सेंस यहाँ पर ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा किल पॉइंट यहाँ पर निकाले जा चुके हैं, मिस्टर जेवाईटी की स्पीड हमको देखने के लिए मिल रही है गाइस, यहाँ पर वॉल लगाई दे रही है फटाफट से, कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेने जाएंगे, देखना होगा और कितने नॉक यहाँ पर निकालने वाले, क्या ज्ञान गेमिंग को धराशायी कर पाएंगे, स्टोनर यहाँ पर किल्स को कंफर्म करते हुए नजर आ जाएंगे, तीसरा किल यहाँ पर निकाला आज के स्नाइपर टावर के ऊपर प्लेस होने वाले, एक और बार आगे की तरफ बढ़ेंगे, फैब इंद्रो यहाँ पर नॉक निकालने में संभव रहेंगे, जिया रिवाइव भी बिल्कुल मौके पे ऑन द स्पॉट दिया जाएगा, कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं लेते जाएंगे, टीएसजी को ये बिल्कुल एलिमिनेट
यहाँ पर कर दिया गया। इसी के साथ साथ स्टोनर को जल्दी से जल्दी मेडिकेट लगाने को रेडी होगा। स्नाइपर टावर के ऊपर जो एक और प्लेयर बैठे हैं वो क्या वहीं पर बैठे रहेंगे, क्योंकि क्लॉक टावर के ऊपर भी एक और टीम है। रिस्क उनके पास है, गैर ना वो निकल सकते हैं ना वो यहाँ से कहीं और जा सकते, तो यार बिल्कुल उनको थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहना होगा। बिल्कुल यहाँ पर काम इन कंपोज रहना होगा, देखेंगे कौन सी टीम इतनी काम रहेगी। बट बारसा वो यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं है, ग्रेनेड से टी2 को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी ग्रेनेड कनेक्ट नहीं हो पा रहा, नॉक नहीं निकल पा रहा। वीआरसी 1000 को रिवाइव देना काफी ज्यादा मुश्किल, जिसके चलते ही इज ब्लीडिंग टू डेथ ऑलरेडी। गैलेक्सी रेसर को बहुत अच्छी मुश्किलों के साथ अमन अपने प्लेयर को लिटरली 1 HP रिवाइव दे देते हैं। दिस इज वॉट द टीम सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ऊपर UAV नजर आ रहा है और यहाँ पर पोजिशन जो है एनिमीज की वो रिवील हो चुकी है। यूएवी लाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बारसा बॉय अभी भी स्ट्रगल आउट कर रहे हैं, ग्रू ग्लू वॉल के ऊपर जंप लगाकर कोशिश कर रहे हैं स्पॉट आउट करने की। एंड ऑन द कोर्स एएसई स्पोर्ट्स ने टीम ओपी ज्ञान गेमिंग की टीम को एलिमिनेट कर दिया, जो काफी देर से पोजीशन 3 पर हमें नजर आ रही थी। एरो स्पोर्ट्स यहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है, नीचे से ऊपर का सफर है। एरो को डाउन, टी2 को डाउन कर दिया गया है। एंड अमन ग्रोजा से और एक प्लेयर आईबी को भी डाउन कर चुके हैं। अमन की ओर से शानदार प्ले नजर आ रहा है। क्या लास्ट मैन स्टैंडिंग को भागने दिया जाएगा या फिर बारसा बॉय यहां पर रुकने का नाम नहीं लेंगे और अपनी टीम के लिए और किल पर किल कंफर्म करते हुए जाएंगे। बिल्कुल पर कंफर्म करेंगे। गैलेक्सी रेसर यहाँ पर तीसरा किल कंफर्म करते हैं। 3 प्लेयर्स इनके पास भी रहेंगे, तो यहाँ पर सोच समझ कर फाइट चलेंगे। हम लोग यहाँ पर एक बार सर्कल जरूर देखना चाहेंगे, सर्कल्स में टीम्स का रोटेशन यहाँ पर कैसा होने वाला और कैसा नहीं होने वाला। जी हाँ गाइस, देखने में मिल जाएगा सर्कल का सेंटर एएस स्पोर्ट के पास जाने वाला, यानी कि यार फैक्ट्री भी आ रहा है, क्लॉक टावर भी आ रहा है, बट बीच की जो रोड यहाँ पर निकलेगी उसमें स्नाइपर टावर पे कवर लेना होगा। बट देखना होगा यहाँ पर यार, चलते फाइट की तरफ और जानते हैं ये फाइट हमको यहाँ पर देखने में मिली है। 4 अननोन की तरफ से आनंद यहाँ पर बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ने वाले हैं किल्स को कन्फर्म करने में, और इसी के साथ साथ 27 प्लेयर्स यहाँ पर बची रहने वाले। सामने टीम नंबर 3 है, क्या उनके ऊपर रश यहाँ पर करने वाले। 4 अननोन, चारों प्लेयर्स अलाइव है, मैन एडवांटेज इनके पास बिल्कुल यहाँ पर रहने वाला। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, रोटेशन यहाँ पर ली जाने वाली और डबल बैरल यहाँ पर आई थिंक सिंगल स्नाइपर आनंद के पास इस बार हमको देखने मिल रही है। गाइस यार अच्छी खासी लूट यहाँ पर की जाएगी, बट दूसरा 2v गेमर के क्या ही कहने यार, पर टेबल टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी तरफ से कुछ अलग ही लेवल का गेम प्ले हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैजिशियन के पास होने वाली एक सिंगल M2B है, दूसरी कार 90 डिफॉल्ट टीम कनेक्ट कर पाएंगे, बट ऊपर आई थिंक 6 हैं जो कि फैक्ट्री के ऊपर सर्वाइव करते हुए नजर आ रही है। अच्छा खासा सेंटर उनके पास है, क्या वो फैक्ट्री के छत के ऊपर जाएंगे? अगर छत के ऊपर जा चुके एक प्लेयर जी हाँ, तो अपने लिए बिल्कुल एक एयर ड्रॉप मंगवाएंगे, जिससे यहाँ पर दीवार के ऊपर चढ़कर बाकी टीम्स के ऊपर गोलियां यहाँ पर चलाए जाने वाले। आई थिंक यहाँ पर मिस्टर जैव आईडी को देख सकते हैं और कॉर्नर में जाएंगे, समन एयर ड्रॉप ऑन द पॉइंट यहाँ पर मंगवाया जाएगा, जिससे इनके लिए एक कवर बन पाए। और साथ ही और भी समन एयर ड्रॉप यहाँ पर आ रहे हैं, देखना होगा यहाँ पर क्या सिक्स सेंस कितनी ज्यादा किल्स यहाँ पर निकाल कर कितने प्लेयर्स को नॉक यहाँ पर कर पाएगी इतने बड़े हाई ग्राउंड से। यस यहाँ पर हम जरूर देखेंगे हायर ग्राउंड से, अपर ग्राउंड से कितने ज्यादा नॉक्स एंड किल्स कंफर्म कर सकते हैं। सिक्सेस यहाँ पर, सिक्स सेंस यहाँ पर काफी ज्यादा सेटल्ड नजर आ रही है। प्लेयर्स स्टैक अप होकर स्पॉट करने की कोशिश करें, व्हीकल पर अटैक किया जा रहा है, स्केरी को स्पॉट किया गया है, काफी ज्यादा डैमेज है। लुक एट द लोकेशन, यहाँ पर स्प्लिट स्ट्रेटेजी की जा रही है, व्हीकल से 2 प्लेयर्स आगे आ चुके हैं, 2 प्लेयर्स स्नाइपर टावर से कवर फायर देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर तीसरी टीम भी है जो की है 2v गेमर की टीम, टीम NXT, जो काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। क्या सिक्स सेंस सैंडविच सिचुएशन होने वाला है, दोनों ही एंगल से अगर पुश शुरू हो जाता है तो मुसीबतें सिक्स सेंस के लिए काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। एरो एबीडी अपनी टीम के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग है, एरो स्पोर्ट्स ने अभी तक एक विकेल भी नहीं ली और यहां पर अकेले बचे हुए हैं। टॉकिंग अबाउट टीम CRX, तो एज अ ट्रियो सर्वाइव करते हुए आर्यनो को एलिमिनेट कर दिया गया है। 4 अननोन वर्सेस CRX टीम एंड एनी सिंगल टाइप, स्नेहा का परफेक्ट पेरिफेरल अटैक, कुणाल जूनियर को डाउन कर दिया गया लेकिन रिवाइव भी दे दिया जाएगा। मिड टू लॉन्ग रेंज बैटल है, ग्लू वॉल लगा दी गई है, रिवाइव फ्लॉलेसली दे दिया गया है ऑलरेडी, तो 3 वर्सेस 4 की बैटल अभी भी शुरू रहेगी। ऑन द कोर्स सुसी को स्पॉट कर लिया गया, डाउन कर दिया गया, शेरनी यहां पर टेडी बेयर बनकर क्या करेंगी वो जरूर हम देखेंगे। बिल्कुल यहां पर देखें, एनसी के साथ साथ यहां पर आगे बढ़ते हुए हमको नजर आने वाले, देखना होगा यहां पर कितने किल्स है वो इनके पास निकल कर आने वाले। जी गाइस, तो समझ के फायर से नॉक यहां पर करके रखा जाएगा। CRX रिवाइंड के ऊपर खतरा यहां पर बढ़ने वाला है, देखते देखते कौन नॉक यहां पर निकाला जाएगा, देखना होगा कितने किल्स के साथ साथ यहाँ पर 4 अननोन मचाने वाले। क्या बूया यहाँ पर निकाल कर आगे जा पाएगी या फिर नहीं जाने वाले, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होगा। बट जितने तक किल्स यहाँ पर 4 अननोन निकालेगी उतना ही ज्यादा करीब पहुंचेगी टॉप 3 के। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमको नजर आने वाले प्लेयर जो कि देखने के मिल रहे, 4 अननोन 3 किल्स यहाँ पर निकाली जा चुके, स्वास्थ्य 2 किल्स आनंद के पास, 1 किल होने वाले। बट गैलेक्सी आई थिंक यहाँ पर 6 एंड नॉक हो जाएंगे, यहाँ पर उनको पकड़ा जाएगा बिल्कुल। आई थिंक आई डोंट नो यहाँ पर क्या गलती से जंप करके नीचे गिर गए, जो भी हुआ यहाँ पर जैसे गलती से भी गिरे होंगे बिल्कुल पनिशमेंट उनको
ऑन द टाइम दिया जाएगा। और देखते देखते पार्सा बॉय भी यहाँ पर नॉक हो जाएंगे। टू भी गेमर यहाँ पर गोलियां चलाते हुए हमको नजर आ रही है। रिवाइव यहाँ पर दिया जाएगा जरूर से जरूर, पार्सा बॉय को कवर यहाँ पर लेना होगा। बढ़ाई थिंक यहाँ पर उनको रिवाइव देने का मौका नहीं दिया गया। वॉल्स यहाँ पर ज्यादा से तोड़ दी गई अपने लिए कवर बनाने के लिए। समन एयर ड्रॉप यहाँ पर मंगवाए जाएंगे अमन की तरफ से। बट टू बी गेमर यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है नेट से यहाँ पर थ्रो करने के लिए। आज यहाँ पर टू बी गेमर बिल्कुल तहलका यहाँ पर मचाने वाले, डैमेज बहुत ज्यादा यहाँ पर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और नेट एंड गैलेक्सी रेसर क्या एलिमिनेट हो पाएगी? ट्राई करें पूरे के पूरे नेट्स यहाँ पर थ्रो कर पाए। आगे बढ़ते हो रश यहाँ पर करने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तीन नेट्स अभी भी उनके पास रहने वाले। 10 वॉल्स यहाँ पर नजर हमको जरूर आ जाएगी। क्या परफेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे? क्या वॉल के अंदर नीड जा पाएगा? दूसरी तरफ से भी नीड यहाँ पर निकल कर आने वाले। सिक्स ट्राई करेंगे, पैरों में गोल यहाँ पर मारी जाएगी बट ऊपर होने वाले सिक्स है जो कि यहाँ पर किल को कंफर्म करना चाहती है, नॉक यहाँ पर निकालना चाहती है। तो गाइस क्या लगता है आपको, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और साथ ही अभी तक आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। बिल्कुल जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि बैटल अभी यहाँ हीट अप होने वाली है। फायरिंग शॉट्स एक्सचेंज होने लग गए हैं, प्लेयर्स और ओपोनेंट्स को यहाँ पर स्पॉट कर लिया गया है, रुकने का नाम नहीं। और यहाँ पर VR3000 को अमन रिवाइव देते हुए नजर आ रहे हैं। अमन काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं टीम को बचाना, मेंबर्स को बचाना, और यहाँ पर अमन खुद डाउन कर दिए गए हैं। और VR3000 ऑल्सो एलिमिनेट टू बी गेमर के कार की सही में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 किल के साथ टॉप 7 में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 किल से काम नहीं बनेगा तो सस्टेन द पोजीशन 1। अब मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ 10 पॉइंट्स के डिफरेंस है। एनी सिंगल टाइम आप स्टंबल डाउन हो सकते हो एज अ ट्रियो आगे बढ़ते हुए। सिक्स सेंस अभी भी फैक्ट्री साइड के अंदर 5 किल के साथ, एक्सेप्ट दे हैव लॉस्ट मॉन्क एज अ ट्रियो यहां पर खेल रहे हैं। टीम क्योस एज अ स्क्वाड अभी भी 50-50 की स्प्लिट, 2 प्लेयर्स आगे लीड ले चुके हैं, 2 प्लेयर्स अभी भी काफी ज्यादा दूर। जेवाईटी ग्रोजा के साथ रेडी है गेटकीप करने के लिए 2 प्लेयर्स को। एंड ऑन द अदर साइड एएसई स्पोर्ट्स बी सर्कल के अंदर एंट्री लेते हुए नजर आ रही है समर ने ड्रॉप बुलाए जा रहे हैं टीम क्योस की ओर से। नीचे व्हीकल भी रखा गया एज अ सेफ्टी मेजर, जेवाईटी को और कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कार ब्लास्ट कर देंगे तो गेट कीपिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि व्हीक्यूलर एंट्री काफी ज्यादा इजी होती है, स्पीड से आप एंट्री ले सकते हो। एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्लारेन स्पीड भी बढ़ चुकी है फॉर द कार। लेट्स सी यहां पर जेवाईटी का एग्जैक्ट सिनेरियो यहां पर क्या होगा क्योंकि अभी के लिए कवर में भी है, हाइट का एडवांटेज भी है, सर्कल के अंदर भी है, तो सिक्स सेंस के पास चांसेस काफी ज्यादा यहां से भैया ले जाने का। विवेक जो कि स्नाइपर टावर के ऊपर बैठे एक और टीम मेंबर यहाँ पर हमको नजर आने वाले, कितनी गोलियां उनके ऊपर चलाई जाने वाली। आई थिंक थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर प्रेशर डालना होगा बट क्या नॉक निकाल पाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर एक्स डिवाइन जो है नहीं निकल रहे टावर के ऊपर से बट यहाँ पर आई थिंक मिस्टर जयवाड़े गलत स्टेप है, उनको यहाँ पर नॉक किया जाएगा। फ्री फंड का किला थिंक इन्होंने यहां पर गवा दिया। और देखते देखते गाइस 5 टीम्स यहां पर अलाइव रहेंगे, 18 प्लेयर्स यहां पर बचे रहने वाले। 4 अननोन चारों प्लेयर्स के साथ आपको यहां पर नजर आने वाले। एएसई स्पोर्ट्स के साथ इनकी फाइट हमको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। क्या कौन किसके ऊपर यहां पर भारी पड़ने वाले देखने के लिए मिलेगा। 4 अननोन गोल यहां पर चला जाएगी, क्या हार्ड कवर उनके पास निकल कर आ पाएगा। बॉल्स के साथ यहाँ पर प्रहार किया जाए, प्लेयर्स यहाँ पर पीछे हटते हुए हमको नजर आने वाले। यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज जो देखने के लिए मिल रहा है, एसकेएस के साथ 71 का डैमेज यहाँ पर बार बार कनेक्ट किया जा रहा है। देखना होगा लिखी यहाँ पर नेट्स को थ्रो करने वाले, सामने से भी नेट्स यहाँ पर निकल कर आने वाले, कौन किसको यहाँ पर नॉक करके जाने वाले। 4 अननोन यहाँ पर खतरे में पड़ने वाले क्योंकि सैंडविच सिचुएशन यहाँ पर होने वाले। पीछे एक और टीम यहाँ पर होने वाला, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर नॉक हो जाएंगे। आनंद एंड विजार्डो क्या यहाँ पर स्वास्थ्य कर पाएंगे? जी नहीं, यहाँ पर इकलौते प्लेयर बचे रहेंगे, कुणाल जिया इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। देखना होगा जी अकेला प्लेयर कितना आगे तक बढ़ने वाला। जी नहीं, 4 अननोन को कोई भी मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला। इसी के साथ साथ एएसई स्पोर्ट लगातार बचाते हुए 9 केस यहाँ पर अपने खाते में जोड़ते हुए नजर आए। तो गाइस आपको करना है स्ट्रीम को लाइक करना है, एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। कविता देवी, अ बिग शाउट आउट टू यू विद द ग्रीन हार्ट्स टीएसजी को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर 4 टीम 9 प्लेयर बच चुके हैं और यहाँ पर टू बी गेमर के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई। एक कैरी का ग्रेनेड और 2 नॉक निकालिए किल कंफर्म करने के लिए, और भी ग्रेनेड डाले जा रहे हैं। 10 ग्रेनेड तक क्या रिवाइव दे दिया जाएगा टीम सिक्स अभी भी होल्ड एंड प्ले करते हुए रिवाइव दे दिया गया है। विवेक लूजों का डैमेज जो एंट्री ले रहे हैं शॉटगन से बिल्कुल परफेक्ट शॉट्स भी कनेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल आमना सामना यहाँ चल रहा है, फायरिंग शॉट एक्सचेंज होते हुए लिखी को क्या बचा पाएगी टीम की।
प्लेयर्स और यहाँ पर टू बी गेमर से भी प्लेयर्स डाउन एंड यस लिक्की को रिवाइव दे दिया जाएगा. टू बी गेमर एलिमिनेटेड. टू वी थ्री सिचुएशन यहाँ पर होते हुए ग्रेनेड रुकने का नाम नहीं. फैम एंड्रो का ग्रेनेड कैरी के ऊपर ग्रेनेड वर्सेस ग्रेनेड हो गया. यहाँ पर विवेक अकेले बच चुके हैं. फैम एंड्रो को डाउन कर दिया है. 1v1 सिचुएशन. स्टोनर वर्सेस लिक्की. लिक्की को डाउन कर दिया है. रोटेशन लेकर विवेक आ चुके हैं. 1v1 क्रोनो शील्ड का यूज. क्रोनो शील्ड में क्रॉसओवर चल रहा है. प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा नामुमकिन कि यहां से कौन सा शॉट गनर आगे जाएगा. एंड इट इज गोइंग टू बी टीम केओस टेकिंग अवे बूया. काफी अच्छी तरीके से बैटल और ये बैटल बिल्कुल भी इजी नहीं थी. एक्स डिवाइन यहां पर एमवीपी बन जाएंगे. बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन होने वाले एमवीपी 10 किल्स के साथ ये बुआ यहाँ पर लेकर जाएगा. एंड गाइस यहाँ पर एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भी टीम्स नीचे की तरफ बैठी हुई थी वो यहाँ पर ऊपर उठते हुए हमको नजर आने वाले, चाहे वो 4 अननोन हो या फिर हमारी टीम की हो. सो यहाँ पर एएस ईस्पोर्ट्स जिनके पास भी बहुत सारी किल्स निकल कर आई, 8 से 9 किल हमें उनके पास भी देखने के मिले. बट सवाल ये है, क्या टू बी गेमर अभी भी अपनी झलक उन्होंने टॉप 3 के अंदर दिखलाई है, कि अभी भी वो फर्स्ट पोजिशन के ऊपर बरकरार रहने वाले? गाइस #2bgamer इन द कमेंट सेक्शन जरूर लगाइएगा. बिल्कुल हैशटैग लगाते जाइए. टू बी गेमर की ओर से काफी अच्छा परफॉर्मेंस है. टू बी गेमर के लिए प्यार भी काफी ज्यादा कमेंट्स में नजर आ रहा है. आप आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते जाइए. बट टीम की ओर से भी एक बुआ आ चुका है गाइस. तो कोई भी टीम पीछे नहीं जा रही. रिपीटेशन नहीं है, डोमिनेंस नहीं है, जिसके चलते कॉम्पिटिशन जो है और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है. हर बार अलग टीम बुआ लेकर जा रही है. एक बुआ 4 अननोन, एक बुआ टीम की ओर से, एक बुआ टू बी गेमर एंड अभी अभी टीम की ओर से भी एक बुआ निकाल लिया है. 2 और मैचेस बचे. आपको क्या लगता है कि रिपीटेशन ऑफ बुआ नजर आएगा, कि आज का दिन ऐसे ही जाएगा? हर एक मैच में नया किंग, नया किंगडम देखने के लिए मिलने वाला है. बिल्कुल यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला. तो गाइस आपको यहाँ पर स्ट्रीम को लाइक करते रहना, सपोर्ट यहाँ पर बनाए रखना, हैशटैग लगाने अपने फेवरेट टीम्स के लिए. गाइस यहाँ पर हमारा बरमुडा मैप कंप्लीट हो चुका है. 2 मैचेस यानी कि 2 मौके और यहाँ पर बची रहने वाले. देखना होगा परगेटरी मैप हमारा नेक्स्ट मैच होने वाला, उसके बाद कालाहारी मैप भी हमको देखने नहीं मिलेगा. बट अभी यहाँ पर ड्रॉप लोकेशन में क्या चेंजेस होने वाले, क्या 4 अननोन मार्बल वर्क को छोड़कर क्या ब्राजीलिया में कभी उतरेगी या फिर नहीं उतरेगी? बट गैलेक्सी रेसर कहां पर होने वाले, टीएससी कहां पर होने वाले, हर एक टीम के ऊपर हमारी नजरें यहां पर बनी रहेंगे. देखना होगा कौन कितने किल्स निकालेगा. बट इस जो मैच अभी यहां पर कंप्लीट हुआ उस मैच के अंदर बहुत सारे किल्स है वो निकालेगी. 4 अननोन ने भी ट्राई करा, एएस ने भी ट्राई करा, हर तरफ से ज्यादा किल्स निकालकर अपने लिए जगह बनाना चाहते टॉप 3 में. तो ये लड़ाई अभी बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं. अभी दोनों मैचेस में और ज्यादा लड़ाइयां यहां पर होने वाली, क्योंकि 4 मैचेस में जो रिजल्ट अभी तक बना होगा टीम्स को पता होगा कि यार हमारे कितने पॉइंट्स हैं. एंड अगले मैच में जो टोटल रैंकिंग हमको देखने के लिए मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली टीम्स को समझ में आएगा कि अभी हमें और कितनी मेहनत करनी है जिससे हम लोग टॉप 3 में अपनी जगह बना पाए एंड बाकी टीम्स को थोड़ा सा नीचे करके एक सेफली यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट कर पाए. यस एब्सोल्युटली. अपने लिए एक इतनी लीड बनानी होगी कि जो नीचे वाली टीम्स हैं वो उनके तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करें, डिफिकल्टी बढ़ाएं. अब ये करने के लिए आपको करना ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रैग्स निकालनी है. एंड कंपटीशन इतना ज्यादा है कि किल्स निकालना काफी ज्यादा मुश्किल. टॉकिंग अबाउट एएसई स्पोर्ट्स, सोनिया कलाई थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एएसई स्पोर्ट्स. आप हाथ स्पैम करते जाइए, अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते जाइए, काफी अच्छा सपोर्ट देती हुई. कविता देवी फिर से टीएसजी को सपोर्ट कर रही है, बिग शाउट आउट टू यू एज वेल. एंड लोन वुल्फ थोड़े से नाराज हैं 4 अननोन से कि 4 अननोन का फायर पावर कम हो गया. बिल्कुल कोई भी टीम का फायर पावर कम नहीं होता है, इट इज जस्ट दैट वो सिचुएशन उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं होती है. एंड टॉकिंग अबाउट राइट नाउ 5th मैच फॉर द डे इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन. हाईएस्ट रिसोर्स जोन पर टीम ओपी नजर आ रही है. फायरिंग शॉट्स ऑलरेडी एक्सचेंज होते हुए बहुत अर्ली बैटल्स हो चुकी है. टीम टीएसजी फिर से एक बार ब्राजीलिया के पास ग्राउंड शेयर करते हुए नजर आ रही है. एंड दे आर शेयरिंग द ग्राउंड्स विद एरो ईस्पोर्ट्स. बिल्कुल यहाँ पर देखना होगा, इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ पर GXR की फाइट जो है वो होने वाले टीम की ओर से. एक और बार सेम सिनेरियो हमको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा. जी हाँ, क्या ये फाइट होने वाली है, क्यों नहीं यहाँ पर कंप्लीट करके जा पाएगा? पिछली बार तो टीम की ओर से यहाँ पर बाजी मारती, क्या इस बार यहाँ पर रिवेंज लिया जाएगा? क्या GXR यहाँ पर रेडी रहेगी या फिर नहीं रहने वाला? सोच समझ के यहाँ पर अपने जो कदम है वो रखने होंगे. किसी भी कदम पर कोई भी टीम आपको यहाँ पर मिल सकती है. आगे बढ़ेंगे, बारसा बॉय यहाँ पर ट्राई करे ज्यादा से ज्यादा रोटेशन लेकर किसी प्लेयर को पकड़ा जाए. बट यहाँ पर कौन आगे जाएगा, कौन यहाँ पर गलती करेगा, कौन नहीं करेगा? बट टीम क्योस हमको आई थिंक थोड़ा सा दूर है. एक प्लेयर जो कि स्कैरी हमको देखने में मिले, क्या वो जल्दी से जल्दी अपने टीम को यहाँ पर रिज्वाइन करेंगे ताकि एक अच्छी फाइट यहाँ पर देखने में मिल जाए? स्कैरी विवेक और साथ ही साथ बात करते हैं दूसरा सिक्स सेंस यहाँ पर बनी रहने वाला. आई थिंक यहाँ पर उनके साथ एक टीम होने वाले, मिस्टर जय वाइट यहाँ पर ट्राई करें जल्दी से जल्दी अपने टीम मेंबर के पास पहुँच पाए. टीम नंबर 3 जो कि होने वाली है CR ST1, एक लौती प्लेयर स्नेहा यहाँ पर बची रहने वाली. जी हाँ, आगे बढ़ना होगा गाइस, देखना होगा क्या ये अकेली प्लेयर यहाँ पर निकल पाएगी सर्वाइव करने के लिए. CR ST1 को डिवाइन को अगर यहाँ पर
क्वालिफाई होना है तो उनको यहाँ पर आई थिंक ऑलमोस्ट 10 से 15 किल निकालने होंगे दोनों ही मैचेस में, बट आई थिंक यहाँ पर अकेली प्लेयर बचे तो शायद से इम्पॉसिबल इनके लिए होने वाला है। Yes, यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबतें होंगी स्नेहा के लिए, सोलो सर्वाइवर हैं, पैसिव अप्रोच रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा छुपे हुए रहना होगा, देखेंगे कि कौन से रोटेशन से अपने आप को छुपाएंगे। फिर टॉकिंग अबाउट एफजेड ई-स्पोर्ट्स, यहाँ पर बैटल लेते हुए नहीं है तो माउंट वेला नजर आ रहे हैं, दे आर शेयरिंग द ग्राउंड विद एएस ई-स्पोर्ट्स राइट नाउ। एंड यहाँ पर अ बिग शाउट आउट टू समीर खराल, 70 उत्तम, अननोन गेमिंग, ठाकुरी एंड इट इज दिबाश मगर जो कंटिन्यूअसली 2B गेमर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पर सेंट्रल पर भी बैटल छिड़ चुकी है गाइस, वंस अगेन द हिस्ट्री रिपीट्स, इट इज गोइंग टू बी गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस टीम केओस। हमने पिछले मैच में देखा कि गैलेक्सी रेसर यहाँ पर एलिमिनेट हो गई थी और टीम केओस अपना झंडा लहराते हुए नजर आई थी, क्या इस बार भी वही होगा या फिर इस बार गैलेक्सी रेसर अपना बदला लेकर आगे जाएगी। टॉकिंग अबाउट एएस ई-स्पोर्ट्स राइट नाउ, यहाँ पर फाइटिंग शॉट्स कनेक्ट करते हुए एफजेड ई-स्पोर्ट्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, लकी अपने आप को हील अप करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। माउंट में जाके ये बैटल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है क्योंकि प्लेयर्स भी यूनाइट होते जा रहे हैं, क्लोज बैटल शुरू हो चुकी है, संजय भी स्नाइपर से बैटल ले रहे हैं और ग्लू वॉल को ब्रेक इन करके पेनिट्रेट करके अपने लिए एक नॉक यहां पर कंफर्म किया है, लकी MP40 लेकर यहां पर किल पर किल कंफर्म किए जा रहे हैं, संजय डाउन, लकी डाउन, मिस्टर राज एंड अंकित आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट ऑफ टीम सपोर्ट पॉसिबल, लेकिन इतनी ज्यादा डिस्टेंस से क्या ये टीम सपोर्ट मिल पाएगा, क्या ये कवर फायर इफेक्टिव होगी जी देखना होगा। यहाँ पर एएस ई-स्पोर्ट्स आई थिंक रिवाइज देने में क्या सक्षम रहेगी। जी हाँ गाइस आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हमें मिस्टर राज यहाँ पर देखने में मिल जाएंगे, बट एफजेड ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाले। देखना होगा यहाँ पर क्या इफेक्ट छोड़ा जाएगा। जी यहाँ पर माफिया रोमन बहुत ज्यादा लो थे ऑलरेडी, एक गोली कनेक्ट के यहाँ पर नॉक निकाला जाएगा, एएस ई-स्पोर्ट्स की रिवाइव देने के लिए खिलौते प्लेयर यहाँ पर जरूर आगे की तरफ बढ़ेंगे। सिक्सर P90 का प्रहार है, GXR को भी यहाँ पर दूसरा एलिमिनेट किया गया, एएस ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी एंड VK इकलौते प्लेयर बचे उनको यहाँ पर जाएंगे और जल्दी जल्दी रिवाइव देते हुए हमको नजर यहाँ पर आ जाएंगे। तो गाइस अच्छा खासा गेम प्ले टीम्स की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है, 9 टीम्स अलाइव और 31 प्लेयर्स हमको देखने मिल जाएंगे। एफजेड ई-स्पोर्ट्स 4 किल्स अपन निकाले गए बट इस 4 किल का सामना वो कैसे कर पाएंगे, यानी कि यार 4 किल 2 प्लेयर्स एंड इनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, ट्राई करना होगा जैसे जैसे थर्ड पार्टी ये लोग पिक करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी के अलावा इनके पास मौके नहीं होंगे फाइट लेने के। 2v4 निकालना इतना आसान नहीं रहेगा बट ज्ञान गेमिंग जरूर यहाँ पर आगे जा रही है, तैर कर पानी यहाँ पर क्रॉस किया जा रहा है बट देखना होगा कहीं इनको मछलियां समझकर शिकार कोई और ना कर ले। Yes, यहाँ पर वॉटर रूट काफी ज्यादा रिस्की होता है जब आप इसे स्विम करके जाते हो, यू आर ऑलरेडी वल्नरेबल और यहाँ से आपका नॉक निकलना काफी ज्यादा एक इफेक्टिव वे है जब आप गेट कीपिंग करते हो, प्लेयर्स वॉटर रूट से आते हैं जल्द से जल्द आप नॉक इन किल कंफर्म कर लेते हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टीम ओपी अपने ऑलरेडी रूट बना चुके हैं, सर्कल के अंदर एंट्री लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट TSG राइट नाउ, यहाँ पर TSG ग्राउंड शेयर करते हुए नजर आ रही है, एरो स्पोर्ट्स के साथ काफी ज्यादा देर तक ब्राजीलिया के ही ग्राउंड शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीम ओपी की एंट्री हो चुकी है, अब देखेंगे कि टीम ओपी वर्सेस आरओ स्पोर्ट्स होता है तो कौन सी टीम बचेगी और TSG इसका एडवांटेज किस तरीके से उठाना पसंद करेगी, बिकॉज़ आरओ टी को यहां पर डैमेज हुए थे, जख्मी हुए थे, अपने आप को हील अप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्रोनो शील्ड का काफी ज्यादा यूजेज कमिंग अप फ्रॉम टीम ओपी एंड यहां पर T2 ने भी अपने लिए क्रोनो शील्ड लगा लिया, अल्टीमेटली इट इज ऑल थैंक्स टू ब्लू वॉल के प्लेयर्स अपने नॉक प्लेयर्स को रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन TSG का फायर पावर अनस्टॉपेबल नजर आ रहा है, बियॉन्ड विद वेरी लिटिल टू नो HP ओजस वी डाउन खतरे में पड़ते, दो अलग अलग टीम्स के प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक करके रखा जा रहा है, एक तरफ एरो की फाइट चली दूसरी यहाँ पर TSG ने जो है वो किल निकाली, एक और प्लेयर को नॉक करेंगे, आई थिंक यहाँ पर टीम ओपी ज्ञान गेमिंग एलिमिनेट हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें तो TSG लेजेंड यहाँ पर ट्राई करें, विहान यहाँ पर किल को कंफर्म करेंगे, 3 किल्स TSG के खाते में यहाँ पर निकल कर आज के, तो गाइस बहुत ही अलग लेवल का गेम प्ले हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इसी के साथ साथ एरो स्पोर्ट्स यहाँ पर हमको देखने मिल जाएगी, सिर्फ एक ही प्लेयर को खोया है यहाँ पर, उनके पास मौका है कि यार पीछे अपने कदम हटा लीजिए, जल्दी से जल्दी एकत्रित होकर एक अच्छी फाइट एंड ऑफ द सर्कल वो यहाँ पर ले, क्योंकि ए टीम से लाइव ज्यादा प्लेयर्स नहीं होने वाले, सिर्फ सर्कल में जाकर बैठना, ट्राई करना बूया यहाँ पर लेकर जा सके। इसी के साथ साथ बात करना चाहेंगे टोटल रैंकिंग निकल कर आज का, NXT यहाँ पर 2B गेमर हमको देखने मिले जो कि फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर हमको नजर आ रही है, 56 पॉइंट्स उनके पास आएंगे, 6 एंड के पास 49 पॉइंट्स आने वाले, टीम क्यों हमको देखने के लिए मिल जाएगी, थर्ड पोजीशन 46 पॉइंट्स, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा नहीं, जो भी टीम यहाँ पर एक मैच के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकालेगी वो अपने लिए टॉप 3 में जगह बिल्कुल बनाएगी।
बिल्कुल यहाँ पर जगह बना लेगी। अभी तक भी एनएक्सटी स्पोर्ट्स टू बी गेमर अपनी जगह बनाए बैठी है, पोजीशन वन पर है, लेकिन अब सिर्फ 7 पॉइंट्स का 6 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर बच गया है। और अगर ये 6-7 पॉइंट्स इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं किल्स में तो अचीव करना टारगेट और ज्यादा ईजी हो जाएगा। 6 सेंस डोमिनेंस बना रखा है पोजिशन टू पर 49 पॉइंट्स के साथ, और टीम के उसने पिछले भूये के भूया इतनी अच्छी तरीके से निकालते हुए अपने आप को अपशिफ्ट देकर टॉप थ्री में जगह बना ली है। एएसई स्पोर्ट्स पोजिशन फोर पर है 4 रन 38, तो डिफरेंस वी कैन से कि एक बुया और 7-8 डिसेंट किल्स, ना कि आपको डबल डिजिट ग्रैंड बुया निकालना है। डिसेंट किल के साथ भी अगर आप बुया निकाल लेते हो तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। अभी भी मौका होने वाला है, परगेटोरी का मैप है, अभी भी 8 टीम्स आर सर्वाइविंग एंड इसके बाद काला हरी भी बाकी है। स्नेहा वर्सेस मॉन्क नजर जरूर आ रहा है, स्नेहा के पास एक सर्कल का एडवांटेज है। मॉन्क अगर यहां से वुड पैकर के चलते पीक भी करते हैं तो स्नेहा वीएसएस से डेफिनेटली अटैक करेगी एंड जोन का डैमेज लेते हुए मॉन्क काफी इंटरेस्टिंग बैटल 1v1 सीआरएक्स वर्सेस टीम 6sense। टीम सीआरएक्स बॉटम 3 में है, टीम 6sense टॉप 3 में है। टीम 6sense का सर्वाइवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, कवर फायर स्टोनर की ओर से आ जाता है। यहां पर स्नेहा को रोका जाएगा कि वो गेटकीपिंग ना करे उनके प्लेयर की, स्नेहा ने रियलाइज कर लिया है 1v1 सिचुएशन, स्टोनर वर्सेस स्नेहा एनी टाइम हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, देखना होगा यहाँ पर आगे बढ़ेगी 6sense, कोई भी मौका नहीं देना चाहते प्लेयर, क्या यहाँ पर बच पाएंगे जिन्हें ट्राई करना चाहते हैं, साइज से यहाँ पर फिनिश ऑफ कर पाएंगे, मेले वेपन से ट्राई करें किल को कंफर्म किया जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे बढ़ेगा, फाइनली यहाँ पर पेन से फिनिश ऑफ किया जाएगा स्नेहा को, यहाँ पर 6sense चौथा किल अपने खाते में ऐड करते हुए हमको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करेंगे, इनको पता था कि यार सिर्फ अकेली प्लेयर यहाँ पर बचे हुए, तो क्यों ना हम लोग कुछ अलग यहाँ पर ट्राई करें। बट देखना होगा सर्कल के अंदर इनको यहाँ पर जाना, आई थिंक 7 टीम्स यहाँ पर अलाइव है, 25 प्लेयर्स हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। 4 अननोन का खाता अभी तक नहीं खुला, बट यहाँ पर बैठे हो चुपचाप से एक नॉक जैसे ही यहाँ पर निकलेगा वैसे ही यहाँ पर रश किया जाएगा। देखना होगा कौन जल्दी से नॉक निकाला जाएगा, क्या वो यहाँ पर पकड़ पाएंगे एक सिंगल स्नाइपर। जी हाँ, गोलियां चलाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठिए 4 अननोन से। आनंद यहाँ पर क्या स्नाइपर शॉट करेंगे, चिया ट्राई करेंगे, एक नॉक यहाँ पर निकला जाएगा, खत्री को फिनिश ऑफ भी किया जाएगा ऑन द स्पॉट, इनको पनिशमेंट यहाँ पर दे दी जाएगी, कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे। बट देखना होगा टू बी गेमर आई थिंक क्या 4 अननोन का सामना यहाँ पर कर पाएगी, क्या 4 अननोन यहाँ पर 4 किल्स उठाने वाली, क्या इन तीनों प्लेयर्स को भी पकड़ा जाएगा, कितने किल्स यहाँ पर निकाल कर आगे की तरफ बढ़ने वाले। जी हाँ गाइस, थोड़ा सा सोच समझ कर फाइट से होंगे, 4 अननोन को अपने प्लेयर्स को बचा कर भी यहाँ पर रखना। बट टू बी गेमर क्या यहाँ से अपने कदम पीछे हटाकर निकलने में बिलीव रखेंगे या फिर कुछ और यहाँ पर होने वाला है, अपने कंपाउंड्स को यहाँ पर छोड़ दिया है। ब्रैक्सटन ऑलरेडी नीचे की तरफ जा चुके हैं, नीचे ब्राजीलिया को होल्ड करने के लिए एक जो डर है वो यहाँ पर पैदा किया है 4 अननोन की तरफ से। तो यहाँ पर 4 अननोन चाह रही है, तीनों प्लेयर्स को ताने हम लोग देख सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में भागते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर टू बी गेमर के प्लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ रहे हैं जो काफी ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब 4 प्लेयर्स एक साथ एक प्लेयर पर रश करते हैं, हमने देखा 6sense ने मेली अटैक से स्टोनर ने स्नेहा को एलिमिनेट किया है, तो ये और मेली अटैक्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। बट देखेंगे 4 अननोन की स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होगी, ब्राजीलिया पर पहुंच चुके हैं, इसका मतलब ये कि ब्राजीलिया और ज्यादा पॉपुलेटेड होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर हाइट का एडवांटेज 4 अननोन के पास है। आगे चल के देखेंगे क्या होगा, एंड टीएसजी 3 किल के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सोलो सोलो प्लेयर्स को पकड़ा जाएगा। एंड आयुष को पता नहीं है कि बिल्कुल ऊपर के कंपाउंड में प्लेयर है, व्हीकल का यूज नजर आ रहा है, और यहाँ से फ्लॉलेसली आगे बढ़ते हुए फायरिंग शॉट्स आ चुकी है व्हीकल के ऊपर और एक्सपोज कर चुके हैं एनिमीज, इधर कार ब्लास्ट भी हो चुकी है, विहान यहाँ पर शॉट के साथ रेडी है, और ये बैटल और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये बैटल 1v3 होने वाली है, क्योंकि टू बी गेमर के प्लेयर बिखरे हुए खेलना पसंद करते हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस 4 अननोन का भी एनी टाइम शुरू हो सकता है। बिल्कुल शुरू हो सकता है 4 अननोन यहाँ पर गाइस, एक किल निकालेंगे इसी के साथ साथ बात करेंगे, तो 7 टीम्स लाइव रहने वाले हैं इसी के साथ गाइस। अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, नए साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। गाइस ये हमारा 5th मैच ऑफ द डे चल रहा है, देखना होगा ये जो मैच यहाँ पर चल रहा है इसके बाद आखिरी मौका रहने वाला टीम्स के पास कमबैक करने का, अपने लिए टॉप 3 में जगह बनाने का। बट 4 अननोन का रश यहाँ पर बिल्कुल होने वाला, टू बी गेमर के प्लेयर्स को पकड़ा जा रहा है, आई थिंक यहाँ पर ट्रबल में फंस चुके, क्या वो एक लास्ट प्लेयर होने वाले या फिर नहीं होने वाले। बट उनको जो बाकी प्लेयर्स है यार, दोनों प्लेयर्स अलग अलग डायरेक्शन से हमको देखने में मिल रहे हैं यार, वो ये ट्राई करेंगे यार जो भी प्लेयर बच पाए सर्वाइव यहाँ पर ज्यादा से कर पाए, उनको अपने लिए टॉप 3 की पोजीशन बरकरार रखनी, इनफैक्ट फर्स्ट पोजीशन उनके पास यहाँ पर रहने वाले। बट क्या 4 अननोन बाकी के प्लेयर्स को पकड़ पाएगी या फिर नहीं पकड़ पाएगी, 12 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाले, खड़की के पास जितने भी नेट से थ्रो कर दिए, एंड अब यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश की जा रही, लेफ्ट में भी टीम है राइट में भी टीम है, क्या कोई टीम मौका देगी। टीएसजी यहाँ पर एक तरफ देखने मिल रही है, टू बी गेमर के प्लेयर्स बिखरे बिखरे हमको यहाँ पर नजर आते। गाइस अपने फेवरेट टीम्स के लिए हैशटैग यहाँ पर लगाते रहिए, स्ट्रीम को शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर जरूर बुला कर लाइए।
यस, यहाँ पर जल्द से जल्द अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाएं क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। ये मैप में सिर्फ 6 मिनट बच चुके हैं, इसके बाद सिर्फ एक ही मैप होने वाला है एंड आई डोंट थिंक आपको इतना इंटरेस्टिंग एक्शन मिस करना होगा, ना ही आपके फ्रेंड्स को। और यहाँ पर TSG फायरिंग शॉट्स कनेक्ट करते हुए 4 अननोन के साथ प्लेयर्स यहाँ पे रिवाइव होते हैं, ओजस्वी फिर से एक बार नाउ डाउन कर देते हैं और स्वस्तिक को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है। इसी के साथ अपने आप को MVP अपने टीम का अभी के लिए बना दिया है। एज अ स्पॉट सर्वाइव करते हुए टीम TSG नजर आ रही है लेजेंड ब्लू वॉल को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे लेजेंड के ऊपर खतरा। जैसे ही बड़ा लेजेंड ने अपने लिए ब्लू वॉल लगाई है और ओजस्वी को रिवाइव देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। प्लेयर्स फिर से हील अप करके फिर से एक बार रेडी हो चुके हैं, ओजस्वी ग्रोजा के साथ रेडी है एरो स्पोर्ट्स को अटैक करने के लिए एंड दिस इज व्हाट इट इज। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है ब्राजीलिया में जब ओपन फील्ड्स का सर्कल होता है एंड यहाँ पर सिर्फ ब्लू वॉल का सहारा है। एंड इफ यू लुक एट ब्लू वॉल, बिहान के पास अब से 2 ब्लू वॉल्स बच चुकी हैं, लेकिन 5 मिनट का और गेम प्ले का बाकी है, जिसका मतलब हर एक ब्लू वॉल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखे। थर्ड पार्टी इंक्लूड विहान को डाउन कर दिया गया एंड इट इज टीम केओस। क्या फिर से बुया टीम केओस ले जाएगी, काफी देर से शांत बैठे हुए, पता तक नहीं चला कि कब ब्राजीलिया के हाथ में आ चुके हैं। नाउ लोअर ग्राउंड टू अपर ग्राउंड अटैक करते हुए लेजेंड को भी डाउन कर दिया गया, रिवाइव देना काफी ज्यादा मुश्किल। आयुष ने डाउन हो जैसे अकेले, मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है टीम केओस के लिए। रिवाइव देना और यहां पर ओपन में भागना, एरो जुनैद यहां पर ओजस्वी को एलिमिनेट कर देते हैं। देखते देखते टीम TSG एलिमिनेटेड, एरो स्पोर्ट्स सरवाइव्स विद टोटल ऑफ 3 किल्स एंड 3 प्लेयर्स। बिल्कुल, एरो स्पोर्ट 3 किल्स के साथ गाइस हमको नजर आने वाले बॉर्डर पर रहेगी, बट यहाँ पर दूसरा फाइट चले 4 अननोन वर्सेस 6 एंड शिकार के हजार, एक प्लेयर यहाँ पर पकड़ा जा चुका है, किल्स को कंफर्म भी यहाँ पर किया जाएगा। इसी के साथ विजार्ड आई थिंक ट्राई करें मेडिकेट यहाँ पर लगाते हुए हमको नजर आने वाले, पीछे से क्या को टीम निकल कर आने वाले, यहाँ पर सामने 6 सेंस है उनके लिए रास्ता साफ नहीं रहने वाला, उनको यहाँ पर रश करना होगा नहीं तो सर्कल में जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, रोटेशंस उनको लेने भारी पड़ सकते हैं। इसी के साथ 4 अननोन आगे बढ़ रहे हैं, आई थिंक 6 सेंस यहाँ पर ऊपर की तरफ आते हुए हमको नजर आने वाले। आनंद को यहाँ पर ट्राई करना होगा, सिंगल स्नाइपर उनके पास यहाँ पर रहने वाले, क्या वो यहाँ पर अटैक कर पाएंगे, क्या वो नॉक निकाल पाएंगे, ट्राई करना चाहते हैं शॉट जल्दी जल्दी कनेक्ट किया जाए, बट यहाँ पर स्नाइपर प्लेयर को पकड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी। दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के शील्ड के अंदर जा रहे हैं, आनंद यहाँ पर नॉक हो जाएंगे। यहाँ पर 6 सेंस का जो गेम प्ले है वो अच्छा खासा देखने में मिल जाएगा। कुणाल एक लौते प्लेयर बच रहे हैं, क्या वो यहाँ पर पॉसिबल कर पाएंगे, क्या वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव दे पाएंगे 6 सेंस को फिनिश ऑफ करके। जी हाँ गाइस, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट आई थिंक 4 अननोन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। कुणाल जीआर को गोली चलाने का भी मौका आई थिंक नहीं दिया, 6 सेंस यहाँ पर बिल्कुल ट्राई कर रहा, 7 किल्स यहाँ पर निकाली गई। 3v3 की फाइट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, इसी के साथ 5 टीम्स यहाँ पर अलाइव रहने वाले। तो गाइस शॉर्ट रेंज में कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम आपके ऊपर भारी पड़ सकती है और सोच समझ कर आपको अपने रोटेशंस लेने होंगे। जितने भी वॉल्स है अगर आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में खड़े होते हो, स्नाइपर प्लेयर को जैसे कि सबसे पहले पकड़ा 6 सेंस को पता था कि यार एक प्लेयर को राइट साइड वाले को पकड़ते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग बाकी दोनों प्लेयर्स को भी पकड़ कर खत्म कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर कर पाएंगे एंड रोहित कुमार बिग शाउट आउट टू यू सपोर्ट करने के लिए टीम 6 सेंस को। टीम 6 सेंस एज इट इज अभी भी सर्वाइव कर रही है। टीम केओस यहाँ पर अपना फर्स्ट नॉक निकालते हुए डिवाइन आगे बढ़ रहे हैं 7 किल के साथ आगे बढ़ते हुए। स्कैरी और विवेक ने अपना अकाउंट नहीं खोला, डिवाइन स्नाइपर शॉट के साथ क्लोज बैटल ले रहे हैं, वो एक रिस्की मूव हो सकता है लेकिन रिस्की बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। डिवाइन खुद स्पॉट हो जाते हैं, नॉक होने के बाद खुद डाउन कर दिए गए हैं। स्कैरी का कवर फायर आ चुका है, एफजी स्पोर्ट्स यहाँ से एलिमिनेटेड लेकिन ऑन द कोर्स हाईएस्ट स्ट्राइकर को एलिमिनेट कर दिया गया। लिखी विवेक एंड स्कैरी सर्वाइव्स टू सी अनदर डे एज अ ट्रियो आगे बढ़ेंगे और यहां पर आगे बढ़ना भी होगा क्योंकि सर्कल उनके फेवर में नहीं है, सर्कल की एज पर जाएंगे। यहां से ऊपर से गेट कीपिंग करते हुए एरो स्पोर्ट्स ने पकड़ लिया, लिखी को डाउन भी कर दिया एबीडी ने और यहां पर हाइट का पूरी तरीके से एडवांटेज लेते हुए T2 स्नाइपर के साथ कनेक्ट भी कर पा रहे, शॉट्स डैमेज भी दे पा रहे लेकिन वो डैमेज इनफ नहीं था कि नॉक कंफर्म हो सके। 4 किल के साथ एरो स्पोर्ट्स भी सर्वाइव कर रहा है एज अ ट्रियो, सामने क्या कुछ करने वाले। जी हाँ गाइस, थोड़ी सी मुश्किल होने वाले बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टीम केओस एक प्लेयर को नॉक करके रखा जाएगा, एरो T2 यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, क्या उनको रिवाइव यहाँ पर मिल पाएगा, क्रोनो की एबिलिटी बिल्कुल यहाँ पर लगाई जा रही है, एरो इस पर ट्राई करेगी, बू यहाँ पर जल्दी से जल्दी लेकर जा पाए, बट नीचे से टीम्स को ऊपर जाना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, बट 2B गेमर फिर से एक और बार टॉप 3 के अंदर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। आज 2B गेमर किसी को भी बख्शने वाली नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बू यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है, ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर अपने नाम किए जाने वाले हैं, देखना होगा। एरो इस पर यहाँ पर लगातार मचा रही, 6 सेंस भी यहाँ पर मचा रही, 7 किल्स ऑलरेडी इनके पास निकल कर आ जाएगी, बट यहाँ पर मिस्टर जय वाइट को रिफाइव देगा, देखना होगा। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी एरो स्पोर्ट के नॉक करके
यहाँ पर रखे गए। लास्ट प्लेयर को क्या पकड़ पाएंगे, ट्राई करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी यहाँ पर किल निकाल के जा पाएंगे। नीचे तो एक और टीम ऊपर की तरफ बढ़ने वाली है। गाइस यहाँ पर अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। रश यहाँ पर होने वाला है, एरो इस पर आगे बढ़ेगी। मिस्टर स्टोनर का यहाँ पर एक नेट, क्या कनेक्ट हो पाएगा? कनेक्ट होता तो बिल्कुल नॉक यहाँ पर निकाल पाएंगे। एरो इस पर यहाँ पर पूरी की पूरी एक नेट से एलिमिनेट हो जाएगी। जी हाँ गाइस, बहुत ही शानदार गेम प्ले 6 रन्स की तरफ से देखने को मिला। 10 किल्स यहाँ पर निकाली जाएगी एंड 2B गेमर जो की लास्ट टीम यहाँ पर बची हुई है। 3 vs 3 का सिचुएशन है। स्टोनर रेडी है, अभी भी अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर स्टोनर ने मैजिशियन को डाउन कर दिया है। मैजिशियन को रिवाइव देना काफी ज्यादा मुश्किल, कंफर्म भी कर लिया गया है। 2v3 सिचुएशन, जय वाईटी ने कार्की को डाउन करके रखा हुआ है। अब इट इज अप टू लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या वो प्लेयर बुया निकाल कर जाएंगे या फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। जय वाईटी को रिवाइव नहीं दिया जा रहा, मोंक की ओर से एक बहुत भारी फ्लैंक नजर आ रहा है एंड यहाँ पर 1v1 सिचुएशन एनी टाइम हो सकता है। हो चुका है ग्रोजा वर्सेस शॉटगन, ब्लू ऑल वर्सेस क्रोनो शील्ड और यहाँ पर शॉटगन का यूज करते हुए 6x के मॉक ने एलिमिनेट कर दिया है 2B गेमर को। विद दैट हमें रिपीटेशन देखने के लिए मिला है और इस बार MVP में चेंज है और यहाँ पर स्टोनर बनेंगे MVP। बिल्कुल बनेंगे, बढ़ाएगा इस, मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं कर पाया, बट आई थिंक शायद 13 किल के साथ जो बुया है वो यहाँ पर लिया गया है। 12 और 13 किल यहाँ पर निकाले गए। बहुत ही अच्छा गेम प्ले जो है वो यहाँ पर हमें 6x की तरफ से देखने के लिए मिला। तो गाइस बहुत ही अच्छा एंड प्यारा गेम प्ले टीम्स की तरफ से देखने के लिए मिलने वाले। गाइस अभी हमारे पास आखिरी मैच बचा हुआ रहने वाला, बट यहाँ पर मैं बात करूंगा अभी जो परगेटरी मैप कंप्लीट हो गया, पहाड़ के ऊपर सर्कल हमको नजर आया तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है कि यार ऊपर जाए नीचे जाए कहाँ पर टिके, पेड़ का कवर लेने नीचे तो ऊपर चढ़ना मुश्किल रहता है और ऊपर से नीचे गए यार रुकना मुश्किल रहता है कि यार कहाँ पर टिक पाए, डैमेज ज्यादा पड़ जाता है, हर तरफ खतरा ही खतरा रहने वाला। बट जो भी टीम टिक पाती है लास्ट तक, क्रोनो एबिलिटी लगा पाती है, वॉर्स लगा पाती है, वही यहाँ पर भूया निकल कर जा पाती। सबसे पहले 4 unknown के पास वो एरिया था, बट 4 unknown अपने एरिया को ज्यादातर होल्ड नहीं कर पाए, सामना नहीं कर पाए 6 sense का, बट 6 sense ने बिल्कुल अपने एरिया को गवाया नहीं एंड भूया यहाँ पर लेकर गए। और बिल्कुल यहाँ पर बुया लेकर गए एंड शिवम पुरी ने बहुत अच्छा फ्रेज लिखा है, नो टेंस नो फियर व्हाइल 6 sense इज हियर। अल्टीमेटली 6 sense यहाँ पर बुया लेकर गया है, अ गुड फ्रेज इंडीड। काफी अच्छी तरीके से आप आपकी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हो और 6 sense का प्ले भी काफी शानदार होते जा रहे हैं। हर एक मैच के साथ कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। ओपन के अंदर फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, 6 sense के प्लेयर्स डिवाइड होते हैं, 2 players ऊपर बेट बनकर वे होल्ड करते हैं और पीछे से मॉक ऑलरेडी अपनी अलग बैटल छेड़ चुके होते हैं एंड सक्सेसफुली यहां से यहां पर बुया लेकर गए। एंड व्यूअर्स अब सिर्फ एक और मैच बना हुआ है, बाकी हुआ है एंड 3 ही टीम्स जो होंगी वो क्वालिफाई होकर आगे जाएंगे। आपको क्या लगता है, लीडरबोर्ड में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे या फिर वही रिपीटेशन होगा, सिर्फ पोजीशन 1 और 2 में चेंजेस आएगा? क्योंकि अभी तक हमने लीडरबोर्ड में देखा 2B गेमर नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर है, बट अब बुया चेंज हुआ है, फ्रैग पॉइंट्स चेंज हुए हैं, एमवीपीस चेंज हुए हैं, जिसके चलते हो सकता है कि 6 sense ने डेफिनेटली एक अपशिफ्ट ले लिया हो। जी हाँ, देखना होगा हमारा प्लेन कब उड़ान भरने वाला, काला हरी मैप जो कि गाइस हमारा फाइनल मैच ऑफ द डे होने वाला है, कितनी देर में स्टार्ट हो पाएगा, कौन कौन सी टीम्स यहाँ पर उतरने वाली, कितनी अच्छी फाइट्स यहाँ पर निकाल कर जा पाएंगे। तो लास्ट में डिसाइड करेगा कौन से वो 3 नाम यहाँ पर होने लगे जहाँ से क्वालिफाई होकर आगे की तरफ जाएंगे। डिफरेंस ज्यादा नहीं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था यार टोटल रैंकिंग के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितनी भी टीम्स यार सिर्फ लास्ट मैच यहाँ पर डिपेंड करेगा। अगर अच्छा गेम प्ले निकाल लिया तो यार कोई भी टीम फोर्थ फिफ्थ सिक्स पोजिशन पर बैठी हो डायरेक्टली अपने लिए टॉप 3 में जगह बिल्कुल बना ले, तो कभी भी यहाँ पर तख्ते पलट हो सकता है, कोई भी टीम टॉप 3 से बाहर जा सकती है, कोई भी टीम टॉप 3 के अंदर आ सकती है। थोड़ा सा संभल कर यहाँ पर टीम्स को खेलना होगा, अपने लिए जगह बनानी होगी टॉप 3 के अंदर। तो गाइस आपको यहाँ पर करना है, सपोर्ट करना है, लाइक करना स्ट्रीम को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। जी गाइस प्लेन पास यहाँ पर सिंपल रहेगा, बट देखना होगा TSG यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है हॉट जोन के ऊपर, बट बाकी टीम्स की बात के लिए तो ASC छूट जाएगी मैमक के ऊपर, साथ CRX डिवाइन हमको आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ पर 6 sense के साथ उनका मुकाबला होने वाला है, FZ Esports भी यहाँ पर जाने वाले, 3 teams का मुकाबला एक जगह पर होने वाला है, बट यहाँ पर AeroIB वर्सेस देखना होगा, एरो स्पोर्ट वर्सेस 4 unknown यहाँ पर रहने वाला, कौन यहाँ पर जीत कर जा पाएगा, क्या एक प्लेयर यहाँ पर पकड़ा जाएगा? आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल खतरे में पकड़े जाएंगे, स्वास्थ्य से यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, यहाँ पर विजार्डो को भी पकड़ा जाएगा, बहुत बड़े खतरे में यहाँ पर फंस चुके, बट बाकी दोनों प्लेयर यहाँ पर बिल्कुल भी आगे आने की गलती नहीं करेंगे। अगर क्वालिफाई होना तो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव उनको यहाँ पर करना होगा। जी हाँ गाइस, बहुत ही अच्छा गेम प्ले टीम्स की तरफ से हमको देखने लिए मिलने वाला है। एरो स्पोर्ट कोई भी कमी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहती, बट आनंद जाएंगे कार 98 एंड वुड पैकर के साथ हाई ग्राउंड का कवर लेने के लिए, क्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगे, जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे ज्यादा से नॉक निकाल जाएंगे, डिफॉल्ट टीम कनेक्ट कर पाएंगे कार 98 का, बट बाकी जो टीम्स हैं वो भी हमें
स्टोन रिज के ऊपर देखने के लिए मिली थी। तो गाइस उनकी तरफ भी चलेंगे, देखना होगा जो तीन टीम्स यहाँ पर उतरी थी उनके बीच में भी क्या फाइट स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। जी हाँ गाइस, हम लोग आज के स्टोन रिज की तरफ जहाँ पर CRX डिवाइन वर्सेस FJD स्पोर्ट होने वाले, बट आई थिंक सिक्स सेंस पिन के आसपास आ रही थी, बट उन्होंने अपना रास्ता शायद से तानिया बदल लिया है। जी बिल्कुल, यहाँ से अपना रास्ता बदल लिया है, आगे चल के किस तरीके से टीम CRX डिवाइन अपने आप को बचाएगी, क्योंकि FJD स्पोर्ट्स वर्सेस CRX डिवाइन एनी मोमेंट शुरू हो सकता है। एंड लूट की कमी नजर आ रही है स्नेहा के पास, हेल्थ किट भी नहीं है, ग्लू वॉल भी नहीं है, वेपन्स मिल चुके हैं, लेकिन क्या वो वेपन से सेटिस्फाइड है कि वो उससे किल्स निकाल सकेंगे, क्या उतनी कॉन्फिडेंट है। स्नेहा फॉल बैक लेते हुए नजर आ रही है, एंड बैकफुट जाना भी चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो कि ये बैटल आपके फेवर में जाएगा। सुशी के पास भी हेल्थ किट की कमी, यहाँ पर BSS के पड़के देती हुई नजर आ रही, एंड यहाँ पर ट्रेड फायर भी आ रहा है काफी लो NHP, प्लाज्मा आपने होने वाले आमना सामना होते हुए रोमन वर्सेस सुशी एनी टाइम सोन, और ग्लू वॉल लगा दी गई है, हील अप भी हो चुके हैं, बट यहाँ पर सुशी की ओर से प्ले ऑफ पेशेंस नजर आ रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहती, अपने आप को बचा कर रखना चाहती, और क्रोनो एबिलिटी बिल्कुल सही वक्त पड़ ली है, और यहाँ पर रोमन को एलिमिनेट भी कर दिया जाएगा, और यहाँ पर फर्स्ट फ्राइड एरियाना का कंफर्म कर दिया गया, एरियाना को हील अप करना होगा शेरनी के हाथों में। हम कोर्ट देख पा रहे हैं, फेब राबिंद्रो की HP लो होते हुए नजर आ रही है, एंड शेरनी को स्पॉट कर दिया गया है, डाउन भी कर दिया गया XM8 के प्रॉपर शॉट्स कनेक्ट करके, और शेरनी को रिवाइव देना काफी ज्यादा मुश्किल। इस बार क्या हमें फिर से एक बार सिक्स सेंस की ओर से मेली देखने के लिए मिलेगा स्नेहा, विद ओनली 1 HP यहां से भागते हुए नजर आ रही है, फिर भागते हुए नजर आ जाएंगे। तो गाइस आप मिस्टर जय वाल्टी जरूर आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं हमको देखने मिल जाएंगे एरियाना के ऊपर लगातार शॉट्स जो कनेक्ट किए जा रहे हैं, सिक्स सेंस यहां पर पीछे से निकल कर आए, उनको पता है कि यार थर्ड पार्टी करने का कोई भी मौका वो यहाँ पर नहीं चुनना चाहेंगे, मौके पर ट्राई करें किल्स को कंफर्म करने का, किल्स के ऊपर कंफर्म भी किया जाएगा। मिस्टर जयवेड आई थिंक बहुत ज्यादा लो यहाँ पर रहने वाले, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बचे हुए प्लेयर्स को क्या शिकार कर पाएंगे, सुशी क्या इकलौती प्लेयर यहाँ पर बची रहेंगे, उनको यहाँ पर पकड़ा जाएगा जी नहीं, यहाँ पर बाकी के प्लेयर्स भी अलाइव रहने वाले, आगे बढ़ेंगे। स्टोनर यहाँ पर फाइनली फिनिश ऑफ करते हुए नजर आ जाएंगे, देखना होगा नीचे FJD स्पोर्ट भी नजर आने वाले, उनको अभी सेम ड्रॉप लोकेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है, बट क्या सिक्स सेंस FJD स्पोर्ट को भी धराशायी कर पाएगी कि अपने लिए और भी किल्स आप निकाल पाएगी। आई थिंक यहाँ पर CRX जवान से स्नेहा भी बच्ची है, वो नीचे की तरफ होने वाले, आई थिंक इकलौती प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव करते हुए नजर आ जाएंगे, सोच समझ के यहाँ पर बाहर निकलना होगा, एक गलती है वो यहाँ पर किसी वक्त एलिमिनेट हो जाएंगे। जी हाँ, FJD स्पोर्ट एलिमिनेट करिए, देखते देखते पहला किल यहाँ पर अपने खाते में निकाल लेगा। तो गाइस सेफ फाइट होने वाले सिक्स सेंस वर्सेस FJD स्पोर्ट, आगे बढ़ना होगा, देखना होगा क्या और भी किल्स निकाल कर जाएंगे। फाइनल मैच है, अगर अपने लिए टॉप 3 में जगह बनानी है तो बिल्कुल यहाँ पर मुमकिन करना होगा। एक तरफ होने वाला है VK जिनके पास होने वाली स्नाइपर, जो कि यहाँ पर स्नाइपर शॉट्स कनेक्ट करते हुए हमको नजर आने वाले, बिल्कुल यहाँ पर ट्राई करेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखना होगा राजू यहाँ पर आने वाले, एक तरफ उनके पास नेट से एक होने वाला है, 5 वॉल्स हमें देखने के लिए मिल रही है, ऊपर बढ़ेंगे बट सिक्स सेंस का मुकाबला करना क्या इतना आसान रहेगा क्या FJD स्पोर्ट यहाँ पर, ये टीम बिल्कुल यहाँ पर नई नई फॉर्म हुई है FJD स्पोर्ट, तो देखना होगा इनका कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा सेट है एंड क्या वो एलिमिनेट कर पाएंगे सिक्स सेंस को। Yes, यहाँ पर हम जरूर देखेंगे कि क्या वो कोऑर्डिनेशन होल्ड करते हैं JYT शॉटगन के साथ, क्लोज कॉल लेते हुए बिल्कुल सही वक्त पर ग्लू वॉल लगा दी गई है, 4 किल के साथ आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर कदमों में क्लियर है, कंफर्म नहीं किया जा रहा, वेट किया जा रहा है कि जैसे टीम सपोर्ट आएगा हम किल कंफर्म कर लेंगे, 5 किल के साथ यहाँ पर JYT ने भी अपनी शॉटगन वाली किल कंफर्म कर ली है, एंड स्पोर्ट्स के लास्ट मैन स्टैंड यहाँ से बचकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू जब आप आखिरी बच जाते हो अपनी टीम के लिए, ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। सिक्स सेंस का फॉर्म अब फाइनली हमें नजर आ रहा है, भले ही फाइनल सेगमेंट फॉर द डे में, लेकिन पिछले मैच में भी शानदार परफॉर्मेंस, फिर से एक बार एक शानदार लैंडिंग नजर आई है, मोमेंटम पकड़ा हुआ है अभी भी, और यहां पर गनी को पकड़ने की कोशिश करते हुए JYT आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नजरों से छूटते हुए आगे बढ़ चुके हैं, JYT को स्पॉट कर दिया, गनी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, इनहेलर का यूज करके गनी यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, अब यहां से बचकर भाग निकलना काफी ज्यादा मुश्किल, ऊपर आए हैं बिल्कुल सही जगह पर, क्रोनो एबिलिटी यूज कर ली गई है, 1v2 सिचुएशन होते हुए JYT ऊपर से जंप करते हैं, एंड FZE स्पोर्ट्स एलिमिनेटेड, एंड 6 किल्स कंफर्म्ड बाय टीम सिक्स। बिल्कुल लास्ट गेम चल रहा है यहाँ पर, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कौन किसके ऊपर भार यहाँ पर पड़ने वाला है, और भी फाइट्स हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, गोलियां भी यहाँ पर कहने के चलाए जा रहे हैं, तो चलते हैं बाकी टीम्स की तरफ भी जाना चाहेंगे, टोटल 9 टीम्स अलाइव रहेंगे, 31 प्लेयर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे, ज्ञान गेमिंग की फाइट यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, देखना होगा सामने GXR हमको देखने के मिल रही है, हाई ग्राउंड का फायदा उठाते हुए एक प्लेयर गोलियां बिल्कुल यहाँ पर उठाना चाहेंगे, देखना होगा कौन किसको एलिमिनेट करके कितने किल्स यहाँ पर अपने खाते में निकाल कर जाने वाला। जी हाँ गाइस, आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसी के साथ GXR यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आने वाले, कोई भी किल इनके पास नहीं है, बट यहाँ पर रश करना कितना ज्यादा पॉसिबल
रहने वाला देखने को अमन यहाँ पर ट्राई करे ज्यादा नेट से थ्रो कर पाए, कोई भी अगर नॉक निकलता तो रश करने में कोई भी कमी ये टीम यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली। इसी के साथ यहाँ पर टीएसजी की फाइट भी हमको देखने मिली जो कि प्लेट से भागते हुए नजर आने वाले, किसके ऊपर कितना प्रहार यहाँ पर किया जाने वाला। आई थिंक ये फाइट कुछ अलग ही लेवल पर देखने के लिए विहान क्या नॉक कर पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर टीएसजी लगातार ट्राई करते दो प्लेयर्स को विहान यहाँ पर अकेले नॉक करके रखा जाएगा, रिकॉर्ड किल को कंफर्म करेंगे दो केस टीएसजी बिल्कुल यहाँ पर उठाए जाएंगे। टीएसजी को जल्दी जल्दी आना होगा, इनको ज्वाइन करना होगा नहीं तो विहान के ऊपर खतरा बिल्कुल यहाँ पर बढ़ता ही चला जाने वाला। आई थिंक आगे बढ़ेंगे, वॉल्स को क्या यहाँ पर तोड़ा जाएगा क्या नहीं तोड़ा जाएगा, बट टीएसजी थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पर फाइट जो है वो लेनी होगी। बिल्कुल यहाँ पर फाइट लेनी होगी, टीएसजी दो किल के साथ फाइट लेते हुए ऑलरेडी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक डिवाइन के शॉट बल्कि ग्रेनेड अटैक काफी ज्यादा काम करते हुए टू बी गेमर के ऊपर दो प्लेयर्स के एक साथ नॉक निकाला गया। विहान साइड के साथ आगे पीछे थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि कौन से एंगल में बैटल लेना है, लेकिन आयुष काफी ज्यादा श्योर है कि यहाँ पर फूट जो व्यू दे रहा है उसे अटैक करें उसे नॉक करें एंड सक्सेसफुली टीम ओपी को यहाँ पर निकू को कन्फर्म कर लिया गया है। एक्स डिवाइन के फिर से ग्रेनेड, एक ग्रेनेड दो प्लेयर को एक साथ बार बार नॉक करते हुए नजर आ रहा है। टीम के साथ टीएसजी हाइट का एडवांटेज लेते हुए नजर आ रही है, नीचे टीम ओपी ग्रेनेड अटैक्स के चलते यहां पर लेजेंड का ग्रेनेड अंश को कनेक्ट होता है, डाउन भी कर दिया गया है, रिवाइव देना काफी ज्यादा मुश्किल। लेजेंड ऑन फायर, ग्रेनेड के बाद शॉटगन से किल कंफर्म करते हैं नजर आ रहे हैं। नाउ वी आर बैक टू लास्ट मैन स्टैंडिंग, ऋषभ कितनी ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, 1v3 सिचुएशन हो चुका है एंड लेजेंड किसी को यहां पर सर्वाइव करने का मौका नहीं दे रहे। 4 किल्स रिहान ने यहां पर अपने लिए निकाली है 7 किल के साथ। यहां पर टीएसजी surviving near to refinery aur yahan par four unknown struggle karte hue with only one man standing kunal jhuria unke samne ac fourth bhi aa chuki hai, aero sports ko eliminate kar diya gaya and yahan par sanjay ka bahut hi shandar grenade dekhne ke liye hame mila hai। बिल्कुल अब देखने नहीं मिला कुणाल जी यार, इकलौते प्लेयर यहाँ पर बचे रहे हैं, क्या कमान संभाल पाएंगे यहाँ पर, फोर अनोन क्या टिक पाएगी, क्या यहाँ पर एलिमिनेट तो नहीं हो जाएगी। ए एस स्पोर्ट यहाँ पर आए, चारों प्लेयर सलाइव रहने वाले, वेट यहाँ पर कर रहे हैं। गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रीम को एक साथ लाइक करना, 20,000 लाइक पर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर यहाँ पर करना। बट देखना होगा ए एस स्पोर्ट यहाँ पर उनकी फाइट जरूर टीएसजी आर्मी के साथ होने वाले, क्या यहाँ पर इकलौते प्लेयर फायदा उठा पाएंगे, बट कहने के सोच समझ के यहाँ पर जो गोलियां हैं वो चलाने को टीएसजी एक तरफ हमको देखने मिलेगी, बट पीछे से यहाँ पर प्रहार किया जा रहा है लक्की के ऊपर, बट लक्की यहाँ पर नॉक नहीं होंगे, बट उनको यहाँ पर लोकेशन रिवील हो जाएगी एक प्लेयर के, देखना होगा क्या वो यहाँ पर उन्हें टीएसजी का प्लेयर समझेंगे या फिर कोई सोलो सर्वाइवर समझ पाएंगे, तो वो अभी यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। बट ज्यादा सारे ट्राई किया जा रहा है, बट फोर अननोन यहाँ पर अपने कदमों को पीछे हटाना होगा, स्पास 12 होने वाले हैं, क्या वो यहाँ से नीचे निकलकर जाने वाले हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी करने का कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहेंगे। इधर सोच समझ के जो फाइट से वो लेनी होगी, एएस स्पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर अपने कंपाउंड के अंदर बैठी रहेगी, यहाँ पर #6SOP जो है वो लगाया जा रहा है और साथ साथ देखना होगा कौन से वो तीन नाम होंगे जो आज यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएंगे। टीएसजी 7 किल्स यहाँ पर निकाल कर रखी जाएगी, तो क्या लगता है गाइस टीएसजी यहाँ पर अपने लिए टॉप 3 में जगह बना पाएगी या फिर नहीं बनाने वाले। आई थिंक रश करने की पूरे पूरे तैयारी यहाँ पर कर ली है, एएस स्पोर्ट कैसे संभाल पाएगी, कंपाउंड के अंदर बिल्कुल डट कर खड़ी रहेगी और कोई भी रश करने की गलती यहाँ पर नहीं करना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी टीम गलती करना नहीं चाहती। टीएसजी की ओर से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, फिर से एक बार ग्रेनेड अटैक करते हुए लेजेंड नजर आ रहे हैं, ग्रेनेड मिस हो जाता है कनेक्ट नहीं होता, शॉटगन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर फायरिंग शॉट्स एक्सचेंज, दोनों ही टीमें आपस में बिल्कुल सही वक्त पर ग्लू वॉल लगा दी गई है जिसके चलते कोई भी नॉक कंफर्म नहीं। लेजेंड की एचपी कम हो रही है, क्रोमो शील्ड की एबिलिटी ऑलरेडी यूज हो चुकी है और यहाँ पर अपने आप को हील अप करना होगा, हील अप करते हुए संजय को डाउन कर दिया, मिस्टर राज को डाउन कर दिया और यहाँ पर विहान अपने लिए 5 किल कंफर्म करते हुए किलिंग स्प्री पर जा चुके हैं। इनहेलर का यूज और यहाँ पर विहान को स्पॉट एंड डाउन कर दिया गया, लेजेंड का टीम सपोर्ट आते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर 10 किल कंफर्म, हाईएस्ट ट्राइगर विहान को यहाँ पर गवा दिया गया जिसका अफसोस मुझे भी उतना ही है जितना कि व्यूअर्स को, बट यहाँ पर आई थिंक टीएसजी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म पकड़ लिया है, डेंजर जोन बिल्कुल सर के ऊपर, अपने आप को बचाना होगा एज अ ट्रियो। आयुष को अब पूरी तरीके से टीम सपोर्ट देना होगा बिकॉज दे हैव लॉस्ट एएस, लकी अकेले प्लेयर बच गए हैं, यहाँ पर 1v3 सिचुएशन एनी टाइम सून हो सकता है। बिल्कुल अब हो सकता है लक्की यहाँ पर इकलौते प्लेयर बचे रहेंगे, तो गाइस क्या लगता है ये अकेला प्लेयर यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, 15 प्लेयर्स यहाँ पर अलाइव रहने वाले हैं, देखना होगा यहाँ पर पहाड़ों का कवर लेकर प्लेयर जरूर यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। बट 10 किल्स टीएसजी यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाले गाइस, सर #TSG के लिए लगाते रहे, स्ट्रीम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लिए, देखना होगा यार 10 किल्स यार और कितने खेल से यहाँ पर निकाल पाएंगे। 6 टीम्स यहाँ पर अलाइव है, 15 प्लेयर्स
देखने के लिए मिले। कुणाल जी आर भी सर्वाइव करेंगे, इकलौते प्लेयर बचे रहेंगे। फोर अननोन की तरफ से दो किल्स इनके पास यहाँ पर रहने वाले। टोटल रैंकिंग भी हमारे पास निकल कर आज के हम लोग देखे थे, सिक्स रन यहाँ पर होने वाली है। 74 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन यहाँ पर फाइनली ले ली गई। बट देखना होगा टू बी गेमर देखने के लिए मिल रही है सेकंड पर 66 पॉइंट्स, एंड थर्ड पर होने वाले टीम केओस जो कि अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल निकालना चाहिए। बट फोर अननोन क्या लगता था यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएंगे? फोर एंड उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 20 बफर पॉइंट्स नजर आ रहा है। यहाँ पर बूया निकालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टॉक अबाउट टीएसजी, पिछले मैचेस में शेकी परफॉर्मेंस अभी तक से 34 पॉइंट्स है। यहाँ पर अगर और 5 से 6 किल लेकर बूया निकाल के जाते हैं तो भी हमें एक अपशिफ्ट देखने के लिए मिल सकता है। एंड द ड्रीम्स ऑफ फोर एंड नोन आर शैटर्ड। फोर एंड नोन एलिमिनेट हो चुकी है। 5 टीम्स 14 प्लेयर्स, टीएसजी एज अ ट्रियो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर टीम के उसके प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। हाइट का एडवांटेज डिवाइन के हाथों में, स्नाइपर हमने आगे भी देखा है कि डिवाइन के हाथों में स्नाइपर होती है जो काफी ज्यादा डेडली है। और यहाँ पर टू बी गेमर के प्लेयर को विवेक एलिमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ इट इज ऑल अप टू मैजिशियन कितनी ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर एलिमिनेट होते तो क्या वो टॉप 3 में सस्टेन कर पाएंगे, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है। एंड टॉकिंग अबाउट टीम केओस, स्प्लिट ऑफ 50-50 खेल रहा है। एंड यहाँ पर आमना सामना सिक्स सेंस के साथ एनी मोमेंट हो सकता है जो कि अभी लीडर बोर्ड पर डोमिनेट कर रही है। एंड सिक्स सेंस की फ्लॉलेस एंट्री जो लिखी नहीं चाहते, फ्लॉलेस रहे। जैक को स्पॉट किया गया है, डाउन करने की कोशिश की जा रही है। क्रोनो शील्ड बिल्कुल सही वक्त पर लगा दी गई है जिसके चलते अभी के लिए डैमेज होल्ड पर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर होल्ड पर रहेगा टीम की ओर, चारों प्लेयर्स को लाइव रखा जाएगा। सर्कल के सेंटर में हमें देखने मिले पर टीएसजी क्या यहाँ पर किसी को भी छोड़ने वाली, क्योंकि गुस्सा उनको आ चुका है क्योंकि लास्ट मैच यहाँ पर चल रहा है। जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा ऊपर तक यहाँ पर टीएसजी जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा टीएसजी अभी फिलहाल कंपाउंड्स के ऊपर चढ़ते हुए नजर आने वाले। आई थिंक लेजेंड के पास क्या ग्रैपलिंग हुक गन है, क्या वो ऊपर जाएंगे? ओजस्वी जरूर यहाँ पर ओडिशन देते हुए हमको नजर आने वाले। बट कोई भी गलती उनको यहाँ पर नहीं करनी होगी, एक गलती यहाँ पर प्लेयर जो है नॉक हो जाएंगे। किल कंफर्म करने में बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। एएससी स्पोर्ट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी टीम की उसकी तरफ से। विवेक यहाँ पर उनको फिनिश ऑफ करेंगे। देखना होगा, 4 टीम्स यहाँ पर अलाइव हैं। टीएसजी लेजेंड ऑलरेडी यहाँ पर सेट होकर बैठे रहेंगे। एयर ड्रॉप का कवर भी यहाँ पर ओजस्वी को मिलने वाला है। M79 यहाँ पर हमको नजर आ रहा है लेजेंड के हाथ में। ओ माय गॉड, यहाँ पर डैमेज दिया जाएगा, नॉक बिल्कुल निकाला जाएगा। कोई भी गलती नहीं करने दिया जा रहा। नीचे बाकी के प्लेयर्स होने वाले, टीम की ओर से यहाँ पर थोड़ी बिखरी बिखरी नजर आने वाली। कौन बूया यहाँ पर निकाल कर जाना इस कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें यहाँ पर बताकर बता दीजिएगा। यहाँ पर अभी भी गोलियां चलाई जा रही, 3 प्लेयर्स बिल्कुल यहाँ पर तबाही मचा रहे हैं। विहान की मैं बात करूंगा, भले ही एलिमिनेट हो चुके बट 6 किल्स अकेला प्लेयर यहाँ पर निकाल कर गया जिससे इनके पास टोटली 11 किल्स निकल कर आज के। देखना होगा टीम के उसको भी सर्कल में आना है, बाकी प्लेयर्स को भी सर्कल के अंदर आना है। रोकने की कोशिश पूरी पूरी यहाँ पर की जा रही है। मिस्टर जय वाइट यहाँ पर नॉक हो जाएंगे, टीएसजी से ओजस्वी को नॉक करके रखा जाएगा। एक और प्लेयर डिवाइन का किल यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। आयुष एंड लेजेंड 2 प्लेयर्स यहाँ पर बचे रहने लगे। सर्कल इनके पास निकल कर आता तो बिल्कुल यहाँ पर टीएसजी भूया निकालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। बट सामने सिक्स सेंस भी होने वाले, मिस्टर जय वाइटी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखना होगा यार वॉल्स कितनी ज्यादा उनके पास है कि 3 प्लेयर्स यहाँ पर हमको देखने में मिलेंगे। एक और हेडशॉट यहाँ पर आयुष ने कनेक्ट किया, क्या वो किल को कन्फर्म कर पाएंगे? बिल्कुल, हम देखेंगे क्या वो किल्स कंफर्म हो पाएंगे। फैब इंद्रो को डाउन कर दिया गया है, एज द ड्यूओ सर्वाइव कर रहे हैं। आयुष हाइट का एडवांटेज ले रहे हैं और यहाँ पर मॉक जो रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली ये कोशिश नाकामयाब होती है, मॉक रिवाइव दे देंगे। जोन क्लोजिंग होगा, इससे पहले हील अप भी हो जाएंगे। जोन क्लोजिंग होना शुरू हो चुका है। लेजेंड यहाँ पर हाइट का एडवांटेज भी यूज कर रहे हैं, गेट कीपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मॉक के करारे झटके लग चुके हैं। सिक्स सेंस इज ऑन बीस्ट मोड गाइस, यहाँ पर आयुष टीम सपोर्ट देते हुए रिवाइव दे चुके हैं अपने टीममेट को। एज द ड्यूओस अभी भी सर्वाइव करेंगे, आगे भी चलेंगे। लेजेंड को बचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिवाइव दिए बगैर नीचे आ गए। ओहो हो हो, ये क्या मिस्टेक कर दी आयुष की ओर से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई होगी जिसके चलते फिर से एक बार पूरी तरीके से रिवाइव दिया जा रहा है। एंड जल्द से जल्द हील अप भी हो जाएंगे। 3 टीम 8 प्लेयर एडवांटेज ऑफ नंबर, सिक्स सेंस के पास ग्रेनेड अटैक शुरू हो चुके हैं। टीम केओस ऑन द राइट साइड, सिक्स सेंस ऑन द लेफ्ट साइड, बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है। कौन यहां पर बचेगा, कौन यहां पर जीतेगा, वो हमें बिल्कुल करीब है, बिल्कुल एंड पर है, अभी जल्द से जल्द जरूर पता चल जाएगा। बिल्कुल पर पता चल जाएगा। गाइस रेडी हो जाए, क्या होगा यार, क्या इंटरेस्टिंग के बीच होने वाला। टीएसजी क्या बुआ निकल कर जा पाएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। लेजेंड यहाँ पर क्या जंप एंड शूट करने वाला है, अगर जंप एंड शूट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ट्राई कर पाएंगे। बट यहाँ पर उनके ऑलरेडी एचपी कम थी, बट पीछे से कवर फायर आएगा। आयुष यहाँ पर ट्राई करना चाहेंगे। देखना होगा ये जो भूया है वो किसके पास निकल कर आने वाले, क्या सिक्स सेंस एक और भूया यहाँ पर लेकर जाने वाले। फिर अकेल से आप निकालेंगे टीम क्यों से एलिमिनेट हो जाएगी थर्ड पोजीशन के, इसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। बट टीएसजी आर्मी को एलिमिनेट किया जाएगा, एक और भूया यहाँ पर
सिक्स एंड सबको लेती हुई नजर आ जाएगी। एस्टोनर होने वाले एमवीपी जिनके पास तीन के सबको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अच्छे खासे गेम प्ले के साथ सिक्स एंड यहाँ पर पूरा पूरा ट्राई किया, सर्कल के बाहर से आए एंड अपने लिए सर्कल में जगह भी बनाई और बुया भी यहाँ पर लेकर गए। और बिल्कुल यहाँ पर बुया भी लेकर गया। क्वेश्चन ये है 74 पॉइंट्स पर थे क्या 26 पॉइंट्स अक्वायर करके सेंचुरी हासिल कर लिया या नहीं? सर्टेनली ये सिक्स एंड्स नंबर वन पर थी, नंबर वन पर रहेगी एंड आई डोंट नो हाउ कम सेकेंड हाफ के अंदर टीम सिक्स एंड्स ने अपना बीस्ट मोड ऑन कर लिया था, किल्स पर फोकस दी जा रही थी और सबसे लास्ट सर्कल में एंट्री लिए, इसके बावजूद एंड तक सर्वाइव कर बुया लेकर गए हैं। बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर, कास्ट करना काफी ज्यादा ईजी है, व्यूअर्स के लिए स्पेक्टेट करना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन जो प्लेयर्स मेहनत करके खेलते हैं डिसीजन लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल लगा। तो गाइस अपने प्रेडिक्शंस आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग तब तक यहाँ पर मैप्स एंड बुया देख लेते हैं कौन कौन सी टीम यहाँ पर किस मैच के अंदर बुया निकालते हैं। चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैप जो कि बर्मुडा मैप हमको यहाँ पर देखने के मिला, जहां पर एक बुया निकल कर आता 2B गेमर की तरफ से, अच्छी शुरुआत यहाँ पर इन्होंने की। उसके बाद परगेटरी मैप हमको यहाँ पर देखने के मिला, फोर अननोन अपने झंडे यहाँ पर गाड़ दिए गए। उसके बाद काला हरी मैप हमको देखने मिलता है, सिक्स सेंस यहाँ पर हमको नजर आए। उसके बाद जो हमारे मैप से वो हमको रिपीट होते हुए यहाँ पर देखने ने मिले थे, बर्मुडा सेकंड टाइम देखने के लिए मिला, टीम क्यूस ने यहाँ पर अच्छा खासा बुया निकाला। उसके बाद परगेटरी मैप हमको देखने के लिए मिल रहा था, सिक्स सेंस अच्छे खासे बुया के साथ परगेटरी मैप में नजर आई एंड यहाँ पर जो कि काला हरी लास्ट मैच था उसके अंदर भी सिक्स सेंस ने जो है वो झंडा गाड़ा और देखते देखते दो बुया यहाँ पर लास्ट में बैक टू बैक निकाले। तो अच्छे खासे गेम प्ले के साथ सिक्स सेंस अपने लिए फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर लेकर जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर अपने लिए फर्स्ट पोजीशन लेकर जाएगी, लेकिन क्वेश्चन अभी भी कम नहीं है व्यूअर्स, अभी भी दो स्लॉट्स बाकी हैं जो क्वालिफाई होंगे सिक्स सेंस के लिए, हम कंफर्म कर चुके हैं। द रीजन इज वैसे ही लीड अबाउट पर नंबर वन थे एंड एंड तक सर्वाइव किया, किल्स भी कंफर्म किए, बुया भी निकाला। तो नेक्स्ट टू टीम्स कौन सी होने वाली है एंड यस लेट मी मेक इट समथिंग इजियर फॉर यू। नेक्स्ट पोजिशन पर टीम NXT थी 66 पॉइंट्स के साथ एंड टीम क्योस थी 62 पॉइंट्स के साथ। तो संजीव टीम क्योस भी एंड तक सर्वाइव कर रही थी जिसके चलते सिक्स सेंस एंड टीम से टीम क्योस क्वालिफाई हो चुके हैं। नाउ कंफ्यूजन इज फॉर टीम NXT, क्या टीम NXT 2B गेमर यहां से क्वालिफाई होकर आगे जा चुकी है फॉर द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ फोजिया जे स्क्रिम्स, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। व्यूअर्स आप भी अपने प्रेडिक्शन लगाइए, गेसेस लगाइए, राइट गेस विल डेफिनेटली गेट अ गुड शाउट आउट फ्रॉम अस। सो गाइस यहाँ पर वक्त हो चुका हाइलाइट्स का, तो चलते एक बार जान लेते हैं हाइलाइट्स में कौन कौन सी फाइट्स हमने यहाँ पर देखी थी और दोबारा एक बार हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यार निक्कू के शॉट से, यहाँ पर कनेक्ट हुए प्लेयर को नॉक करके रखा गया। उसके बाद यहाँ पर निक्कू का एक और हेडशॉट कनेक्ट होता है, नॉक यहाँ पर निकाला जाता है, आन बान शान यहाँ पर जो निक्कू है अपनी टीम की तरफ से देखने के लिए मिल रहे थे। इसके बाद यहाँ पर एक और बार ज्ञान गेमिंग जो लगातार मचाते हुए हमको नजर आते हैं। इसके बाद ऋषभ के हेडशॉट से यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेते, नॉक यहाँ पर निकाल लेते, जो भी प्लेयर दिखा डैमेज यहाँ पर दिया एंड फोर अननोन से आनंद की स्नाइपर यहाँ पर बिल्कुल करारा जवाब देते हुए हमको नजर आते हैं। यहाँ पर नेट्स भी थ्रो किए गए थे बट जो नीचे दो टीम्स हमको देखने के मिल रही थी सिक्स सेंस भी थी, CRX डिवाइन के दो प्लेयर्स एट अ टाइम यहाँ पर नॉक किए गए। बिल्कुल यहाँ पर दो प्लेयर्स को नॉक कर लिया गया था, अननोन ये पर्टिकुलर बैटल के अंदर अनस्टॉपेबल नजर आ रही थी और टॉक बट सिक्स सेंस फैक्ट्री साइड पर कब्जा जमाए बैठी थी। एक साथ तीन टीम्स का अटैक हो जाता है, यहाँ पर स्टोनर को डाउन जरूर किया गया था लेकिन रिवाइव भी फ्लॉलेसली दे दिया गया था टॉक बट टीम क्योस, एक प्लेयर ऑलरेडी कम था, लिखी को भी स्पॉट एंड डाउन कर लिया गया था, मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। रिवाइव का कोशिश दे ही रहे थे कि स्टोनर आ जाते हैं शॉट गन से अपने लिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर करके किल भी कंफर्म कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट बुया टीम लेकर अपने लिए चली जाती है। With that, Six Sense gets eliminated on position 2 and this is a funny melee attack coming in from Stoner himself, जो टीम CRX के last press में आते हैं, उन्हें पैन से eliminate कर दिया जाता है, ROG Sports को grenade से, Stoner के grenade से eliminate कर दिया जाता है, 11 kill के साथ आगे जाते हुए, Monk यहाँ पर काफी शानदार flank दिखाकर last man standing को eliminate करके फिर से एक बार बुया लेकर जाते हैं। Talking about ROG Sports at this point of time काफी खतरनाक prove हो रही थी refinery पर, 1-1 4 unknown के तीन players को eliminate flawlessly कर दिया गया था। बिल्कुल अपर कर देगा। उसके बाद मिस्टर जयवाड़ी देखने मिले, सिक्स सेंस लगातार ट्राई करे ज्यादा से ज्यादा किल पॉइंट अपने नाम यहाँ पर करके जा पाए और देखते देखते नॉक भी यहाँ पर निकाले गए। यहाँ पर FG स्पोर्ट से VK को भी नॉक यहाँ पर किया गया, मिस्टर जयवाड़ी यहाँ पर बिल्कुल ट्राई करे थे, कोई भी मौका नहीं दिया जाता। लेजेंड के शॉट्स यहाँ पर कनेक्ट होते, डबल बैरल से यहाँ पर गोलियां चलाए जा रही थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर TSG बिल्कुल भी थमने का नाम यहाँ पर नहीं लेते, जितने भी प्लेयर्स उनके सामने आए उतने ही प्लेयर्स को उन्होंने एलिमिनेट किया। टीम OP को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया यानी कि ज्ञान गेमिंग को। उसके बाद TSG यहाँ पर हमें देखने मिले, 10 किल्स ऑलरेडी यहाँ पर उनकी तरफ से निकाले गए बट यहाँ पर ओजस्वी का शॉट कनेक्ट होता है, टीम क्योस यहाँ पर स्कैरी नॉक हो जाते, किल पॉइंट यहाँ पर कन्फर्म इनकी तरफ से कर लिया जाता है।
कंफर्म कर लिया जाता है और फाइनली बूया भी लेकर चली जाती है टीम सिक्स सेंस। एंड विद दैट मेरे ख्याल से हमने आपको बूयाज बता दिए, हमने आपको हाइलाइट्स दिखा दी, बेस्ट ऑफ प्ले दिखा दिए। अब आपका वक्त है कि आप हमें बताएंगे कौन सी वो तीन टीम्स हैं जो यहाँ से आगे चलेंगी टू प्रॉम क्वालिफायर्स टू फाइनल्स ऑफ फौजी अजय स्क्रिम्स। तो आपको गैस लगाना शुरू कर देना होगा। 11 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी एंड सिक्स सेंस फॉरएवर। मेहदी हसन, अ बिग शाउट आउट टू यू एंड वंस अगेन अ बिग शाउट आउट टू everyone, Rohit Kumar as well, who is supporting Six Sense non-stop it. और ये मैं पहले से देख रही हूँ, रोहित कुमार ने शुरुआत से टीम Six Sense को सपोर्ट करना शुरू किया था रेड ग्रीन एंड येलो हार्ट्स के साथ। अभी तक वही सपोर्ट शुरू है। Keep on showing the same love and support for your favorite team, for your favorite caster. Please don't spread hate, spread love. बचाइए अपने आप को ये सब hatred के झमेले से और खुशियां देने की कोशिश करिए। जितनी ज्यादा खुशियां देंगे कर्मा उतनी ही ज्यादा खुशियां आपको जरूर देगा। बिल्कुल देखा। तो गाइस अभी यहाँ पर वक्त हो चुका है रिजल्ट्स का, तो चलते हैं और जानते हैं कौन से तीन नाम यहाँ पर उन्होंने जो क्वालिफाई होकर आगे जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, सबसे पहला नाम यहाँ पर हमको देखने लिए मिल जाएगा सिक्स एंड फाइनल यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन लेकर जाने वाले। 95 पॉइंट्स उनके पास रहेंगे, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा किल पॉइंट यहाँ पर होने वाले टीम क्यूज। सेकंड पोजीशन लेकर जाएंगे 75 पॉइंट्स के, टू बी गेमर 73 पॉइंट्स एंड फर्स्ट पोजीशन सरक कर नीचे थर्ड पोजीशन पर आ गई। बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पर आ चुकी है, लेकिन कांग्रेचुलेशंस टीम सिक्स सेंस, टीम क्योस एंड टू बी गेमर, यू हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड फॉर फौजी अजय ग्रैंड फाइनल्स। एंड ओवर हियर वी सी टीएसजी आर्मी ने पिछले लास्ट मैच में एक शानदार परफॉर्मेंस दिया, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी थी। एएसई स्पोर्ट्स की ओर से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, 4-0। आज का पर्टिकुलर दिन उनका नहीं था, किल भी काफी कम थे, बुया निकालने में एक बुया निकाला जरूर था लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी वहां भी नजर आई थी। एंड दैट इज इट, सिक्स सेंस ने कंटिन्यूस किया, सेंचुरी से दूर थे बट इट्स ओके, अपने लिए ऑलरेडी 20 पॉइंट्स की लीड बना ली थी एंड अपने लिए पोजीशन 1 बी सिक्योर कर ली थी। बिल्कुल, तो हर एक टीम की तरफ से एक अच्छा गेम प्ले हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। तो यार हर एक टीम ने यहाँ पर लगातार मचाया और साथ ही साथ मैं तानिया आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मजा आपके साथ कास्ट करने का। एंड हमारे व्यूअर्स का बहुत बड़ा वाला थैंक यू यहाँ पर बोलना चाहूंगा। अगर आप लोग भी यार खेलना चाहते हो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए game.tv ऐप। हर दिन आप लोग बहुत सारे टूर्नामेंट्स पर रजिस्टर कर सकते हो, जीत सकते हो बहुत सारे प्राइस। सर देर बिल्कुल भी नहीं करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्कॉर्ड सर्वर पर आप लोग जा सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहां पर मॉड्स है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका game.tv से कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, फिर प्राइस कैसे क्लेम करना, हर एक चीज का रिप्लाई आपको मॉड्स वहां पर दे देंगे। गाइस हम लोग भी ऐसे टूर्नामेंट के साथ लगातार वापस आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।